हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। एंड आज मैं आपके साथ एक नया ड्रामा लेके आई हूँ। इसका नाम है किस सेक्स सेन। बिकॉज इसमें जो हमारी हीरोइन है उसको फ्यूचर देखने की एक एबिलिटी है जिसे वो अपने सिक्स सेंस कहती है। और ये एबिलिटी से तभी आती है जब उसकी लिप्स किसी के बॉडी को टच करती हैं। तो ये ड्रामा देखने में आपको बड़ा मज़ा आने वाला है। तो आप बिना किसी और बात को और बढ़ाए अपने इस ड्रामा की ओर बैठते हैं। कहानी की शुरुआत में हम एक बच्ची को पानी में डूबते हुए देखते हैं, तो हमें पता लगता है कि ये हमारी फीमेल लीड को बस एक सपना था। और बेचारी थकती इतना होती है काम करते करते कि उसके पास कोई सोने का भी वक्त नहीं बचता। फिर वो फ़ौरन जाती है कपड़े चेंज करती है एकदम मस्त हीरोइन टाइप, और जाती है कॉफ़ी लेने, जहाँ वो कॉफ़ी थोड़ी गर्म मांगती है। तो कॉफ़ी वाला कहता है, भाई इतनी गर्मी का मौसम है आप गर्म पियोगी? आप एक काम करो, कोल्ड ले लो, कोल्ड कॉफ़ी ले लो। तो वो कहती, नहीं चाहिए, तो मुझे गर्म चाहिए क्योंकि कुछ टाइम बाद थोड़ी ठंड होने वाली है। और वो उसे ज़बरदस्ती ले लेती है। वो बाहर खड़ी होती है कि उसके पास उसकी एक कलीग आती है और वो कहती, तुम क्या देख रही हो? तो वो उसे कहती, देखो ना बारिश का मौसम हो रहा है। तो वो कहती, बारिश का मौसम? कितनी तेज़ धूप निकली है, तुम्हें ऐसा क्यों लगता है बारिश होगी? लगता है तुमने कुछ ज़्यादा ही काम कर लिया है। इतने में सामने से एक लड़की आ रही होती है और हमारी फीमेल लीड कहती है 5, 4, 3, 2 and 1। जिसके बाद अचानक से बारिश शुरू हो जाती है। ये देख के उसकी कॉलिक चेक चौक हो जाती है और कहती है कि तुम्हें ये कैसे पता ऐसा होगा? और जो लड़की बारिश से आ रही थी वो बेचारी बारिश में भीग जाती है। वैसे हमारी फीमेल लीड का नाम यूसुल है और इसके कॉलिक का नाम एमजी है। तो एमजी से कहती है, तुम्हें ये कैसे पता? तो यूसुल से कहती है कि ये तो बस मेरे सिक्स सेंस ने कहा है। फिर हम एक दो लोगों को देखते हैं जो किसी रूम में जाके इंटीमेट कर रहे होते हैं। फिर हमें पता लगता है कि ये तो एक कंपनी का ऐड था जो कि यूसुल की कंपनी दे रही थी। वहाँ उनके जो मैनेजर होता है, आई मीन जो उनकी कंपनी के मालिक होते हैं, वो होते हैं मिस्टर शाह। तो मिस्टर शाह उन्हें काफ़ी सारे सुनाते हैं और एक एक करके सबकी वाट लगा रहे होते हैं। तो यूसुल अपने मन में कहती है, कुछ देर बाद मेरा नंबर आने वाला है। अब वही होता है, मिस्टर शाह यूसुल को भी सुनाने लगते हैं। तो यूसुल ने अच्छे खासा जवाब देने लगती है, जो कि बात मिस्टर शाह को आती है बिल्कुल भी पसंद नहीं। और वो उससे कहते हैं, तुम्हें दोबारा खारा काम करके लेके आना है। और वो वहाँ से उसे बेइज्जत करके वहाँ से निकाल देते हैं। बाहर आके यूसुल के कलीग्स उससे पूछते हैं कि तुम्हें कैसे पता था कि बॉस को हमारा प्लान बिल्कुल पसंद नहीं आएगा? यानी कि यूसुल ने इस बारे में भी एक फ्यूचर देखा होता है कि बॉस को ये प्लान पसंद नहीं आएगा। तो उसने ऑलरेडी जो सेकंड प्लान है वो उसने बना रखा होता है और उसी में काम करने के लिए अपनी टीम को कहती है। उनकी टीम में एक बंदा होता है जो व्लॉगिंग कर रहा होता है और उसने नया नया ही ऑफिस ज्वाइन करा होता है। वो यूसुल से पूछता है कि जल्दी प्रमोशन होने के क्या क्या चांसेस और कैसे टेक्निक्स हैं। तो वो उसे कहती है, अगर तुम ये कैमरा बंद करो और काम करो तो तुम्हारी प्रमोशन बहुत जल्दी हो जाएगी। वो कहते हैं, हाँ हाँ, आप मुझे भाषण मत दो, मैं आपकी ऑलरेडी तारीफ अंदर रूम में सुन के आ चुका हूँ। मतलब जो कि मिस्टर शाह ने उसकी मतलब इंसल्ट टाइप जो करी होती है यूसुल की, बेचारे का मुँह बन जाता है। फिर हम एक फ्लैशबैक देखते हैं जहाँ यूसुल स्टार्टिंग में कंपनी में अच्छे तरीके से ड्रेसअप होकर नहीं आती थी। तो मिस्टर शाह ने उसे एक दिन डांटा और उसे अपना क्रेडिट कार्ड देख के बोला कि तुम्हें अपने लिए अच्छे से कपड़े लेने चाहिए और तुम्हें अपना मेकओवर करवाना चाहिए। जिसके बाद एक दिन यूसुल मेकओवर के बाद रो रही होती है। तो मिस्टर शाह उसे और फिर से पैसे देते हैं कि तुम्हें सलून में जाके आराम करना चाहिए, अब क्योंकि अगर तुम रोओगे तो हमारा कोई काम हो नहीं पाएगा। पर ये चीज़ यूसुल अपनी किसी जूनियर को बाथरूम में रोता देखती है और उसे भी सेम डायलॉग मारती है जो मिस्टर शाह ने उसे मारा था कि अगर रोती रहोगे तो कुछ काम नहीं हो पाएगा। और उसे अपना क्रेडिट कार्ड दे के उसे शॉपिंग पे और सैलून जाने के लिए कहती है। फ्लैशबैक देखते हैं जहाँ पे यूसुल होती है लिफ्ट के अंदर और उसी लिफ्ट में वही बंदी आती है जिसे हमने बारिश में भीगते हुए देखा था। उस बंदी को गर्मी लगती है और उसके जो बाल होते हैं गलती से यूसुल के लिप्स पर टच करते हैं और यूसुल के सिक्स सेंस काम करने शुरू करते हैं। और वो देख रही थी कि सुबह बारिश होगी और ये बंदी जो है वो बारिश में भीगते हुए आएगी। तो यही वो चक्कर था जिसकी वजह से यूसुल को पता था कि सुबह बारिश होगी। फिर हमें एक और फ्लैशबैक दिखा जाता है जहाँ यूसुल के फादर हॉस्पिटल में होते हैं। तो वो अपने फादर के हाथ पे किस करती है और तभी वो देखती है उसके फादर की डेथ कुछ टाइम बाद, जिसके बाद वो टूट जाती है क्योंकि मतलब उसे ये एबिलिटी बचपन से ही थी। जिसके बाद वो अपनी मदर के गाल पे किसी देती है
तो वो देखती है उसकी मदर फेमस हो चुकी है फ्यूचर में, तो वो और होता थोड़ा सा हो जाता। फिर हमें यीशु की लाइफ के कुछ और फ्लैशबैक दिखा जाते हैं जहाँ वो अपने बॉयफ्रेंड के साथ होती है और उसके भी उसके चीक्स पर से किस करती है, जहाँ वो फ्लैशबैक यानी कि फ्यूचर देख लेती है। तो उसका जो बॉयफ्रेंड है वो किसी और लड़की के साथ यीशु को चीट कर रहा है, जिसके बाद वो अपने बॉयफ्रेंड के साथ कर लेती है ब्रेकअप, और उसका बॉयफ्रेंड भी बड़े मजे से उसे ब्रेकअप करके सुना के चला जाता है। तो यीशु कहती है भाई धोखा तू मुझे दे रहा था, तो उसमें तू मुझे सुना क्यों रहा है। इसी तरह जब यसुल के सेकंड बॉयफ्रेंड ने उसे किस करने की कोशिश की तो यसुल ने गलती से खांसने की एक्टिंग मास्क पहन लिया, जिसकी वजह से उसके बॉयफ्रेंड का सारा मूड ख़राब हुआ और उसने भी उसके साथ ब्रेकअप कर लिया। लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, यसुल की लव लाइफ कभी अच्छी नहीं रही है। यसुल ने अपने प्लान बी के हिसाब से नई रिपोर्ट बना ली होती है, वो किसी बंदे को मीटिंग में आने के लिए मना रही होती है पर वो बंदा मानता ही नहीं है। नेक्स्ट डे जाके वो अपनी रिपोर्ट जाके देती है मिस्टर शाह को, जहाँ पे वो उसकी रिपोर्ट में कुछ कमियाँ निकालने लगते हैं हमेशा की तरह। इतने में यूसुल पे परेशान हो जाते हैं यसुल, और अचानक से यसुल की नाक से निकलता है ब्लड, जिसकी वजह से उसे साफ करने जाती है, और उसके पीछे मिस्टर शाह भी आकर देखते हैं कि यसुल ने क्या खाया पिया है। मतलब मिस्टर शाह इनडायरेक्टली उसकी काफ़ी केयर भी करते हैं। यसुल अपने क्लाइंट के सामने देती है प्रेजेंटेशन, जिसको देख के उसका क्लाइंट खुश तो होता नहीं है, और वो यसुल को बिल्कुल बोलने का मौका नहीं देता और डायरेक्ट मिस्टर शाह से ही बात करने लगता है। तो मिस्टर शाह उसे कहते हैं हाँ मुझे रिपोर्ट तो काफ़ी अच्छी लगी है इनकी, तो उसका क्लाइंट भी मान जाता है, यानी कि उसके क्लाइंट को बस मिस्टर शाह पे ही भरोसा है। मैचिंग ख़त्म होने के बाद सारे कॉलिग्स मिलकर फैसला करते हैं कि इतनी बड़ी अचीवमेंट के बाद उन्हें एक अच्छी सी पार्टी करनी चाहिए, कि अचानक से मिस्टर शाह आते हैं और सबको कहते हैं अभी के अभी मीटिंग करनी है और अगले प्रोजेक्ट में करना है काम, जिसकी वजह से सब हो जाते हैं परेशान और वो यसुल को अपने साथ ले जाते हैं, जहाँ वो यसुल को हॉस्पिटल लेके जाते हैं और कहते हैं कि तुम अपना ध्यान रखो और जब ठीक हो तब भी ऑफिस आओ। जिसका ये जेस्चर देख के यसुल बिल्कुल हैरान होती है। यसुल का डॉक्टर यसुल को काफ़ी डांटता है कि मैंने तुम्हें मना किया है ना हॉट कॉफ़ी कोल्ड कॉफ़ी या फिर तुम्हें कोई भी एनर्जी ड्रिंक नहीं पीनी है, जिसका असर तुम्हारी बॉडी पे पड़ रहा है, और तुम्हें बिल्कुल रात में अच्छे से नींद लेनी है, तुम काम के चक्कर में अच्छे से नींद लेती नहीं हो। तो उससे कहते हैं ठीक है डॉक्टर मैं आपसे ये सब नहीं खाऊंगी और अच्छे से नींद भी लूँगी। तो डॉक्टर बड़े खुशी खुशी उससे कहता है ठीक है तो मुझे प्रॉमिस करो, तो वो भी उससे प्रॉमिस कर लिए। यार ये डॉक्टर कितना क्यूट है। डॉक्टर के मना करने के बाद भी यसुल पीती है एनर्जी ड्रिंक, और वो पीती है तो देखती है मिस्टर कि मिस्टर शाह वहाँ पे आ रखे हैं। वो मिस्टर शाह से कुछ बात करती है कि अचानक से उसका पैर हो जाता है स्लिप और वो वहाँ से गिरने लगते हैं, पर मिस्टर शाह उसे बिल्कुल भी नहीं बचाते। गिरने के चक्कर में वो मिस्टर शाह को काफ़ी बुरा बुरा कहती है, किसी बंदे के किसी बेचारे बंदे के पकड़ लेती है बाल और साथ में उसको ही लेके नीचे गिर पड़ती है। इस बात को अनदेखा करके मिस्टर शाह बिना किसी परवाह के ऊपर वापस चले जाते हैं। यसुल नई एडवर्टाइजमेंट की जगह देखने आती है, जहाँ उसकी कलीग यानी कि एम जे उसे कहती है कि यार तुम रिलेशनशिप करना चाहिए बॉयफ्रेंड बनाना चाहिए, और उसे काफ़ी सारे रिलेशनशिप एडवाइस देने लगती है। यसुल जाती है अपनी एडवर्टाइजमेंट की एक्ट्रेस से मिलने, जहाँ वो यसुल को देख के बिल्कुल खुश नहीं होते क्योंकि उसका तो क्रश होता है मिस्टर झा पे, तो उसे सुनाते कि तुम यहाँ क्यों आई हो मिस्टर झा क्यों नहीं आए, तो वो कहते हैं मिस्टर झा थोड़े बिजी थे तो मैं ही आ गई, जहाँ वो उसको थोड़ी बुराइयाँ करती हैं। लेकिन ये सब सहन करने के बावजूद भी यसुल उसे अच्छी तरीके से सबको सुनाने लगती है, मतलब अच्छे तरीके से सारे स्क्रिप्ट सुनाती है, जिसके उसको देखने के बाद वो काफ़ी खुश होती है और उससे कहती है कि तुम्हारे लिपस्टिक का कलर क्या है, अब उसके लिप्स को छूती है और इतने में ही हमारे यसुल की आँख चमकने लगती है, यानी कि उसकी सिक्स सेंस काम करती है, और वो देखती है फ्यूचर में कि ये जो अभी हीरोइन मना कर रही है उसके एडवर्टाइजमेंट में काम करने के लिए वही उसका एडवर्टाइजमेंट करने वाली है। तो बड़ी खुश होती है और उसके लिए जाती है लिपस्टिक खरीदने, क्योंकि उसने कहा था उसे वो लिपस्टिक पसंद आई। वो लिपस्टिक लेके आती है और देखते हैं कि मिस्टर शाह और वो हीरोइन कुछ ऐसा कर रहे हैं, तो वो रुक के कहते हैं नहीं नहीं आप लोग कंटिन्यू करो। मिस्टर शाह से बाहर आके समझाने की कोशिश करते हैं, पर वो कहते हैं कोई बात नहीं कोई बात नहीं, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड में तो ये सब होता ही रहता है। जब मिस्टर शाह उसे सब कुछ क्लियर करते हैं और कहते हैं कि मैं तो कुछ कर ही नहीं रहा था। कॉलिक सारे मिलके पार्टी कर रहे होते हैं, पर वो दुखी होते हैं कि यसुल उस पार्टी में नहीं आई। अचानक से वहाँ यसुल आती है और सब लोग वहाँ पे खुश हो जाते हैं। यसुल अभी भी उस बंदे को मनाने की कोशिश कर रही होती है कि वो कंपनी आके एक बार मीटिंग ज्वाइन कर लें, पर वो बंदा कहता है मैं नहीं आऊँगा। रात में मिस्टर शाह जाके एडवर्टाइजमेंट की जगह पे सबको खाना पीना मुफ्त में देते हैं, और यसुल भी उन्हें कॉल करती है और सारी बातें करती है, पर जैसे ही वो कहते हैं कि आपने मेरा दूसरा प्रोजेक्ट कंप्लीट कर दिया, इतने में वो उसका फ़ोन काट देते हैं, मतलब अपने अपना काम बनता बाढ़ में जाए जनता। यसुल की मदर जिसका घर उसके सेट के पास ही होता है वो वहाँ जाके खाना खाती है, तो उसकी सिस्टर वहाँ आती हैं, जिनकी बातों में पता लगता है कि शायद यसुल की सिस्टर को कोई एक बीमारी है और उसके बाद बहुत कम वक्त बचा है। वो यसुल की से काफ़ी नाराज़ होते हैं उसके सिस्टर कि यसुल उसके बारे में बिल्कुल भूल गई थी, जिसके बाद यसुल उसे थोड़े पैसे दिखाती है तो उसकी आँखें वापस चार हो जाती हैं और दोनों बहनों में मामला सुलझ जाता है। रात में यसुल को नींद नहीं आ रही होती और जैसे ही उसे नींद आती है फ़ौरन उसे आता है मिस्टर शाह का कॉल, जो उसे फ़ौरन मिलने बुलाते हैं, जहाँ वो
देखते हैं कि बाहर बारिश हो रही है, जो भी सामान उसने बाहर रखने का छोड़ा होगा वो सब भीग चुका होगा। वो जाके देखते तो मिस्टर शाह सारा सामान अंदर रख रहे होते हैं, और जो भी उनका बेड वगैरह सब कुछ था सबका सब तबाह हो गया भीगने के कारण। मिस्टर शाह उसे डांटते हैं कि तुमने इतना कुछ नहीं किया, मतलब तुम अपने मम्मी के घर चली गई, तुम्हें सब कुछ अंदर रख के जाना चाहिए था। तो वो मतलब उन पर भड़क पड़ती है कि सारा काम मेरा, थोड़ा स्टाफ का भी काम है, और दोनों में थोड़ी बहस हो जाती है। जिसके बाद यूसुफ मिस्टर शाह की हेल्प करते सामान अंदर रखवाने में, और गलती से हमेशा की तरह उसका पैर होता है सिर और वो मिस्टर शाह के ऊपर, और दोनों के बीच में कुछ ऐसा हो जाता है। जिसके बाद यूसुफ की सारे डायरेक्ट सिक्स सेंथ काम करती है, और वो देखते हैं फ्यूचर में कि वो और मिस्टर शाह दोनों एक रूम में हैं और दोनों इंटीमेट हो रहे हैं। ये देखते कि आते वो हो जाती है बावली और कहती है ये कैसे हो सकता है। और इसी के साथ हमारा ये एपिसोड यहीं ख़त्म हो जाता है। अगर आपको इसका एपिसोड सेकेंड जल्दी देखना है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। वीडियो को आगे शुरू करने से पहले अगर आप ये वीडियो हमारे पुराने चैनल पर देख रहे हैं तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि वो आप हमारे नए चैनल खुशी अहमद के नेम से उसे सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आगे आने वाली सभी वीडियो आपको इसी चैनल पर मिलेंगी। साथ साथ या तो आप इस चैनल को इस तरह से सर्च भी कर सकते हैं जिसका लोगो आपको कुछ इस प्रकार का दिखेगा। और इसके अलावा अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब भी करिएगा एंड कमेंट भी करिएगा। धन्यवाद। आप सब लोगों से गुजारिश है कि अगर आप मेरे को मेरी वीडियो देखना पसंद है तो प्लीज़ हमारे चैनल को आप लोग प्लीज़ सब्सक्राइब कर जा करिए, क्योंकि इससे मुझे भी थोड़ा मोटिवेशन मिलेगा अपनी आगे की वीडियो डालने के लिए। एंड प्लीज़ मुझे ऐसे डिसअपॉइंट मत करिए कि मैं मेहनत करूँ और आप मुझे उसका रिजल्ट भी ना दे रहे हों। और बाकी जिन लोगों ने ऑलरेडी सब्सक्राइब कर रखे हैं उन लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद और थैंक यू। ये सुर काफ़ी शौक होती है कि ऐसा ये कैसे हो सकता है। जिसके बाद हमारा मिस्टर शाह उठते हैं और कहते हैं कोई बात नहीं, ये तो कोई बात ही कि एक्सीडेंट था तो तुम परेशान होते हो। जहाँ उसके बाकी के स्टाफ आ जाते हैं और वो लोग फिर काम करना शुरू करते हैं, लेकिन ये सुर अभी भी परेशान होती है कि ये सब कैसे हो सकता है। नेक्स्ट डे शूटिंग के वक्त भी वो काफ़ी परेशान होती है कि ये फाइनली मतलब ऐसा ही कैसे हो सकता है। जिसकी परेशानी उसके कलीग नोटिस करते हैं और उसे डायरेक्ट पूछ बैठती है कि क्या हो, क्या तुम्हारे और मिस्टर शाह के बीच में कल रात कुछ हुआ था, क्योंकि उन दोनों पर उसे पहले से ही शक था। जिसके बाद वो भागते हुए मिस्टर शाह का ढूंढते हुए जाती है और वो देखते हैं कि मिस्टर शाह कपड़े बदल रहे हैं, तब अपनी आँखें बंद करती है। पर वो फिर आँखें खोल के कहती है कि तुम्हारी पीठ पर तो एक निशान होना चाहिए था। वो कहता है एक मिनट मेरे से दूर रह के बात करो तुम। शूटिंग सेट पे वो बंदा भी आ जाता है जो यूसुफ की बात नहीं सुन रहा था, और साथ में जो उनकी कंपनी के क्लाइंट होते हैं वो लोग भी आते हैं। वो वहाँ देखते हैं कि ऐड तो हो रहा है लेकिन जो उन्होंने बेड भिजवाया था उस बेड पर नहीं हो रहा। वो उससे पूछता है कि हमारा इतना महंगा बेड कहाँ चला गया। अब वो उन्हें क्या ही बताते हैं कि तुम्हारे बेड में पानी भर चुका है। जिसके बाद उसे समझाने की थोड़ी कोशिश करते हैं पर उन्हें तब भी कुछ समझ आता नहीं है। फिर उसके बाद हमारे मिस्टर शाह बेड ही हटवा देते हैं और बिना बेड के बेड का कमर्शियल शूट करवाते हैं, जिस पर वो लोग बिल्कुल एग्री नहीं होते और कहते हैं कि एक बात बताओ, अगर हम बेड का कमर्शियल कर रहे हैं तो बेड तो एंड वो होना चाहिए ना। पर वो तब भी सब कुछ समझ नहीं पाते। ये सुर उन्हें समझाने की कोशिश करते तो वो थोड़े से शांत ज़रूर हो जाते हैं। उन लोगों का जूनियर अभी भी ये सब रिकॉर्डिंग कर रहा होता है अपने व्लॉग के लिए, जहाँ पे फिर भी उनके कलीग उससे पूछ रही होती है कि क्या तुम्हारे और मिस्टर शाह के बीच में कुछ हुआ है। इस पर वो कहते हैं तुम ज़्यादा सोचो मत और अपने काम पर ध्यान दो। मिस्टर शाह से मिलने वही मॉडल आई होती है जिसने एड में अपनी एक्टिंग करी थी। जिसके बाद मिस्टर शाह उसे किसी तरीके से अपनी बात में फंसा के लिफ्ट में बंद करके वहाँ से दफ़ा करवा देते हैं, क्योंकि वो उससे बिल्कुल मिलना नहीं चाहते थे। नेक्स्ट मिस्टर शाह के ऑफिस ना आने के कारण सब काफ़ी परेशान होते हैं, क्योंकि उनकी मीटिंग अपने क्लाइंट के साथ होती है जहाँ वो मीटिंग उनके बिना ही अटेंड करते हैं। क्लाइंट उन पर कहते हैं कि हमने हमारा जो बेड का एडवर्टाइजमेंट है उसमें तो हमारा बेड दिखना चाहिए और तुम लोगों ने तो बेड दिखाया ही नहीं। अब वो उन्हें क्या ही बताते हैं कि तुम्हारे बेड का कबाड़ा हो चुका है। जहाँ पर वो लोग कहते हैं कि मिस्टर शाह कहाँ हैं, क्योंकि वो उनसे ही एक बार मतलब उनसे ही बात करके थोड़ा समझेंगे। जहाँ पर वो लोग कुछ कह नहीं पाते और फाइनली मिस्टर शाह काफ़ी देर बाद आ जाते हैं और उनको काफ़ी बढ़िया एक तैयार करी हुई प्रेजेंटेशन दिखा के उन्हें मना लेते हैं और उनकी डील भी वापस पक्की हो जाती है। सब लोग काफ़ी खुश होते हैं इस डील के वापस पक्का होने से। कंपनी के प्रेसिडेंट मिस्टर शाह को काफ़ी डांटना है कि उन्होंने इतने इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट के लिए यूसुफ को उसका PM बनाया, क्योंकि ये सब तो यूसुफ को ही देखना पड़ेगा और यूसुफ के देखने के कारण इतना बड़ा कांड जो हो गया। जहाँ मिस्टर शाह उन्हें बिल्कुल यकीन दिलाते हैं कि यूसुफ अभी जूनियर है तो उसे सब कुछ सीखने की ज़रूरत है और उसे सब कुछ मैं सिखा ही दूंगा। वो भले ही गलतियाँ कर रही है पर वो उनको काफ़ी अच्छी तरीके से मैनेज भी करना जानती है। इसके बाद उसका पूरा ही मुंह बंद हो जाता है। बाहर आके वही आदमी जिसने यूसुफ की बात नहीं सुनी थी, यूसुफ उसे कहती है आपने मेरा फ़ोन भी नहीं उठाया, आपके चक्कर में इतना बड़ा कांड होते होते रह गया है। तो वो उल्टा यूसुफ को ही उल्टा सुनाने लगता है, जिसके बीच में आ जाते हैं मिस्टर शाह यूसुफ को बाहर भेज देते हैं और खुद उससे बात करने लगते हैं। जहाँ वो यूसुफ की काफ़ी बुराइयाँ करता है कि यूसुफ को PM बना के अच्छा नहीं करा, उसे बिल्कुल काम
नहीं आता वगैरह वगैरह। जिसकी ये बात सुन के मिस्टर शाह को काफ़ी गुस्सा आता और वो कुछ ऐसा करती हैं, जिसके बाद वो बंदा काफ़ी डर जाता है। और मिस्टर शाह कहते, तुमने क्या कहा था कि यसर को काम नहीं आता, उल्टा तुम ही जो है सारे बार के क्लब में घूमे जा रहे थे, तो पहली बात तुमने यसर की कॉल नहीं उठाई, दूसरी बात तुम क्लब में घूम रहे थे, तीसरी बात तुमने काम नहीं संभाला अपना, और काफ़ी सारे उसकी मिस्टेक गिनवाते हैं, जिसके बाद उसे अपनी मिस्टेक एक्सेप्ट करनी ही पड़ती है। पर तब भी वो कहते हैं, चलो कोई बात नहीं, तुम मेरी गलतियाँ छुपा लो, मैं तुम्हारी गलतियाँ छुपा लूँगा। जिस पर मिस्टर शाह का गुस्सा आता है, वो फिर से उसके ऊपर मारते हैं और कहते हैं, यहाँ आसपास कितने सारे मच्छर उड़ रहे हैं कि नहीं, और वहाँ से चले जाते हैं। मिसेस होंग यानी कि यसर उसके पास आती है और वो उससे कहता है कि तुम्हें माफ़ी मांगने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि तुम्हारी गलती नहीं थी। तो यसर उससे पूछते कि चलो ठीक है, लेकिन आपने आज इतनी बड़ी प्रेजेंटेशन कैसे दी, कि आपको पहले से ही पता था कि वो बेड पानी में भीग जाएगा। तो वो कहता है, नहीं चलो तुमसे मैं सच बताता हूँ कि तुम PM बनी तो मुझे कोई एतराज़ नहीं था, लेकिन तुम मेरे को पहले से ही बता था कि तुम कुछ ना कुछ गलती करोगे, तो मैं हर चीज़ का बैकअप प्लान लेके चल रहा था। पर इसके अलावा मुझे तुम्हारे पे पूरा भरोसा था कि तुम सब कुछ सही से मैनेज करोगी, मैंने तो बस एक बैकअप प्लान बना के रखा था जो कि हमारे लिए काम भी आ गया, और उसे फ्यूचर के लिए ऑल द बेस्ट भी कहता है। MG और बाकी की कलीफ काफ़ी परेशान होती है कि उनका कोई बॉयफ्रेंड नहीं, क्योंकि वो ओवरटाइम काम करती रहती हैं। दूसरी कलीग के भी बॉयफ्रेंड से उसका ब्रेकअप हो जाता है, क्योंकि उसने इतना ज़्यादा ओवर टाइम काम करा होता है कि उसके बॉयफ्रेंड को वो टाइम दे ही नहीं पाती। तो वो लोग मिलकर डिसाइड करता है कि वो लोग ऑफिस में ही किसी को बताएंगे, और ऑफिस में सबसे खास बंदा होता है मिस्टर शाह, जिसे सब कुछ आता है। तो वो सोचते हैं मिस्टर शाह को ही हम पटाएंगे, और वो मिस्टर शाह के बारे में सोच सोच के काफ़ी खुश होने लगते हैं। तो यसर उन्हें जगाती है और कहती, तुम्हें क्या लगता है मिस्टर शाह तुम्हारे पास आएंगे, तुम्हें फ्लावर देंगे और कहेंगे काम मत करो? ऐसा बिल्कुल नहीं होगा, बल्कि रियलिटी में मिस्टर शाह तुम पर गुस्सा करते हुए आएंगे, तुम पर काफ़ी ज़्यादा चिल्लाएंगे, काफ़ी कुछ सुनाएंगे, एंड एंड में बोलेंगे तुम्हें किस चाहिए, तो तुम्हें गुस्से में किस भी देने आएंगे। तो कहते, चलो अब बताओ, इतनी सारी डांट सुनने के बाद गुस्से भरी किस्त लेना तुम्हें पसंद होगा? तो वो कहती, नहीं मुझे बिल्कुल नहीं पसंद होगा। फिर वही आदमी जिसने उनका कॉल नहीं उठाया था, वो उस यसर को बाहर बुलाता है और कहता है कि तुम इस कंपनी को छोड़ के, मतलब दूसरी कंपनी को छोड़ के किसी और कंपनी से एडवर्टाइजमेंट करवाओ। तो वो उसे कहते, तुम ये तो तुम्हारी फ्रेंड की कंपनी है, और वो उसे उल्टा उल्टा सुना देती है कि तुम्हारा फ्रेंड अच्छे से काम नहीं करता। सब लोग पूरे जी जान से एडवर्टाइजमेंट के लिए काम करते हैं, जहाँ पर काफ़ी सारे सामान उठा के वो आती है, और मिस्टर शाह होता है लिफ्ट में। वो कहती, मिस्टर शाह लिफ्ट रोकिए, पर इसकी आवाज़ सुनते ही मिस्टर शाह ज़बरदस्ती लिफ्ट बंद करने लगते हैं, और लिफ्ट बंद करके उसे बाहर छोड़ के चले जाते हैं, जिसके बाद बेचारे का बन जाता है मुँह। फाइनली इतने सारे स्ट्रगल करने के बाद उनका काम पूरा कंप्लीट हो जाता है। वो वापस जो है अपना रेडबुल पीने जाती है, पर वहाँ पे उसे मिस्टर शाह रोकते हैं और कहते हैं, तुम जब तुम्हें पता है तुम्हारी बॉडी इतनी स्ट्रांग नहीं है, तो तुम ये सब क्यों पीती हो? और वो उसके काम की तारीफें करते हैं। तो वो कहते हैं कि तुमने इससे पहले मुझे ये वाला आइडिया क्यों नहीं दिखाया? तो वो कहते हैं, मैंने इसलिए नहीं दिखाया क्योंकि आपने मेरे पिछले 18 आइडिया ड्रॉप कर दिए थे। तो वो कहते हैं, अच्छा तो ये तुम्हारा 19वां आइडिया है, तो तुमने 19वें आइडिया को ऐसा बैकअप प्लान रखा था, ये अच्छी बात है। और उसकी तारीफ करने के बाद फिर भी लास्ट में उसके काम में एक कमी निकल कर चला जाता है, जिसमें उसका बेचारे का मुंह बन जाता है। पर तब भी वो खुश होती है कि उसको चलो किसी काम की तो उसने तारीफ करी। फिर हम यसर को डॉक्टर को देखते हैं, जिसके पास वही मॉडल आती है, और पता लगता है कि उस मॉडल को पता लगा था कि मिस्टर शाह और मिस यसर की हो गई है केस। इस चक्कर में वो उसके डॉक्टर को काफ़ी परेशान कर रही होती हैं, तो डॉक्टर भी उससे परेशान होकर उसे काफ़ी कुछ सुना के उस वहाँ से भगा देता है। और वो मिस्टर शाह से कहता है कि तुम्हारी प्रेमिका यानी कि तुम्हारी जो मॉडल है वो मुझे काफ़ी परेशान कर रही है। तो मिस्टर शाह कहते हैं, उससे तो मैं खुद परेशान हूँ, मैं तुम्हें कैसे बचा सकता हूँ? उनका कैंपेन लॉन्च हो जाता है और उनके एडवर्टाइजमेंट बहुत बढ़िया जा रही होती है। वो लोग काफ़ी अच्छे तरीके से मेहनत कर रहे होते हैं कि मिस्टर शाह आके उन्हें कहते हैं कि यहाँ किसी तरीके की बदबू आ रही है। तो ये सब कहते हैं, मुझे तो किसी तरीके की बदबू नहीं। तो कहता है, नहीं तब भी मुझे आ रही है। और जाते हुए वो कहते हैं कि वहाँ का स्टैंड थोड़ा ढीला है, तो तुम उसे सही से उसे कस दो। जिसके परफ्यूम वाले बात सुन के यसर और MG को आता है गुस्सा, और वो लोग उसकी बुराइयाँ करने लगते हैं। तो उस तरफ मॉडल भी उनकी एडवर्टाइजमेंट में आती है और उनका प्रमोशन करती है, सब लोग काफ़ी खुश होते हैं। MJ कहती है कि सारी डेकोरेशन तो हम लोगों ने करी है, सारी प्लानिंग हम दोनों ने करी है, और सबको जैसे मलाई तो ऐसे ही मिल रही है। जिसके बाद मॉडल यसर को कहती है कि मैंने तुम्हारी सारी बातें सुन ली थी कि तुम क्या क्या कह रहे थे मिस्टर शाह को, और वो उसे काफ़ी कुछ सुना के और काफ़ी कुछ डांटने के बाद कहती है तुम मेरे लिए कॉफ़ी लेके आओ। जिसके बाद लंबी लाइन में लगने के बाद जब यसर फाइनली उसके लिए कॉफ़ी लाती है, तो वो उसे फ़ोन करके कहती है कि मैं तो वहाँ से अब चली गई हूँ। जिसके बाद उसकी गाड़ी सामने से जाती है और वो यसर को चिढ़ाते हुए वहाँ से चली जाती है। इस बात पर यसर को काफ़ी आता है गुस्सा।
ये सुला के देखते हैं कि कोई एक भिखारी जो है उनके सेट पे आके हंगामा कर रहा है कि उसे उसी बेड के ऊपर सोना है। तो ये सुला से कहती है कि अगर आपको सोना ही है तो मैं आपको पैसे दे दूँगी, आप किसी होटल में जाके सो जाना, पर प्लीज़ यहाँ से चले जाओ। जिसके बाद बैगर नहीं मानता और वही कमज़ोर स्टैंड पकड़ के वहाँ से झूलने लगता है। वहीं पर तभी वहाँ पर उनकी थोड़ी बहुत बुराइयाँ होने लगती हैं उनकी ऑडियंस के द्वारा। वहीं मिस्टर शाह आते हैं और वो इस चीज़ भाप लेते हैं कि स्टैंड टूटने वाला है और वो फ़ौरन भागते हुए जाते हैं कि भिखारी का एकदम से स्टैंड टूट जाता है और मिसेस योंग यानी कि ये सुल बिल्कुल ज़मीन पे गिरने वाली होती है कि मिस्टर शाह उसे बचा लेते हैं और मिस्टर शाह को काफ़ी ज़्यादा गहरे चोट आती है। ये सुल उसे फ़ौरन एम्बुलेंस में ले जाके हॉस्पिटल लेके जाते हैं जहाँ से पता लगता है कि उसका डॉक्टर जो उसका इलाज करता है वही डॉक्टर मिस्टर शाह का भी इलाज करता है। जहाँ वो अंदर आकर देखते हैं कि चोट उसको इतने गहरे लगी होती है कि वहाँ टाँके लग चुके होते हैं, जहाँ एकदम से उसे याद आता है कि ये टाँका तो वही है जो उसने अपने फ्यूचर विजन में देखा था और वो बिल्कुल श्योर हो जाते हैं कि उसने कि उसको कोई मिस्टेक नहीं हुई, जो जिस आदमी के साथ वो फ्यूचर में होगी वो मिस्टर शाह ही होंगे। वो मिस्टर शाह को उनके घर लेके जाती है जहाँ गाड़ियों की आवाज़ की वजह से मिस्टर शाह की तबीयत ख़राब होती है, ये चीज़ वो भी देख लेती है। वो मिस्टर शाह को अपने कंधे पर बैठा लेके जाती है जहाँ पे वो मिस्टर शाह का घर देखती है और वो देखती है कि कहाँ कहाँ पे वो और मिस्टर शाह फ्यूचर के अंदर होंगे और वो सब चीज़ें इमेजिन करने लग जाती हैं। जिसके बाद वो मिस्टर शाह को देखते हुए कहते हैं नहीं ऐसा नहीं हो सकता कि मैं इस आदमी के साथ फ्यूचर में होंगी। अब वो काफ़ी परेशान होती है और वो मिस्टर शाह को फिर से ध्यान से घूरने के लिए आगे जाती है कि पक्का वो मिस्टर शाह ही होंगे कि वो कोई और होगा। वो मिस्टर शाह के बिल्कुल पास जाती है कि अचानक मिस्टर शाह की भी आँखें खुल जाती हैं और ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। मिस्टर शाह की आंखें खुलती हैं और वो ये सुल से कहते हैं कि तुम क्या कर रही हो, तो वो उन्हें बहाना बना देती, कोई बहाना बना देती है। जिसके बाद वो कहते हैं मुझे पता है अब आप मेरे से कहोगे कि मेरे घर से चली जाओ तो आपके कहने से पहले मैं यहाँ से चली जाती हूँ, और वो वहाँ से फ़ौरन भागते हुए जाके कहती है कि ऐसा नहीं हो सकता, मैंने कितनी बड़ी बेवकूफ़ी कर दी, प्लस वो और मैं फ्यूचर में कैसे साथ में रह सकते हैं, उसे कुछ समझ नहीं आ रहा होता। दूसरी तरफ ये सुल और उसके सिस्टर परेशान होती हैं इसी बात को लेकर, तो उसकी सिस्टर कहती है काम करो दीदी, आप ना मिस्टर शाह के साथ इंटीमेट हो ही जाओ, क्योंकि वैसे भी तो ये फ्यूचर है ना और फ्यूचर को कोई बदल ही नहीं सकता है कि नहीं। जिसमें वो कहती है क्या तुम पागल हो गई हो, और उनके ड्रिंक्स करने वाले अंकल भी आते हैं, वो कहते हैं जब भी तुम दोनों बहनें साथ में बैठती हो तुम हमेशा मिस्टर शाह की बुराई करती हो, क्या मिस्टर शाह इसके बॉयफ्रेंड है, तो वो कहते हैं नहीं नहीं ऐसा बिल्कुल ही नहीं हो सकता, लेकिन वो कहते हैं कोई बात नहीं तुम उसकी इतनी बुराई करती हो, वैसे भी नफरत को प्यार बनने में टाइम ही कितना लगता है, वो इतना कह के वहाँ से चले जाते हैं। अब वो लोग कन्फ्यूज़ हो जाती हैं, ये सुल अभी भी देवदास वाले मूड में होती है, आई मीन कि वो समझ ही नहीं पा रही होती उसे करना क्या है। उसकी सिस्टर कहते हैं मैंने आपसे कहा ना एक बार इंटीमेट हो जाओ मामला ही ख़त्म हो जाएगा आपकी परेशानी का। नेक्स्ट डे वो अपनी कंपनी जाती है जहाँ उसकी मुलाकात फिर से मिस्टर शाह से होती है। अब वो सोचती है अब मैं इससे क्या बात करूँ, तो वो उससे कहती है कि आपकी तबीयत कहती है आप ठीक है कि नहीं, पर मिस्टर शाह उससे अपनी कंपनी की रिपोर्ट मांगने लगते हैं, तो वो वहाँ उन्हें रिपोर्ट देती है। रिपोर्ट देने के बाद वो उन्हें कहती है एक्चुअली वो कल रात ना इतने में वहाँ से चले जाते हैं उसे इग्नोर मार के। ये सुला के देखती है कि उसके करे हुए काम के चक्कर में काफ़ी तारीफ़ें मिली हैं और उसके काफ़ी सारे पोस्टर भी छपे हैं, सब लोग खुश होते हैं, पर उनके दूसरी विरोधी दल जो होते हैं वो बिल्कुल खुश नहीं होते, वो यूसुल की बुराई करते हैं। चाहे यूसुल का टीम मेंबर आके उनकी मुंह बंद कर देता है, जब वो थोड़ा कुछ और कहने की कोशिश करते हैं तब वो कुछ इस तरीके से करके उनका मुँह बिल्कुल ही बंद कर देता है। उनके क्लाइंट आके उनकी तारीफ़ करते हैं मिस्टर शाह की, उन्होंने भले ही कमर्शियल के अंदर बेड ना रखा हो पर उनके बेड की बिक्री काफ़ी अच्छे तरीके से हुई है, जहाँ मिस्टर शाह सबका क्रेडिट येसुल को देते हैं क्योंकि उसने ही सेट को बनाया था, और साथ ही वो येसुल के टीम मेंबर्स को देते हैं जिस पर वो काफ़ी खुश होते हैं। क्लाइंट उनसे कहते हैं कि अगली बार वो हम फिर से येसुल से ही अपना काम करवाएंगे, और काफ़ी खुश होते हैं, और रिवॉर्ड के तौर पर वो उन्हें सबसे महंगी चीज़ देते हैं जो कि सिर्फ VIP के पास रहती है, तो वो लोग बिल्कुल शौक हो जाते हैं और काफ़ी खुश होते हैं। शाम में वो लोग काफ़ी तारीफ़ करते मतलब पार्टी कर रहे होते हैं और साथ में मिस्टर शाह की बुराई कर रहे होते हैं, जहाँ ये सुल उनकी बुराई नहीं करती तो वो कहते तुम तो सबसे ज़्यादा बुराई करती थी मिस्टर शाह के, तो मैं आजकल क्या हो गया है, और वो उससे ये भी पूछता है कि मिस्टर शाह की तबीयत ख़राब थी क्या वो अब ठीक है, तो वो कहती है कि हाँ मैंने उन्हें कल रात उनके घर पहुँचाया था और उन्हें बेड पर लेटा दिया था, तो वो कहते बेड पर लेटाया था फिर क्या किया था कि फिर क्या किया फिर मैं घर आ गई। फिर वो उसे काफ़ी डांटने के यार इतने अच्छे मौके को तुमने खाली छोड़ दिया। कंपनी के बड़े लोगों की एक अपनी कुछ पार्टी होती है जहाँ पे वो सब लोग मिस्टर शाह को तारीफ़ करते हैं क्योंकि उन्होंने काफ़ी अच्छा काम करा होता है, पर मिस्टर शाह सबका क्रेडिट फिर से येसुल को देते हैं क्योंकि काम येसुल ने करा होता है, जो कि बहुत अच्छी लगती नहीं है उनके विरोधी दल को, वो उनका अपोज करते हैं कि मिस्टर शाह ने ही येसुल की हेल्प की थी, पर मिस्टर शाह उनका मुँह जल्दी बंद करा देते हैं। नेक्स्ट डे कंपनी की एनिवर्सरी आने वाली होती है, तो उसके लिए वो पार्टी का इंतज़ाम कर रहे होते हैं, साथ ही अपने नए प्रोजेक्ट पर काम कर रहे होते हैं। प्रोजेक्ट पे काम ख़त्म करने के बाद मिस्टर शाह येसुल को बुलाते हैं किसी काम से।
यशोल अपना काम कर रही होती है जिसके पास एक वर्कर आता है और उसे कहता है कि मिस्टर शाह के लिए तुम काफ़ी वैल्यू करती हो, क्योंकि तुम जब ये प्रोजेक्ट पे काम कर रही थी तो रोज़ाना मिस्टर शाह के वायरिंग देखते थे, टेप देखते थे, यहाँ तक कि सारा सामान और सारे वर्कर्स को पैसे देते थे ताकि वो एक्स्ट्रा काम करे और ये इवेंट अच्छा बने, जहाँ वो सोचने लग जाते हैं कि मिस्टर शाह इतने अच्छे उसके लिए कब से हो गए। वो भारी सामान लेके जा रही होती है कि मिस्टर शाह के उसका सामान लेके चले जाते हैं। वो बिल्कुल शौक हो जाती है कि कहीं इससे मुझसे लव शप तो नहीं हो गया जो ये मेरी इतनी हेल्प कर रहा है। यशोल काफ़ी आराम कर रही होती है जिसके बाद वो अपनी पिक्चर ले रही होती है। पिक्चर लेते हुए उसके बीच में मिस्टर शाह आ जाते हैं और वो डर जाते हैं। मिस्टर शाह कहते हैं फ़ोटो तो काफ़ी अच्छी आई है लेकिन तुम इतना डर क्यों रही हो। इसके बाद उसकी तारीफ़ करता है कि तुमने बहुत हार्ड वर्क किया है, तुमने बहुत मेहनत करी है, तुमने बहुत ज़्यादा वक्त इसने प्रोजेक्ट को दिया है। जहाँ वो सोचती है फिर से मेरी तारीफ़ कर रहा, ज़रूर कुछ ना कुछ ताल में कुछ ना कुछ काला है। जिसके बाद उसे कहते हैं लेकिन तब भी तुमने कंपनी का नुकसान किया, तुमने महंगा वाला बेड ख़राब कर दिया बारिश के कारण, सारा तुमने काम ख़राब कर दिया, बजट तुमने ज़्यादा कर दिया, क्लाइंट को तुमने खुश नहीं करा, तुमने प्रेजेंटेशन अच्छे से नहीं बनाई, किसी के साथ टाइम पे नहीं दी। फिर वो कहती है अब मैं समझ गई इसे मुझसे क्या किसी से भी कभी प्यार नहीं हो सकता। मिस्टर शाह यशोल को अपनी गाड़ी में उसके घर छोड़ना जा रहे होते हैं, जहाँ मिस्टर शाह यशोल से कहते हैं कि कल रात, तो वो कहती है हाँ हाँ कल रात को ना एक्चुअली मेरे को ना गलती से, तो वो कहते हैं नहीं तुमने कल रात मुझे घर छोड़ने क्यों आई थी, तुम्हें उस वक्त अपने इवेंट पे काम करना चाहिए था और भले ही तुमने इवेंट का सारा सामान तुम्हें वहाँ जाके साफ करना चाहिए था, ना कि तुम्हें मेरे साथ घर में घूमना चाहिए था। जहाँ वो फिर चुप हो जाते हैं कि इस बंदे से बात ही करना बेकार है। वो लोग जाहिर ही होते हैं कि यशोल की नज़र पड़ती है ऊपर रखे एक एडवर्टाइजमेंट में, जहाँ पे किसी डायरेक्टर को अवार्ड मिल रहा होता है और ऐसा लग रहा होता है कि यशोल उसे जानती है। ये बात मिस्टर शाह भी देखते हैं पर वो उससे कुछ कहते नहीं है। जिसके बाद हम एक मूवी देखते हैं जिसमें दो कपल होते हैं, जिसमें लड़की कहती है कि मुझे ब्रेकअप करना। जब लड़का उससे पूछता है कि तुम क्यों ब्रेकअप करना चाहते हो, तो वो कहते हैं कि क्यों, अगर मैं तुम्हें रीज़न बताऊंगी तो क्या तुम अपना माइंड चेंज कर लोगे, क्या तुम उसे सॉल्व करने की कोशिश करोगे। फिर हमें उसी डायरेक्टर की प्रेस कॉन्फ्रेंस दिखाई जाती है जो अभी हमें थोड़ा टाइम पहले ही टी वी पर दिखा था, जहाँ कुछ लोग उसे उसी डायलॉग के बारे में पूछते हैं ब्रेकअप वाले सीन में कि वो डायलॉग बहुत रियल लग रहा था। जहाँ डायरेक्टर बताता है कि हाँ वो डायलॉग मुझे किसी ने कहा था, इस वजह से मैंने उसे ऐड कर दिया। यशोल रात भर तक ऑफिस में काम करती है, जहाँ वो फाइल लेने जाती है लेकिन लाइट चली जाती है और उसका फ़ोन भी उसके पास नहीं होता। जहाँ वो डरते डरते जा रही होती है कि उसके पास आते हैं मिस्टर शाह, जिन्हें देख के वो डर जाती है और वो उसे पकड़ लेते हैं उसका मुंह। इतने में उसके सिक्स सेंस काम करने लगती है और फ्यूचर देखती है कि मिस्टर शाह उसे प्रपोज कर रहे हैं। कुछ देर बाद लाइट आने के बाद मिस्टर शाह उसे अच्छे से काम करने के लिए कह के चले जाते हैं। नेक्स्ट डे वो लोग शॉपिंग पे जाते हैं पार्टी के लिए, मतलब कंपनी की एनिवर्सरी पार्टी के लिए, जहाँ पे वो लोग मिस्टर शाह को देखते हैं और शॉक होते हैं क्योंकि मिस्टर शाह किसी को प्रपोज करने के लिए रिंग खरीद रहे होता है। ये बात देख के यशोल शॉक हो जाती है, कहीं उसके लिए ही खरीद ना रहे हों। फिर हम सबको पार्टी में देखते हैं जहाँ यशोल के ना आने पर सब उदास होते हैं। इतने में वहाँ यशोल भी आती है, जहाँ एमजे उससे पूछते हैं कि तुम्हारा पार्टनर कौन है, तो वो कहती है मेरा चूस ने किया। वो सेम क्वेश्चन एमजे से पूछते हैं कि तुम्हारा पार्टनर कौन है, तो वो कहती है चीके पर किसी को बताना मत कि मेरा पार्टनर वहाँ खड़ा है। कितने में कंपनी के दोनों जो बिल्कुल लफंगे लोग होते हैं वो सामने आते हैं, जिसे देख के उसका मुँह बन जाता है कि नहीं ये लोग मेरे पार्टनर नहीं है। और वो जब कहते हैं कि हाँ तुमने मुझे हाँ कहा, नहीं तुमने मुझे हाँ कहा, इसके बाद वो बेचारी बीच में फंस जाती है। मिस्टर शाह भी पार्टी में आ जाते हैं, जहाँ वो बहुत ही प्यारे और हैंडसम से लग रहे होते हैं। ये सब उन्हें देख के कहते हैं कि आप मुझे उस तरीके से क्यों देख रहे हैं, तो मिस्टर शाह कहते हैं क्या मतलब, साइड हो जाओ मुझे सामने जाना है। जहाँ बेचारे का पोपड़ हो जाता है और मिस्टर शाह सामने से चले भी जाते हैं। फिर हम यशोल की सिस्टर को एक क्लब में देखते हैं, जहाँ वो किसी लड़के से मिलती है। दूसरी तरफ यशोल भी बैठी होती है, जहाँ पे वो सब कुछ बता रही होती है अपने जूनियर को कि कौन बंदा क्या है, मतलब इंट्रोडक्शन दे रही होती है हर किसी का। जहाँ यशोल और मिस्टर शाह की आई कॉन्टेक्ट होता है और उनकी कलीग सोचते हैं कि इन दोनों के बीच में कुछ ना कुछ तो चल रहा है, और वो यशोल से पूछने लगती है मतलब ये बंदी कितनी शक्की है यार। दूसरी तरफ हमारे डॉक्टर साहब भी क्लब के बाहर आते हैं और वो एक आदमी की फ़ोटो दिखा के कहते हैं कि मैं पुलिस वाला हूँ और इस आदमी को ढूंढ रहा हूँ, ये आदमी आपके क्लब में आया और मुझे इसकी तलाशी करनी है। जहाँ बॉडीगार्ड भी डर के मारे उन्हें अंदर जाने देता है। जहाँ दूसरी तरफ लड़का भी उसकी बहन से बातें कर रहा होता है, पर जैसे भी डॉक्टर को देखता है फ़ौरन भाग जाता है। यह बात जब उसकी बहन को पता लगती है ये सुलकी कि ये कोई उन्हें ढूंढ रहा है, तब वो उसकी हेल्प करती है उस बंदे को पकड़ने के लिए, लेकिन काफ़ी कोशिश करने के बाद भी वो उस बंदे को नहीं पकड़ पाते। डॉक्टर उसे कहता है थैंक यू मेरी हेल्प करने
के लिए, पर अब तुम घर जा सकती हो। जहाँ वो कहती कि मैंने तुम्हारी फ्री फंड में थोड़ी हेल्प करी है, तो कहते तो मैंने तुमसे तो कहा भी नहीं था मेरी हेल्प करने के लिए। चाहे दोनों की बहस होती है और डॉक्टर उसे एक चिंगम देता है क्योंकि उसकी तबीयत थोड़ी सी ख़राब होती है और चिंगम से उसकी तबीयत थोड़ी ठीक हो सकती है। जहाँ वो सोचते कि डॉक्टर उसका इतनी केयर क्यों कर रहा है। चाहे डॉक्टर उसे एक बार मोटरसाइकिल टकराने से बचाता भी है, फिर तो ला 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 दोनों के बीच में हो जाता है। ये सुल वॉशरूम में जाके अपना टचअप कर रही होती है, ये सोच रही कि मिस्टर छाव से प्रपोज करेंगे। जहाँ वो जाती है तो कोई उसे कहते हैं मिस्टर की। ये सुल तो पलटते ही सोचते कि मिस्टर छाव होंगे, पर वो निकलता है वही डायरेक्टर जो कि उसे प्रपोज करता है, पर वो उसे बिना जवाब दिए वहाँ से चली आती है। क्लाइंट के जो प्रेजिडेंट होते हैं वो अनाउंस करते हैं कि उनके अगले प्रोजेक्ट को जो डायरेक्ट करेंगे वो वही न्यू डायरेक्टर हैं, न्यू वाले, जहाँ वो न्यू वाले डायरेक्टर आके स्पीच देते हैं। पर ये चीज़ यसुल को पसंद आती है जो कि मिस्टर छा भी देख लेते हैं। ये पार्टी ख़त्म होने के बाद डॉक्टर जो होते हैं, जो डायरेक्टर होते हैं, वो यसुल को ढूंढ रहे होते हैं, पर यसुल उन्हें बिल्कुल मिलना नहीं चाहती। छाव जैसे ही आती है यसुल से बात करने, तो वो उनसे कुछ काम की बात करने लगती है। जैसे वो उसे कहते हैं कि मुझे तुमसे कुछ बात करनी है, वो फ़ौरन कहती है ठीक है तो हम कल बात करते हैं, वहाँ से जाती है। जहाँ हमें एक फ्लैशबैक दिखा जाता है कि वो डायरेक्टर और यसुल एक टाइम पे कपल हुआ करते थे। जब वो डायरेक्टर को कॉल करती है तो वो उस टाइम असिस्टेंट डायरेक्टर होते और काफ़ी स्ट्रगल कर रहे होते हैं अपनी लाइफ में। वो काम के दौरान उसका फ़ोन नहीं उठा पाते, जहाँ उसे काफ़ी गुस्सा आता है। वो उनसे पूछते हैं कि तुमने मेरा फ़ोन क्यों नहीं उठाया, और फिर दोनों में थोड़ी सी बहसबाजी हो जाती है कि मैं काम कर रहा था, कि ये कर रहा था, कि वो कर रहा था। और एक दिन जाकर यसुल उनसे कहती है कि मुझे ब्रेकअप करना है। जब वो उसकी वजह पूछते हैं तो वो यसुल उन्हें ये बताती है कि अगर मैं तुम्हें वजह बताऊँगी तो क्या तुम मुझे दूसरे तरीके से बात करोगे, या क्या तुम इसे सॉल्व करने की कोशिश करोगे। यानी कि डॉक्टर को जो ये कहानी, ये जवाब किसी ने दिया था, वो यसुल ने ही दिया था। ये सुल इसी सोच में जा रही होती है कि जहाँ पर उसे एक कार टक्कर मारने वाली होती है और उससे मिस्टर छाप जाते हैं। वो कहते हैं क्या तुम पागल हो गई, तो वो उनके सामने रोती है। तो वो उसे कहते हैं क्या होगा, तुम रो भी रही हो। तो वो उन्हें कुछ कहती है तो वो कहते हैं क्या तुम पागल हो गई हो। फिर हम दोनों को खाना खाते हुए देखते हैं, जहाँ पता लगता है कि यसुल ने रोते हुए उन्हें कहा था मुझे भूख लगी है, मैं इसलिए रो रही हूँ, और मुझे खाना खिलाओ। तभी मिस्टर छा ने उसे कहा था कि क्या तुम पागल हो गई हो। जहाँ वो मिस्टर छा से कुछ पैसे उधार मांगती है क्योंकि उसे कुछ और काम करना होता है, क्योंकि वो अपना बैग पार्टी में भूल गई होती है। फिर हम दोनों को ड्रिंक करते हुए देखते हैं, जहाँ वो पूछते हैं कि आप मेरा पीछा क्यों कर रहे हैं। तो वो कहता है क्या तुम भूल गई, लास्ट टाइम भी तुम रोते रोते ऐसी आई थी ड्रिंक करने, और तुम पूरा ज़्यादा ड्रिंक करने के बाद टुन हो गई थी और तुम्हें मुझे संभालना पड़ गया था। इसके बाद वो फिर से काफ़ी ज़्यादा ड्रिंक कर लेती है और वापस टुन हो जाती है। बड़ी मुश्किल से मिस्टर छा उसे संभालते हैं। जहाँ वो नशे की हालत में मिस्टर छा से कहती है कि क्या मैं आपको एक सीक्रेट बताऊँ, क्या आप मेरा यकीन करेंगे। तब वो कहते हैं हाँ करूँगा। तब वो कहते हैं जब भी मैं किसी को टच करती हूँ या मेरे लिप्स किसी को टच करते हैं तो मैं उनका फ्यूचर देख सकती हूँ, और मैंने आप पर मेरा फ्यूचर देखा था जब हमारी लास्ट टाइम किस हुई थी, तो मैंने देखा था कि हम लोग फ्यूचर में जाके इंटीमेट करेंगे। तो मैं ये चीज़ दोबारा डबल चेक करना चाहती हूँ कि सच है कि नहीं। जहाँ वो कुछ सोचते और कहता है कि बाद में रिग्रेट मत करना क्योंकि ये सब करने के लिए तुमने ही कहा था। जहाँ उसे कुछ ऐसा करते हैं, और इसके साथ ही हमारा ये एपिसोड यहीं एंड हो जाता है। अगले दिन यसुल की आँख खुलती है मिस्टर शाह के घर के अंदर, जहाँ पे उसे जब याद आता है कि कल रात क्या हुआ था तो वो परेशान हो जाती है। इधर मिस्टर शाह उसके पास आते हैं और वो उससे पूछते हैं क्या आपको कल रात का कुछ याद है। तो वो कहता है कि ड्रिंक करने वाली तुम थी, मैं नहीं। तो वो कहती है अच्छा हाँ, तो ये तो तुम मुझे भूल जाना चाहिए ना। तो वो उससे कहती है तो लेकिन आपको तो सब कुछ याद होगा कल रात का। तो वो कहता है हाँ, तो क्या तुम फ्यूचर देख सकती हो, है ना। तो वो कहती है हाँ बट लेकिन आपने ही मुझे कहा होगा किस करने के लिए। जब उसे याद आता है कि वो खुद ही थी पहले पूछने वाले किस करने के लिए, तब वो बचौली बेचारी एम्बेरस हो जाती है। मिस्टर छाव से कहता है क्या तुम मुझे लाइक करती हो। तो वो कहती नहीं नहीं मैं आपको बिल्कुल लाइक नहीं करती। फिर वो कहता छोड़ो इस बात को, ये लो कपड़े पहन। वो कपड़े होते हैं लीजा ब्रांड के, मैं आपको ये क्यों बता रही हूँ ये आपको आगे पता लगेगा। जहाँ वो उसे कहते हैं कि कपड़े चेंज करके आ जाओ, वो लोग लिफ्ट में जाते हैं और उन्हें जाते हुए मिल जाता है डायरेक्टर। और पता लगता है कि डायरेक्टर भी सेम उसी बिल्डिंग के अंदर रहता है 6th फ्लोर के ऊपर, जहाँ सिचुएशन काफ़ी ऑकवर्ड होती है। वो जैसे ही होटल के बाहर निकलता है उन्हें सामने दिख जाता है उनका डॉक्टर, जिसे देख के उन लोग अपना रास्ता बदलने की कोशिश करते हैं, पर डॉक्टर उन्हें पकड़ लेता है। और यसुल मन में कहते हैं अब और कितने जानने वाले लोग हमें मिलने वाले हैं। डॉक्टर से कहता है कि तुम दोनों इस होटल में क्या कर रहे हो। अब वो लोग उसे इससे पहले कुछ कहते हैं कि वो कहते हैं ओह हाँ तुम लोग क्या सच में, क्या तुम लोग सच में अब होटल के अंदर मीटिंग करने आए हो, ये तो बहुत बढ़िया है, मैं भी किसी से होटल के अंदर मिलने आया। जिसके बाद अपनी सिचुएशन बदल के वहाँ से भाग जाते हैं, जहाँ पर पता लगता है कि डॉक्टर और यूएसएल की छोटी बहन है वो आपस में डेट कर रहे हैं।
ये सुल ऑफिस में बैठी भी परेशान हो रही होती है कि एम जो उसे फोटो दिखाती उसके और डायरेक्टर की और पूछते क्या डायरेक्टर सबको तुम्हारा एक्स बॉयफ्रेंड था, तो वो कहते हैं हाँ। इतने में उनके पास दूसरी कलीग आती है तो वो टॉपिक चेंज करते हैं। दूसरी कलीग ये सुल के कपड़े देख के कहती है ओ माई गॉड तुम्हारे पास लीसा के ब्रांड के कपड़े हैं, तुम्हें पता है कितने महंगे और कितने लिमिटेड होते हैं, मैंने अपनी पुरानी 2 महीने की सैलरी इस एक कपड़े जो खरीदने के लिए बचाए थे और तुमने वो भी पहन ली, तुमने इन्हें कब खरीदा। इसके बाद वो थोड़ी सी बातें करते हैं और वहाँ से वो चली जाती है। फिर हमें पता लगता है कि जो डिज़ाइन ये सुल ने पहन रखा था वो डिज़ाइन उसे फेमस हीरोइन ने अपने लिए बनवाया था, और उस स्टोर के मालिक ने की कहती है क्या तुम्हें मिस्टर छा ने वो ड्रेस दे दी, तो वो पूछते कौन सी ड्रेस, तो बताते ये वाली ड्रेस जो तुम्हें पसंद थी उन्होंने आज सुबह सुबह खरीदी वो ड्रेस। जिसके बाद बात को संभालते हुए वो हीरोइन कहती है हाँ उन्होंने मुझे ही दी है वो ड्रेस। जहाँ अपनी मीटिंग में बैठे सारी मीटिंग के लोग नई वाले जो उनके पास प्रोजेक्ट होता है कार का उसके बारे में एडवर्टाइजिंग की मीटिंग कर रहे होते हैं, जहाँ वो सबके लेते हैं सुझाव। एंड्री कहती है कार तो बहुत सेक्सी सही है तो क्यों ना हम इसका एडवर्टाइजमेंट कुछ ऐसा करें कि दो कपल को हम बीच में बिठा दें जो कि अपना काफ़ी अच्छा रोमांस कर रहे हैं, और रोमांस के नेक्स्ट डे उनकी आँख खुले किसी होटल में। जिसके बाद ये सुल और मिस्टर छा एक दूसरे को देखने लगता है क्योंकि कल रात तो उनके बीच में भी कुछ ऐसा ही हुआ था। अब वो उसे क्या ही बताते हैं, जहाँ एम जी कहते हैं कि मेरे सुझाव में बुराई क्या है, जहाँ दूसरे कलीग से पूछते कि तुम्हारा टाइम कैसा रहा, तो वो कहते थे हाँ हाँ मेरे भी मेरे बॉयफ्रेंड के साथ पहली जो किस्त थी वो भी कार के अंदर होती जिस पर सब लोग काफ़ी खुश होते हैं, लेकिन वो फिर मिस्टर छा को देख के चुप भी हो जाते हैं। मिस्टर छा से मिलने ये सब आते हैं जो कि उन्हें कहते हैं कि तुम्हें मेरे पर भरोसा नहीं कि मैं फ्यूचर देख सकती हूँ, तो तुम मुझे ऑफिस के बाद मिलना तो मैं तुम्हें प्रूफ करूँगी। इसी बीच मिस्टर छा को रियलाइज होता है कि जो उनकी बीमारी के सिम्टम्स थे वो बिल्कुल भी शो नहीं हो रहे। वो इस बात की इत्तला लेने के लिए करते हैं अपने डॉक्टर को कॉल कि मेरी बीमारी सब ठीक है, पर डॉक्टर दूसरी तरफ ही अपनी गर्लफ्रेंड यानी कि ईश्वर की छोटी बहन है उसका नाम मिस्टर डार्लिंग करके सेव कर रहा होता है। पर इतने में उसके बाद मिस्टर छा का कॉल आता है जिससे वो काफ़ी गुस्सा आता है और कहता है कि इस जर्क को बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलता, मतलब हर वक्त मुझे परेशान करते रहते हैं। जहाँ उसका फ़ोन उठाता है और उसे पता लगता है कि मिस्टर छा की कोई भी सिम्टम्स नहीं दिख रहे हैं, तो वो हैरान होता है कि कैसे ये सब हो सकता है। मिस्टर छा को जाते याद आता है कि कल रात क्या हुआ था जिसके बाद उसकी जो सिम्टम्स थे उसे देखना बंद हो गया, यानी कि मिस्टर यसुल के पास रहने से ही मिस्टर छा की सारी तबीयत जो बीमारी होती है वो सब खत्म हो जाती है। फिर मिस्टर छा अपने कंधे पर टांग कर यसुल को ले जाते हैं होटल के अंदर बड़ी मुश्किलों के साथ, और कहते हैं कि दिक्कत तो है नहीं है कि इतनी भारी होगी पर ये एक्चुअल में कितनी ज़्यादा भारी है। जिसके बाद वो फाइनली मिस्टर यसुल को उसके एक बेड पे लेटाते हैं और इतने में यसुल खड़ी होती है और कहती है बहुत गर्मी लग रही है और अपने कपड़े उतारने लगती है। फिर मिस्टर छा वहाँ से भागने लगता है पर देखते हैं कि उससे बस अपनी जैकेट उतारी और वहीं सो गई। ऐसे बैठे बैठे सुबह हो जाती है, मिस्टर छा बिल्कुल कन्फ्यूज कि उनकी बीमारियाँ क्यों उसे नहीं दिख रही हैं। जिसके बाद वो यसुल को देखते हुए सोचते हैं क्या सच में यसुल के साथ रहने से मेरी बीमारियाँ ठीक हो जाएंगी। यसुल ऑफिस के बाद मिस्टर छा का हाथ लेके उस पर किस करती है और बताती है उन्हें फ्यूचर में उसके बारे में क्या दिखा है। वो उन्हें कहती है कि डॉक्टर आपके घर में होंगे और साथ में से ये भी कहती है कि डॉक्टर के नाक से ब्लड निकलेगा क्योंकि शायद आप दोनों के बीच में लड़ाई हुई है पता नहीं क्या, लेकिन सच में उनके नाक से आपके घर के अंदर ब्लड निकलेगा। जिस पर उसमें मिस्टर शाह को यकीन नहीं होता है, वो फिर से उनका हाथ किस करके उन्हें बताती है कि वो लोग एक जगह पे होंगे दोनों अकेले जहाँ पे सारी डेजर्ट होगी या चाहे तो एक तरीके की डस्ट होगी वहाँ पे सारी जगह। जिस पे भी मिस्टर शाह को यकीन नहीं होता कि हम दोनों अकेले क्यों होंगे, इस पर वो फाइनली तीसरी बार भी उनके हाथ पे किस करती है और बताती है कि आपका फ़ोन टूट जाएगा मुझे गिरने से बचाते हुए। यहाँ डॉक्टर और यसुल की छोटी बहन का रोमांस जारी ही रहता है कि अचानक से वहाँ पे आती है यसुल और उसे बताते हैं कि होटल में वो लोग गए थे पर उनकी सिर्फ किस ही हुई थी, तो उसकी छोटी बहन उसे डांटते हैं किस क्यों हुई थी, आपको बाकी का काम भी करना चाहिए था, अपना फ्यूचर सच करना चाहिए था। इस पर वो उसे कुछ नहीं कहते, उसकी बहन उसे कहती है कि मैं एक हफ्ते के लिए घूमने जा रही हूँ अपने बॉयफ्रेंड के साथ। इस पर वो पूछते कि वो कौन है लेकिन वो उसे नहीं बताती। यहाँ अगले दिन डायरेक्टर मिस्टर शाह से मिलना आता है क्योंकि उन्हें उसी प्रोजेक्ट पे काम करना होता है जिस प्रोजेक्ट पे यसुल कर रही है, तो मिस्टर शाह उससे पूछते हैं कि आप इस प्रोजेक्ट पे काम क्यों करना चाहते हैं, तो वो कहते हैं कि मुझे ये प्रोजेक्ट काफ़ी पसंद है और मुझे आपके पहले के काम भी काफ़ी पसंद है, साथ ही मेरे कुछ पर्सनल रीज़न है। जिसके बाद वो देखता है मिस्टर यसुल को और ये चीज़ मिस्टर शाह भी देख लेते हैं पर वो कुछ कहते हैं नहीं। डायरेक्टर सारी टीम से मिलने आते हैं और सबकी तारीफ करते हैं जैसे सब लोग खुश होते हैं। लास्ट में वो यसुल के पास आते हैं और उससे कहते हैं हमें साथ में काम करना है और फिर उससे हैंडशेक करने के लिए हाथ आगे बढ़ाते हैं। जिसके बाद हमें एक फ्लैशबैक दिखा जाता है कि उससे पहले भी उसने हैंडशेक किया था काम करने से पहले, और जैसे यसुल ने उसके साथ हैंडशेक किया वो नॉर्मल कपल की तरह उसके साथ बिहेव करने लग जाता है। यसुल उससे हैंडशेक करती तो उसका हार्ट बहुत तेज़ धड़कने लगता है, इसकी आवाज़ मिस्टर शाह को आती है। वैसे मिस्टर शाह के पास शायद कोई एबिलिटीज़ हैं इसको सबको सुनने और देखने के लिए।
मियाँ रसूल काफ़ी परेशान होती कि अब वो काम कैसे करेगी। इसके बाद मिस्टर शाह आते हैं और कहते हैं कि तुम अपनी पर्सनल फीलिंग को काम के बीच में मत लाना। तब कहती है नहीं मैं नहीं लाऊंगा, तो वो कहता है तुम उसके लिए अभी भी कुछ फील करते हो तो तुम ये सब पर्सनल चीज़ें जो है काम के बीच में नहीं लाना। वो कहते हैं मैं उसके लिए कुछ फील नहीं करती। तो वो कहते हैं तो तुम्हारा हार्ट इतनी दूर दूर से क्यों धड़कता है, मुझे ये सब सुनना बिल्कुल पसंद नहीं है, मेरे सर में दर्द हो जाता है। जिसके बाद अपनी हार्ट की आवाज़ सुनने की कोशिश करते हैं और कहते हैं क्या ये पागल, ऐसे कैसे मेरे दिल के धड़कनों की आवाज़ सुनाई दे सकती है। ये सब अकेले बैठ के ड्रिंक कर रहे होते हैं जिसके बाद डायरेक्टर आते हैं और कहते हैं मुझे पता था कि तुम यहीं होगी क्योंकि तुम जब भी सैड और हैप्पी होती हो तुम यहीं पर आती। जिसके बाद वो उसे थोड़ी बातें करते पुराने पास्ट की और सही फिर कुछ धमकियाँ भी देने लगता, मतलब इनडायरेक्ट टाइप वाली कि तुमने मेरे घर में ये सामान तोड़ा था, वो सामान तोड़ा था, मेरे से ये गिफ्ट लिया था, वो तो टोटल बिल इतना बैठता है। तो वो कहते थे क्या तुम मेरे से सबके पैसे मांगना चाहते। तो वो कहता है नहीं मैं तुमसे 3 डेट्स लाता हूँ ताकि मैं तुम्हें वापस अपने पास पा सकूँ। वो कहते वो मुझसे मना करते लेकिन वो कहता है कि तुम्हें जाना पड़ेगा अदरवाइज तुम इतने पैसे चुका भी नहीं पाओगी। डॉक्टर और यशुल की बहन अपनी डेट पे जाते हैं जहाँ वो शॉपिंग करते हैं, खाना खाते हैं, बोरिंग करते हैं और इवन होटल में भी जाते हैं। होटल से बाहर आने के बाद वो दोनों काफ़ी खुश होते हैं लेकिन अचानक ही जो डॉक्टर है वो खुशी के मारे कुछ अजीब हरकतें करता है जिसकी वजह से यशुल की बहन को अंदर जाना पड़ता है। पर वो अंदर जाके कुछ सोचती है और बाहर आके कहती है ओप्पा, और वो भी कुछ अजीब सी हरकतें करने लगती है। फिर दोनों ही काफ़ी खुश होते हैं, मुझे नहीं पता वैसे ये लोग क्या कर रहे थे। वो दोनों साथ में काफ़ी खुश होते हैं। दूसरी तरफ हम डॉक्टर को और एक्टर को बात करते हुए देखते हैं जहाँ डॉक्टर काफ़ी तारीफ़ कर रहा होता है यशुल की बहन की कि वो काफ़ी अच्छी है, मैं उसे काफ़ी पसंद करता हूँ। और पता लगता है ये लोग अपनी राम कहानी मिस्टर शाह के घर बैठ के ही कर रहे होते हैं। मिस्टर शाह कहते हैं कल से मैं अपने घर का पासवर्ड बदलूँगा ताकि तुम दोनों लफंगे घोच लोग मेरे घर के अंदर ना पाओ। जो डॉक्टर को गुस्सा आता है वो कहता है मैंने तुम्हारी कितनी सारी रोतड़ू कहानियाँ सुनी हैं, तुम क्या तुम मेरी एक नहीं सुन सकते। इसलिए वो अंदर जाता है और गलती से वो ठीक कर लेता है डॉक्टर को और उसकी नाक से ब्लड आने लगता है। फिर उसे याद आता है कि बात तो यशुल ने कही थी कि फ्यूचर में यह होने वाला है कि डॉक्टर की नाक से ब्लड आएगा। एक्टर को भी मिस्टर शाह के घर में मिल जाती है लिपस्टिक और उसे याद आता है कि लिपस्टिक तो यशुल की है। यशुल को उसकी मम्मी का कॉल आता है जहाँ वो उसे बताती है कि उसकी मम्मी शादी करने वाली हैं और वो काफ़ी खुश होती है। हाँ यशुल ने कहते हैं कि वो अपने बहुत बड़े प्रोजेक्ट पे काम करने वाले जो कि उसके फादर का सपना था, अब वो अपने फादर को काफ़ी मिस भी करती है। यहाँ एक्टर काफ़ी कंफ्यूज होती है और मिस्टर शाह से पूछ बैठती है कि क्या तुम्हारे घर पर यशुल आई थी। तो उससे पूछता है क्यों तुम ये क्यों पूछ रही है। फिर वो हंसने लगती है कि हाँ मैं ये सब क्यों पूछ रही हूँ। नेक्स्ट डे कंपनी में यशुल के विरोधी दल यशुल की काफ़ी बुराई करती है उसकी टीम मेंबर के सामने और कोशिश करती है कि उसकी टीम को अपने मिला ले। जहाँ उसकी टीम के मेंबर होते हैं काफ़ी समझदार है वो उल्टा ही उसके हाँ में हाँ मिलाते हैं लेकिन उसके पास जाने के लिए बिल्कुल भी नहीं मानते। नेक्स्ट डे यशुल कार की कंपनी जाती है जिसका उसे एडवर्टाइजमेंट करना और उनसे परमिशन लेती है क्या वो कार को थोड़े टाइम के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं क्योंकि उनके जो डायरेक्टर हैं उसे उस कार को एक बार देखना है ताकि वो अच्छे से डायरेक्ट कर सके। जहाँ डायरेक्टर जो है उसी कार में बैठते हैं और यशुल से कहते हैं क्या तुम यहाँ पे कुछ खाना पीना करना चाहोगे, तो वो उसे मना करती है। कितने रंग में भंग डालने आते हैं मिस्टर शाह और कहते हैं कि वैसे भी ये कार तो कंपनी की है तो मेरे को इसका ख्याल रखना पड़ेगा कि कहीं से कुछ हो ना जाए। और डायरेक्टर वॉज लाइक अबे यार मैं यहाँ पे अपनी कार ही बनाना आया हूँ और तुम बीच में भंग डाले जा रहा है। इसके बाद मिस्टर शाह कार पर ड्राइविंग करते हैं पर थोड़ी देर बाद डायरेक्टर ड्राइविंग करने लगते हैं। डायरेक्टर उन्हें किसी सुनसान जगह ले जाते हैं जो होते हैं बिल्कुल सेम जैसा यशुल ने अपने फ्यूचर विजन में देखा था कि वो डस्ट में जाएंगे। वो मिस्टर शाह को कहती है तो वही जगह है जहाँ मैंने फ्यूचर में देखी थी और वो उसे भी बताती है। तो मिस्टर शाह को उस पर यकीन आता है पर वो उसको बिल्कुल डायरेक्टली नहीं बताता कि मुझे तुम पर यकीन है। डायरेक्टर यशुल से अकेले में कहते हैं कि तुमने मुझे कहा था अगर मैं अवार्ड जीतूंगा तो तुम मेरी रिंग लेके मुझसे शादी करोगी। तो हमें फ्लैशबैक दिखाया जाता है कि वो लोग काफ़ी अच्छे कपल होते हैं और यशुल उससे कहते हैं कि अगर तुम अवार्ड जीतोगे तो तुम्हें मुझे प्रपोज करना पड़ेगा रिंग के साथ। और वो भी उससे कहते हैं कि मैं आज भी वो रिंग लेके अपने साथ घूम रहा हूँ कि कब तुम मुझे हाँ करोगे तो प्लीज़ तुम मुझे डेट करने का टाइम दे दो। जिसके बाद मिस्टर शाह आते हैं वहाँ पर और वो उसे कुछ जवाब नहीं दे पाती। वो वहाँ से जाने लगती है कि इतने में वो स्लिप होती है और उसे बचाते हैं मिस्टर शाह। मिस्टर शाह कंपनी की कार वापस करते हैं और यहाँ दूसरी तरफ डायरेक्टर यशुल से पूछता है कि क्या तुम मेरे साथ खाना खाना चलोगी क्योंकि मैंने ऑलरेडी एक रेस्टोरेंट रिजर्व कर लिया है। इतने में वो उससे कुछ कह पाते कि मिस्टर शाह फिर से उनके रंग पे भंग डाल के कहते हैं कि मुझे यशुल से कुछ काम है तो क्या मैं तुमसे बाद में बात करूँ। और यशुल को अपने साथ ले जाता और बेचारा फिर से वॉज लाइक अब तूने फिर से मेरी कोशिश ख़राब कर दी। मिस्टर शाह अपने टूटे हुए फ़ोन को देखते हैं जहाँ उसे याद आता है कि यशुल ने कहा था कि फ्यूचर में जब मैं गिरूंगी तो तुम मुझे बचाओगे और मुझे बचाने के चक्कर में तुम्हारा फ़ोन क्रैक हो जाएगा। वो फिर यशुल से कहता है ठीक है मैं तुम पर यकीन करने लगा हूँ तो बताओ कि हम दोनों के बीच में क्या होगा फ्यूचर में। जहाँ वो सब बताते हैं कि हम दोनों इंटीमेट करेंगे।
जहाँ वो मिस्टर चार्ल्स ये भी कहते हैं कि मुझे पता है सुनने में काफ़ी अजीब है कि हम दोनों एक दूसरे को पसंद भी नहीं करते, तो हम लोग ऐसा कैसे कर सकते हैं। जब मिस्टर चार्ल्स उसे कहते हैं किसने कहा कि मैं तुम्हें पसंद नहीं करता या मैं तुम्हें ऐसे करता हूँ, इतने में मिस्टर चार्ल्स उसे कहते चलो हम करते हैं, चलो हम आज रात ही कर लेते हैं वो काम, पर एक शर्त पे। इतने में उनके बीच में कोई आता है और फिर इसी के साथ हमारे इस एपिसोड का एंड हो जाता है। वीडियो को आगे शुरू करने से पहले अगर आप ये वीडियो हमारे पुराने चैनल पर देख रहे हैं तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि वो आप हमारे नए चैनल खुशी अहमद के नेम से उसे सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आगे आने वाली सभी वीडियो आपको इसी चैनल पर मिलेंगी। साथ साथ या तो आप इस चैनल को इस तरह से सर्च भी कर सकते हैं जिसका लोगो आपको कुछ इस प्रकार का दिखेगा। और इसके अलावा अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब भी करिएगा एंड कमेंट भी करिएगा। मिस्टर चाइसल से कहते हैं चलो हम वो करते हैं, पर मेरी एक कंडीशन है। जिस पर वो एक्ट्रेस आती है और पूछते हैं कि तुम लोगों के बीच में क्या चल रहा है और किस चीज़ को करने की बात हो रही है और कैसी कंडीशन। जिसके बाद मिस्टर चाओ से बाहर ले जाता है और वो पूछती है कि किस चीज़ की आप लोग बात कर रहे थे। जहाँ वो उसे कुछ नहीं बताता और उसे छोड़ के वो ऊपर आके यूसुल से कहते हैं अब हम इस बारे में कल ही बात करेंगे। वो एक्ट्रेस बैठे बैठे सोच रही होती है कि इन दोनों के बीच में क्या चल रहा है। जहाँ से पता लगता है कि जिस प्रोजेक्ट पे वो लोग काम कर रहे हैं उसके प्रेसिडेंट को वो जानती है, तब वो उन्हें कॉल लगाती है। यहाँ मिस्टर छा घर होते हैं और हमें पता लगता है कि मिस्टर छा को भी एक अजीब सी सिक्स सेंस मिली है। सिक्स सेंस में उनकी जो भी फाइव सेंस होती है वो सही से काम करती है, मतलब वो किसी का भी दूर की चीज़ बड़े आराम से देख सकते हैं और कोई भी चीज़ बड़े आराम से सुन भी सकते हैं। यशुल की बहन अपनी पैकिंग कर रही होती है, जहाँ वो उसे कहती है पता है मैं ये करूँगी वो करूँगी, पर यशुल उसकी बात पर यकीन नहीं करती, आई मीन उसकी बात पर ध्यान नहीं देती। तो वो कहते हैं क्या तुम मेरी बात सुन रहे हो, तो वो कहती हाँ हाँ मैं तुम्हारी बात सुन रही हूँ और तुम अच्छे से जाना। जहाँ वो कहते हैं क्या बात है मुझे बताओ, तो उसके कान में बताती है कि मिस्टर छानो उसे हाँ बोल दें इंटीमेट होने के लिए। वो बिल्कुल हैरान होती है और कहती है कि हैं तुमको हाँ बोल दिया, वो ज़रूरी बड़ा कमीना होगा। जिसके बाद ईश्वर कहती है नहीं नहीं उसे तो ये सब करने के लिए मैंने कहा। तो वो कहती है तो फिर तुम भी कमीनी हो। फिर वो कहती है ऐसा कैसे हो सकता है, क्योंकि मुझे ऐसा करवाने के लिए तो तुमने ही कहा था। फिर वो कहती है हाँ मैं भी कमीनी हूँ। जहाँ ईश्वर उसे बताती है कि मिस्टर छाने एक कंडीशन रखी है, तो वो कहती है ज़रूर हाँ वो ना 50 Shades of Grey करने वाले होंगे। जहाँ वो लोग इमेजिन करते हैं कि ईश्वर के हाथ में ये है और मिस्टर छाने भी वो चीज़ पहनी हुई है और वो एक स्लेव कॉन्ट्रैक्ट साइन करते हैं। जहाँ वो कहती नहीं ऐसा नहीं हो सकता। फिर वो दूसरी चीज़ इमेजिन करती है कि मिस्टर शाह उसे हॉस्पिटल में लेके आए और कह रहे हैं कि तुम पहले अपने सारे टेस्ट करा हो कि तुम्हारी बॉडी सही सलामत है, मुझे कोई नुकसान होना नहीं चाहिए, और ये चीज़ रही मेरी सारी रिपोर्ट्स कि मैं ठीक हूँ कि नहीं। फिर वो कहते हैं हाँ वो ये कर सकता है। तो उसकी सिस्टर कहती है इसका मतलब वो एक अच्छा इंसान है। डायरेक्टर सबको समझाते हैं कि उनका अगला प्रोजेक्ट कैसे करेंगे और वो लोग ये तय कर रहे होते हैं कि वो कौन से मॉडल रखेंगे, पर इतने में उन्हें पता लगता है कि ऑलरेडी मॉडल साइन हो चुके हैं और वो वही एक्ट्रेस होती है जिससे मिस्टर शाह के साथ जो रहती है। जहाँ पे वो डायरेक्टर से पूछने जाते हैं कि मिस्टर शाह से कि भाई क्या ये सच है, तो वो कहते हैं मुझे माफ़ करना ये अचानक से तय हो गया, ये मेरे हाथ में बिल्कुल नहीं है। जहाँ पे डायरेक्टर उसे कहते हैं क्या तुम पागल हो गए, तुम अचानक से सब कैसे चेंज कर सकते हो, हमने पूरी प्लानिंग कर ली है। पर मिस्टर शाह उसकी एक बात सुनते हैं क्योंकि उनके हाथ में भी कुछ नहीं है। सारा स्टाफ परेशान होता है कि अब मॉडल चेंज हो गई तो वो काम कैसे करेंगे, क्योंकि उन्हें डबल अब काम करना पड़ जाएगा और सब लोग उस मॉडल को ही बुरा भला कह रहे होते हैं। डायरेक्टर से ये सुल बात करने आती है कि तुम्हारी बात तो मिस्टर शाह से हो गई होगी, तो अब बहस करने का फ़ायदा नहीं, अब हमें काम पे ध्यान देना चाहिए। जहाँ वो जाती है तो डायरेक्टर उसे कहता है कि तुमने मुझे जवाब नहीं दिया मेरे प्रपोजल का, कि क्या तुम मेरे साथ 3 डेट पे चलोगे कि नहीं। तो वो उसे कहते हैं कि मुझे थोड़ा टाइम की ज़रूरत है। डायरेक्टर किसी इंटरव्यू के लिए बाहर आता है, जहाँ उसे वही एक्ट्रेस मिलती है और वो उसे कहती है कि मैंने आपकी मूवी देखी बिल्कुल ही बकवास थी, पर मुझे बैठना पड़ा क्योंकि लोगों ने कहा कि अगर मैं बैठूंगी तो आपकी रेटिंग हाई हो जाएगी। जहाँ वो तो शो ऑफ करती है कि मैं बहुत अच्छी एक्टर हूँ, ये हूँ वो हूँ। तो वो डायरेक्टर उसे कहते हैं कि आपको तो पता होगा ना कि आपको कौन सा रोल करना है हमारे नेक्स्ट प्रोजेक्ट में। तो वो कहती है हाँ हाँ मुझे बिल्कुल पता है, मैं बिल्कुल अच्छे तरीके से करूँगी। जहाँ वो कहता है पर आपके लिए हार्ड होगा, तो वो कहती नहीं नहीं मेरे लिए बिल्कुल हार्ड नहीं होगा क्योंकि मैं सब कर सकती हूँ। जहाँ वो कहता है कि अच्छा ठीक है, वैसे जिस रोल की मैं बात कर रहा हूँ वो रोल एक 70 साल के बुढ़े का है, तो क्या आप 70 साल के बुढ़े का काम रोल करने के लिए तैयार है। जिस पर से वो लोग हंसते हैं और वो वहाँ से उन्हें बाइक लेके चला जाता है। यहाँ हमारी एक्ट्रेस परेशान के क्या मैंने गलत सुना, तो उसका असिस्टेंट कहते हैं नहीं मैंने भी यही सुना 70 साल का बुढ़ा, जाऊँ से गुस्सा आता और वो कहती है कि जल्दी इसी कंपनी की डायरेक्टर को कॉल लगाऊँ। यूसुल के पास मिस्टर शाह आते हैं और कहते हैं कि अगर तुम्हारा फ्यूचर साथ चाहे तो तुम आज मेरे घर आ जाओ, हम आज ही वो काम कर लेते हैं और वहाँ से चले जाते हैं।
हमारे यूशल परेशान और बाथरूम में कह रही होती है कि अब मैं क्या करूँ क्या करूँ, ये इतनी जल्दी क्यों हो रहा है, इतनी जल्दी कैसे हो रहा है, मैं क्या करूँगी कैसे करूँगी। और कहते हैं कि अब तो मैं कुछ नहीं कर सकती, ये सुल काम डाउन काम डाउन। जहाँ रात में ये सुल और मिस्टर शाह कुछ ऐसा कर रहे होते हैं कि मिस्टर शाह अचानक रुक के कहते हैं कि अब आगे क्या करना है, तो वो कहते हैं क्या मतलब क्या करना है। जहाँ वो बताते हैं कि जब मैंने फ्यूचर में देखा था कि तुम्हारा ये वाला पॉट टूट जाएगा, तो कहते जैक्सन जैक्सन टूट जाएगा, चलो हम इसकी जगह बदलते हैं। जगह बदलने के चक्कर में वो कोई और ही पॉट तोड़ देती है और बेचारों का मुंह बन जाता है। यशल मिस्टर चार से दोबारा प्रोजेक्ट के बारे में बात करने लगती है, तो मिस्टर छाओ से कहते एक बात बताओ, तुमने फ्यूचर में मुझे देखा था तो क्या मैं तुम्हारी तरफ प्यार से देख रहा था, वो कहती है हाँ। फिर वो कहता है इट मीन्स कि मैं तुम्हें डेट कर रहा था, चलो तुम मेरे साथ डेट पे चलो ताकि मैं उसको इंजॉय भी कर सकूं, और यही मेरी कंडीशन है। जिसके बाद यशल घर आते हुए कहती है कमीना, काम करते हुए कहती है कमीना, और सोते समय भी कहती है वो कमीना, ऐसे करते हुए बेचारी का मुँह बन जाता है। यहाँ डॉक्टर काफ़ी खुश होते हैं कि उनके पास उनकी लव लाइफ है, और सबको कह रहे होते हैं कि डेट करो, उस किसी को पसंद करो, प्यार मोहब्बत करो। जहाँ उन्हें अचानक से याद आता है कि यशल के सिस्टर ने कहा था कि हम एक हफ्ते के लिए डेट करेंगे, जहाँ वो परेशान किया सच में हम एक हफ्ते के लिए साथ में हैं। जहाँ वो नेक्स्ट डे उसके सिस्टर के साथ होता है, दोनों काफ़ी मज़े कर रहे होते हैं। इतने में उन दोनों को पता लगता है कि दोनों के जो कजन्स हैं वो एक ही कंपनी में काम करते हैं। यशल लिफ्ट में जा रही होती है जहाँ मिस्टर छा ज़बरदस्ती आ जाते हैं, जहाँ वो उनसे कह देती है कि मैं आपको डेट नहीं कर सकती क्योंकि ये काफ़ी अजीब है मेरे लिए। जहाँ वो कहते हैं ठीक है मैं तुम्हारी बात समझता हूँ। फिर वो कहते हैं कि एक मिनट, तुम मुझे डाउट हो रहा है कि तुमने फ्यूचर देखा भी कि नहीं, क्योंकि जहाँ कार गई थी वो भी एक गेस्ट करने की जगह थी, और क्या पता तुमने जानबूझ के गिरने की एक्टिंग करी हो ताकि मेरा फ़ोन टूट जाए, क्या तुम मुझे पसंद करती। तो वो कहती बिल्कुल नहीं, तो मैं आपको क्यों पसंद करूँगी। और वो पूरे रास्ते उन्हें समझाते रहती है कि मैं रियल में देखती हूँ, फ्यूचर ऐसा कुछ नहीं है जो आप समझ रहे हैं। जहाँ समझाते समझाते वो परेशान हो जाती है कि इतने में उसके पास डायरेक्टर का कॉल आता है, और वो मिस्टर शाह को दिखाने के लिए डायरेक्टर से कहती है काम की बात बाद में करेंगे, और तुमने जो मुझसे पूछा था कि तीन डेट पे जाने के लिए मैं उसके लिए एग्री करती हूँ। जिसकी ये बात फिर उनके डायरेक्टर हो जाते हैं शॉक, और उनके फ्रेंड्स कहते हैं क्या तुम्हें फिर से डबल काम करने को दे दिया। तो वो कहता है नहीं मुझे डेट पे जाना है, और कहते हैं मुझे सैलून जाना है, और वहाँ से भाग जाता है। यहाँ ये सुन मिस्टर शाह के बारे में सोच सोच के परेशान होती है, और काफ़ी बुराइयाँ कर रही होती है कि उसके चक्कर में उसे डायरेक्टर को हाँ बोलना पड़ गया। जहाँ उसके अंकल से आते हैं कैफ़े के और कहते हैं तुम हर वक्त मिस्टर शाह की बातें करती रहती हो, क्या तुम उन्हें पसंद करती हो। तो वो कहती है मैं उन्हें बिल्कुल भी पसंद नहीं करती हूँ। नेक्स्ट डे हम मिस्टर शाह को उनके डॉक्टर के यहाँ देखते हैं, जहाँ वो उससे कहते हैं कि क्या तुम्हारी कंडीशन अब ठीक है। तो वो कहते हैं कि हाँ मैं सो के उठता हूँ तो मेरी कंडीशन ठीक रहती है। इतने में वहाँ वही एक्ट्रेस आती है, और पता लगता है कि ये डॉक्टर कोई और नहीं, उसी एक्ट्रेस के फादर होते हैं। जहाँ वो एक्ट्रेस मिस्टर शाह से चिपकने की कोशिश करती है, तो मिस्टर शाह फ़ौरन वहाँ से भागने लगते हैं। जहाँ वो उन्हें कहते हैं कि तुम यहाँ कब आए कैसे आए, तो वो उनका कोई जवाब नहीं देता। पर जैसे ही वो कहते हैं कि तुम यशल को पसंद करते हो, इतने में वो रुक जाते हैं। वो कहते हैं कि तुम यशल के सवाल पर क्यों रुक के, क्या तुम सच में उसे पसंद करते हो। तो वो कहता है कि देखो मैं तुम्हें छोटी बहन मानता हूँ, तो वो भी कहती है कि देखो मैं तो मैं अपना कोई बड़ा बड़ा भाई नहीं मानती हूँ मतलब। तो वापस जाने लगते हैं, तो वो उससे दोबारा कहती है कि अगर तुमने मेरा फ़ोन नहीं उठाया तो मैं यशल को सब कुछ बता दूँगी। चाहो पलट के कहते हैं कि तुम ऐसा कुछ नहीं करोगी। तो वो कहते हैं कि तुम देख लेना, अगर तुमने मेरा फ़ोन नहीं उठाया तो मैं सच में यशल को सब कुछ बता दूँगी तुम्हारे सीक्रेट के बारे में, क्योंकि तुम्हारा सीक्रेट बस मुझे पता है, तुम्हारे लिए परफेक्ट सिर्फ मैं ही हूँ। अगर यशल को तुम्हारे सीक्रेट के बारे में पता लगा तो वो तुम्हारे साथ रहना थोड़ी पसंद करेगी। इसकी बात इग्नोर करते हुए मिस्टर शाह वहाँ से चले जाते हैं। मिस्टर शाह गाड़ी में बैठते हैं और यही बात सोचते हैं कि अगर यशल को मेरे बारे में पता लगा तो वो क्या वो मुझे पसंद करेगी कि नहीं। फिर हमें मिस्टर शाह का फ्लैशबैक दिखा जाता है, जहाँ पर उसे एक्ट्रेस के फादर होते हैं और मिस्टर शाह का ट्रीटमेंट कर रहे होते हैं। मिस्टर शाह की जो फाइव सेंस होती है वो एक्स्ट्रा काम करती है, जिसकी वजह से उसे जो भी कुछ वो सुनता है देखता है वो उसे डबल डबल एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा बार दिखता है। कि मतलब अगर कोई घड़ी है या कोई घंटी बज रही है तो उसकी आवाज़ उसे 100 गुना ज़्यादा सुनाई देगी एक नॉर्मल इंसान के अकॉर्डिंग। और बाकी सारे चीज़ें भी उससे काफ़ी ज़्यादा परेशान रहता है मिस्टर शाह, कि उसे काफ़ी सारी आवाज़ें सुनाई देती है बेवजह, ना तो वो सो पाता ना तो वो जी पाता है। तो डॉक्टर से सजेस्ट करता है कि वो थोड़ी मेडिटेशन करे और थोड़ी दवाई खाएं तो वो ठीक रहेगा। यशल की बहन मिस्टर शाह से मिलने आती है और उसे डायरेक्ट क्वेश्चन करने लग जाती है कि तुम्हारी कितनी गर्लफ्रेंड रही थी, क्या तुमने आज तक किसी को किस कराई कि नहीं, कभी तुम बाहर गए हो कि नहीं, वगैरह वगैरह।
जहाँ वो लोग शौक होते हैं कि एकदम से वो इतने क्वेश्चन क्यों पूछ रही है, जहाँ वो इतने में डॉक्टर कहता है कि तुम्हारी कज़न पर कज़न काम करती है ना इनकी कंपनी में, इतने में वो कहता है क्या तुम्हारी कज़न येसुल है, तो वो कहती है नहीं नहीं कौन है येसुल, मैं तो येसुल को जानती नहीं, पर उसकी इस हरकतों से मिस्टर शाह को पता लग जाता है कि येसुल की ही बहन है। येसुल को उसके पड़ोसी बताते हैं कि आजकल उनके नेबरहुड में काफ़ी चोरियाँ हो रही हैं, तो वो अपना ख्याल रखे। जहाँ वो कहते हैं ठीक है मैं अपना ख्याल रखूँगी। बाहर आके डॉक्टर येसुल की बहन से पूछता है कि तुमने इतने सवाल मेरे दोस्त से क्यों पूछे, तुमने आज तक कभी ये सब तो मुझसे पूछा नहीं, क्या तुम मुझे पसंद करती हो भी कि नहीं। जहाँ वो सेम सवाल उससे पूछती थी क्या तुम मुझे पसंद करते हो, तो वो कहता है हाँ मैं तुम्हें काफ़ी पसंद करता हूँ। और येसुल की बहन भी कहती है कि मैं भी तुम्हें काफ़ी पसंद करती हूँ। जिसके बाद वो उनका फ़ोन निकाल के अपना नंबर डिलीट मार के कहती है कि चलो हम ब्रेकअप करते हैं, क्योंकि हमारा एक हफ्ते का जो कॉन्ट्रैक्ट रिलेशनशिप था वो पूरा तरीके से ख़त्म हो जाता है, और वहाँ से चली जाती है। जिसकी इस बात पे डॉक्टर को काफ़ी रोना आता है। नेक्स्ट डे ऑफिस वाले काफ़ी हैरान होते हैं कि येसुल अभी तक काम पे नहीं आई होती है। ये बात मिस्टर शाह भी नोटिस करते हैं। येसुल डायरेक्टर के साथ डेट पे जाती है, पर वो उन्हें बिल्कुल भी भाव नहीं देती, क्योंकि वो अपने मन से डेट पे नहीं जा रही होती है। जहाँ डायरेक्टर उसे खुश करने की काफ़ी कोशिश करता है, उसका फेवरेट खाना बनाता है, गाना सुनाता है, पर तब भी सबका येसुल के ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। शाम में मूवी देखते हुए वो उसे कहता है कि तुम, उसके सामने वो अपनी पुरानी बातें सामने रखने लगता है कि पुराना वक्त कितना अच्छा था, तुमने मुझसे ब्रेकअप क्यों किया, क्या क्या। जहाँ बताते हैं जी फर्स्ट टाइम उसने येसुल को कैसे देखा था, और धीरे धीरे करके उनका रिलेशनशिप कैसे चलाता, पर उनकी फर्स्ट किस के बाद से येसुल के बीच में उनके बीच में सब कुछ ख़राब होने लगा था। क्योंकि हम तो जानते हैं कि येसुल किस के बाद देख सकती है फ्यूचर, उसने अपने फ्यूचर में अपने डायरेक्टर को किसी और के लड़की के साथ देखा था, जहाँ उसे बहुत अजीब लगता है कि अभी तो ये मेरे साथ रिलेशनशिप में, तो फ्यूचर में किसी और के साथ कैसे होगा। जहाँ वो बार बार उसे हर तरीके से किस करके देखती है कि क्या क्या पता फ्यूचर चेंज हो जाए, पर फ्यूचर चेंज नहीं होता, और आखिर में नौबत उनकी ब्रेकअप की आ जाती है। जिसके बाद डायरेक्टर येसुल से पूछता है कि तुमने मेरे से ब्रेकअप क्यों किया। जिसकी बात येसुल काटते हुए कोई और बात निकाल देती है, मतलब बात बदलने लग जाती है कि यहाँ कितनी ठंड हो रही है। जिसके बाद वो उन्हें घर छोड़ने जाते हैं। येसुल रात में अपने घर जा रही होती है, जहाँ वो देखती है कि उसके राज के घर की सारी लाइटें बंद हैं। वो लाइट जलाने की कोशिश करती है पर कुछ नहीं होता, और सारा सामान इधर उधर बिखरा हुआ होता है। जहाँ वो डर जाती है कि इतने में एक आदमी उसके घर में बाहर आता है चाकू लेके, और वो येसुल की तरफ बढ़ने लगता है। येसुल घबराती है, चिल्ला ये बचाओ कि इतने में वहाँ मिस्टर शाह आता है और उस आदमी का पीछा करते हैं। वो आदमी फ़ौरन वहाँ से भाग जाता है, पर कुछ नहीं हो पाता। मिस्टर शाह येसुल से पूछते हैं कि क्या तुम ठीक हो, और इसी के साथ हमारा ये एपिसोड यहीं ख़त्म हो जाता है। येसुल घर में जाती है तो वो देखती है कि घर का सारा अंधेरा हुआ पड़ा है। इतने में उसके घर के बाहर आते हैं मिस्टर शाह, जहाँ हमें फ्लैशबैक दिखा जाता है कि जब येसुल नहीं आई थी हम ऑफ कंपनी में, तो फिर मिस्टर शाह को काफ़ी बुरा लगा था। अब वो चीज़ याद करते हैं कि जब येसुल ने कहा था कि वो 3 डेट पर चलने के लिए तैयार है डायरेक्टर के साथ, तब भी उन्हें बुरा लगा था, और साथ ही फंक्शन वाले 3 भी उसने डायरेक्टर को देख लिया था कि वो येसुल को रिंग दे रहा है, तो उसे तब भी वो चीज़ बुरी लगी थी। जहाँ वो येसुल से बात करना चाहता है पर फिर वो कुछ नहीं करता, जाने लगता है कि अचानक से उसे येसुल की आवाज़ आती है कि कौन हो तुम, और ये देख के वो फौरन ही घर के अंदर भागता है। और जहाँ वो देखता है कि चोर तो वहाँ से भाग चुका है, वो येसुल के पास जाता है। इतने में वहाँ पुलिस आती है, और पुलिस से उन्हें पता लगता है कि वहाँ तो उसके घर में कुछ चोरी तो नहीं हुआ, लेकिन घर का कबाड़ा हो चुका है। तो मिस्टर शाह उसे ऑफिस लेके जाते हैं, जहाँ वो उसके से पूछते हैं कि अब ये बताओ कि तुमने जो उस दिन डबल चेक करके फ्यूचर देखा था वो क्या था। जहाँ उसे याद आता है कि फ्यूचर में वो काफ़ी खुश थी मिस्टर शाह के साथ, पर ये चीज़ वो उन्हें बिल्कुल नहीं बता पाती, और वो उल्टा शौक ही रहती है। येसुल को इतना चुप चुप देख के मिस्टर शाह को लगता है कि उसे फीवर है, तो वो चेक करते हैं। कितने में उन दोनों को एमजे देख लेती जो कि अभी तक ऑफिस में ही थी। जहाँ एमजे उसे कहती है कि क्या तुम्हारे और मिस्टर शाह के बीच में कुछ चल रहा है, तो वो कहती है ऐसा कुछ नहीं चल रहा, जिनकी बातें मिस्टर शाह भी सुन रहे होते हैं, क्योंकि वो तो बिल्कुल आराम से सुन सकते हैं। जहाँ पर वो कहते हैं यार मिस्टर शाह बहुत बढ़िया बंदा है, तो उन्हें डेट कर लो ना, तो वो कहती मैं उन्हें बिल्कुल डेट नहीं कर सकती। लेकिन फिर से वो अपने फ्यूचर के बारे में सोचते हुए कहती नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं हो सकता। यहाँ मिस्टर शाह घर में किसी बच्चे की वीडियो देख रहे होते हैं, पर ये कौन है हमें शायद आगे पता लगेगा। अगले दिन मिस्टर शाह जाते हैं बेकरी शॉप पर, काफ़ी सारा नाश्ता खरीद रहे होते हैं, अब पता नहीं क्यों खरीद रहे हैं। जहाँ ऑफिस में भी पता लग जाता है कि रात में येसुल के घर में हमला हुआ था। जहाँ उससे पूछते हैं क्या तुम ठीक हो, क्या पुलिस ने क्या कहा, कहाने का जावा कहती है मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मुझे परेशानी तुमको परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। इतने में वहाँ मिस्टर शाह आते हैं और सबके लिए नाश्ता लगाते हैं। यहाँ दूसरी तरफ न्यू मॉडल की जो कार थी जिसकी फ़ोटो डायरेक्टर ने ली थी, वो फ़ोटो लीक हो जाती है इंटरनेट पर, जिसकी वजह से उनकी कार के जो प्राइस होते हैं वो कम होने लग जाते हैं।
या मीटिंग में भी मिस्टर झा को लोग सुना रहे होते हैं, खासतौर पर उनके अपोनेंट्स जो टीम होती है अपोनेंट, वो कहते हैं कि मिस्टर झा इतने बड़े प्रोजेक्ट को नहीं संभाल पाए, इनके बस की बात नहीं है, हमें ये प्रोजेक्ट दे दो हम बहुत बढ़िया करेंगे। अब भर भर के इसके ऊपर इल्ज़ाम लगाया जा रहा था, जहाँ मिस्टर झा कुछ कहते नहीं है, साथ ही प्रेसिडेंट अकेले में मिस्टर झा को बिठा के बोलते हैं कि तुमने गलती करी तो कोई बात नहीं, लेकिन तुम इस गलती को सुधार के इस प्रोजेक्ट को सक्सेसफुली पूरा करके दिखाओ तो मैं तुम्हारी बात मानूंगा, जहां वो से शुक्रिया करते हैं। मिस्टर झा मीटिंग रखते हैं जहां वो येसुल को अपनी टीम से बाहर निकाल देते हैं, क्योंकि ये सब येसुल की वजह से ही हुआ था और येसुल की पोजीशन किसी और को देती है। वहां सब लोग काफ़ी नाराज़ होते हैं कि वो येसुल को ऐसे ही कैसे निकाल सकता है, येसुल ने इतने साल वहां पे काम किया है। जहां येसुल अपनी टीम बदल के नीचे शिफ्ट हो जाती है, येसुल नीचे बैठी होती है जिसकी आंखों से आंसू आने लगते हैं, जहाँ वो अपने आंखों को रोकने की कोशिश करती है पर वो रुकते नहीं और बेचारी रोने लग जाती है नीचे बैठ गए कि ये सब मेरे साथ ही क्यों होना था, ये इस प्रोजेक्ट पे काम करना मेरे बचपन का सपना था और ये प्रोजेक्ट से ही मुझे बाहर निकाल दिया गया। जिसकी रोने की आवाज़ें मिस्टर झा भी सुनते हैं। नेक्स्ट सीन में हम सारे लोगों को देखते हैं जहाँ वो लोग कह रहे होते हैं कि सामने का माहौल थोड़ा गर्मा गर्म है, जहाँ हम देखते हैं कि डायरेक्टर और मिस्टर झा आमने सामने बैठे हैं। डायरेक्टर मिस्टर झा को कहते हैं कि गलती तो सारी मेरी थी, आपने येसुल को वहाँ से क्यों निकाला। जहाँ वो कहते हैं कि येसुल को इसलिए निकाला क्योंकि येसुल तुम्हें लेके आई थी उस जगह पर और तुमने ये सब रायता फैला दिया। जहाँ दोनों के बीच में फिर से बहस होने लगती है येसुल को लेके। हम दूसरी टीम को देखते हैं जिनको बिल्कुल भी अपने प्रोजेक्ट का आइडिया नहीं आ रहा होता और वो सब पे गुस्सा कर रही होती है कि आइडिया ढूंढ के लेके आओ। जहाँ येसुल अपना आइडिया बताते हैं कि ये आइडिया को हम ऐसे इस्तेमाल कर सकते हैं, सब लोग उसके आइडिया को देख के दंग रह जाते हैं। वो बाद में उनकी टीम के मैनेजर उनके पास आते हैं येसुल के पास और कहते हैं कि तुमने मुझे आइडिया बताया था ना, तो मैंने इसके अकॉर्डिंग 50 वीडियो निकाल लिए हैं, इसके अंदर तुम इनके नोट्स निकाल के रख दो। और वो बड़े खुश हो रही होते हैं कि येसुल को ये सब रात भर करना पड़ेगा। जहाँ येसुल कहती है तो मैंने ऑलरेडी कर दिया आपके कहने से पहले और ये रही इन सब की फाइल, प्लीज़ आप इसको चेक करके मुझे बता देना। जहाँ वो गुस्से में बैठी होती है कि इसको मिस्टर झा ने किस तरीके से ट्रेन किया है कि सब सब कुछ पहले से पता लग जाता है कि क्या करना है। जिसके बाद ऑफिस का बंदा आके बैठता और हमें पता लगता है कि फ़ोटो लीक करने वाला कोई और नहीं यही था। दूसरी तरफ डॉक्टर अपने ब्रेकअप की वजह से काफ़ी देवदास बने होते हैं और सदमे में बैठे होते हैं। जहां वो बच्चों को ट्रेनिंग देने जाते हैं तो वो देखते हैं कि उसके स्टूडेंट में से कोई और नहीं, वो येसुल की छोटी बहन होती है यानी कि उसकी गर्लफ्रेंड होती है। जहां वो देख के एकदम हैरान हो जाता है कि ये मेरी स्टूडेंट कैसे बन सकती है। येसुल पुलिस के पास जाती है तहकीकात सब पता करने, तो पुलिस कहती है कि तुम्हारे बॉयफ्रेंड ने पहले से ये सब कर रखा है, तो वो कहती है मेरा बॉयफ्रेंड क्यों। जहाँ पता लगता है कि वारदात के अगले एक घंटे बाद मिस्टर झा वहीं आके बैठे होते हैं पुलिस स्टेशन में और कहते हैं कि येसुल के घर में इतने बजे एंट्री हुई थी, उस चोर की हाइट इतनी सेंटीमीटर थी, उसका शू इतना सेंटीमीटर का था, वो इतना बड़बड़ा था, इतना लंबा था, उसके हाथ में ये था वो था, उस वाले का कैमरा चेक करो, ये करो वो करो। जिसकी इतनी सारी इन्फॉर्मेशन सुन के पुलिस वाला भी चुप रह जाता है कि इतनी इन्फॉर्मेशन तो हमें खुद पता नहीं था जितनी इन्फॉर्मेशन इसे पता होती है। येसुल घर आके देखती है कि उसके घर में मरम्मत चल रही है और काफ़ी सारे कैमरे लगाए जा रहे होते हैं जो कि मिस्टर झा ही लगवा रहे होते हैं। जहाँ वो बिल्कुल ध्यान रखते हैं कि सारे कैमरे अच्छे से फिट हो, कोई दिक्कत ना हो, कोई स्पॉट खाली ना रहे। जिसकी इतनी सारी केयर करते हुए देख वो उससे सारे इंसिडेंट याद करते हैं कि किस तरीके से मिस्टर झा ने उसे कब कब कितना ज़्यादा उसे बचाया है, उसे कितनी केयर करी है। जहाँ वो डायरेक्ट मिस्टर झा से पूछने लग जाती है कि क्या आप मुझे पसंद करते हो, जो मिस्टर झा कहते हैं हाँ मैं करता हूँ। इतने में वो कहते हैं ओ मुझे कुछ काम याद आ गया और वो बाहर भाग जाते हैं और कहते हैं हो बच गया मैं, अभी पकड़ा जाता मैं। येसुल बाहर आके मिस्टर झा से पूछते हैं कि आप मुझे कब से पसंद करते हैं, जब से मैंने आपकी टीम ज्वाइन करी या जब से मैंने कंपनी में ज्वाइन किया है। अगर आप मुझे पसंद करते हैं तो आपने मुझे कभी अच्छे से बात क्यों नहीं की, आप क्यों मुझ पर हर वक्त चिल्लाते रहते हैं और मुझे डांटते रहते हैं हर काम को करने के लिए। क्या कोई ऐसा करता है, अगर कोई किसी को पसंद करता है तो उससे प्यार से बात करते हैं, और जिस दिन मैं सीढ़ियों से गिर रही थी उस दिन आपने मुझे बचाया क्यों नहीं, आपने मुझे खाली छोड़ दिया, पता है मैं कितनी बुरी तरीके से मेरी चोट लगी थी उस दिन। जहाँ वो कहते हैं अगर तुम्हारी बातें ख़त्म हो गई हो तो मैं बताता हूँ। जहाँ वो कहते हैं कि तुमने कंपनी ज्वाइन की तो तुम मुझे तब से ही पसंद हो और मैं तुम्हारे एक पर इसलिए चिल्लाता था क्योंकि मैं चाहता नहीं था कि मेरे काम की और मेरी पर्सनल फीलिंग के बीच में कुछ ना कुछ आए, और जिस दिन तुम सीढ़ियों से नीचे गिर रही थी उस दिन मेरी तबीयत ख़राब थी, इस वजह से मैं तुम्हें बचा नहीं पाया। और कहता है कि चलो अब मैं तुमसे क्वेश्चन पूछता हूँ कि क्या तुम मुझे डेट करोगी। इतने में पीछे से आवाज़ आती है कि नहीं वो उसकी डेट बिल्कुल नहीं करेगी, और वो होते हैं डायरेक्टर। तो डायरेक्टर कहते हैं कि तुम वो तुम्हें डेट क्यों ही करेगी, और दोनों के बीच आँखों आँखों में जंग चलने लग जाती है। डायरेक्टर मिस्टर झा से कहते हैं कि तुम इसे डेट के लिए कैसे पूछ सकते हो, बल्कि तुमने इसे सुबह कंपनी से मतलब अपनी टीम से बाहर निकाला और शाम में तुम इसे डेट के लिए पूछ रहे हो। जिसके बाद वो मिस्टर झा को ड्रिंक पिलाता है लेकिन येसुल मना करती है कि वो ड्रिंक नहीं करते, तो वो हंसते हुए कहते हैं हाँ ये तुम्हारा वही बॉस है ना जिसके बारे में तुमने बताया था, जो एक ही शॉट पिकेट तुन हो जाता है कि नहीं।
जहाँ पे वो गुस्से से यसुल को देखता है, तो यसुल बेचारी अब क्या ही करती। जहाँ वो खुद के लिए ड्रिंक लेता है, तो वो उसे मना करते कि तुम भी ड्रिंक मत करो। इस बात का मौके का फ़ायदा उठा के मिस्टर शाह भी हंसने लगाते हैं। अरे तुम्हारी ये गर्लफ्रेंड है ना, जिसके बारे में तुमने मुझे बताया था कि यहाँ पे वो एक ही शॉट पे टून हो जाती थी और तुम उसे बेचारे परेशान लेके घूमते थे। अब जो हमारी यसुल है वो गुस्से से डायरेक्टर को देखती, क्योंकि वो तो बात यसुल की ही हो रही होती है। डायरेक्टर कहते हैं मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा, लेकिन वो कहते हैं मैंने तो ऐसा बिल्कुल ही सुना है। डायरेक्टर कहते हैं कि मैं टमाटर हूँ, मेरे को लोग टमाटो कहते हैं क्योंकि मैं ड्रिंक पीने के बाद टमाटर जैसा लाल हो जाता हूँ और तब भी पीता रहता हूँ। इसकी बात को जवाब देते हुए डायरेक्टर मिस्टर शाह कहते हैं कि लोग मुझे सनफ्लावर कहते हैं क्योंकि मैं सन के निकलने तक ड्रिंक करता रहता हूँ। इसके बाद थोड़ी बहस के बाद वो दोनों ही थोड़ी देर में टुन हुए पड़े होते हैं और यसुल कहते हैं ओए मिस्टर टोमेटो, ओए मिस्टर सनफ्लावर, कोई तो उठ जाओ। डायरेक्टर का असिस्टेंट आके डायरेक्टर को अपने साथ ले जाता है और यसुल अपने घर ले जाते हैं मिस्टर शाह को, क्योंकि उसे उनके घर का पासवर्ड पता नहीं होता क्योंकि उन्होंने उसे बदल दिया होता है। चाहे जिस तरीके से मिस्टर शाह और यसुल को अपने ऊपर लेके गए थे, उसी तरीके से यसुल भी उन्हें अपने ऊपर लेके जाती है और रख देती है और बैठ के कहती है मुझे यकीन नहीं होता कि मैं तुम्हारे साथ फ्यूचर में होंगी। अब वो कहती है कि पर मैंने पहली बार अपना एक ऐसा फ्यूचर देखा जिसमें मैं स्माइल कर रही थी, क्या हम दोनों का डेट करना सच में काफ़ी अच्छा होगा कि नहीं। नेक्स्ट डे यसुल की आँख खुलती है तो वो देखते हैं कि मिस्टर शाह ऑलरेडी वहाँ से चले गए हैं। वो कंपनी जाती है तो उसके पास एमजे आके पूछती है क्या तुम्हारा और मिस्टर शाह का कुछ हुआ, तो वो कहती है मेरा और मिस्टर शाह का कुछ नहीं हुआ, तो मैंने कितनी बार समझाया है। इतने में उनकी टीम की हेड आती है और एमजे को भगा देती है। यहाँ दूसरी तरफ शूट बिल्कुल भी अच्छा नहीं जाता क्योंकि उन्हें चाहिए होती है रेत, पर वो तो बारिश होने की वजह से गीली हो चुकी होती है और चिपचिपी भी। पर इन लोगों की कोई गलती नहीं थी क्योंकि इन लोगों ने ऑलरेडी फोरकास्ट चेक किया था, पर तब भी कुछ नहीं। और जहाँ सब लोग परेशान होते हैं, ये सुलाती है और उनसे पूछती है क्या परेशानी है। दूसरी तरफ एक्ट्रेस आते ही डायरेक्टर के पास और कहती है कि तुमने मुझे सुबह से बुला रखा है पर एक भी सीन शूट नहीं करवाया, तो वो कहता है कि हाँ दिक्कत हो गई इस वजह से मैंने नहीं करवाया। चाहे वो डायरेक्टर को उल्टा कहते हैं कि तुम तो इमेच्योर हो, तुम्हारा पहला एडवर्टाइजमेंट है ना, इस वजह से तुम इतना कुछ कर रहे हो। अचानक से मिस्टर शाह के पास उनका कलीग आता है और बताता है कि यसुल ने बताया कि जिस जगह पर हम लोकेशन पर हम ऐड करने वाले हैं सेम ऐसे ही जगह उसने देखी है कहीं पर। अब वो कहता है कि वो आपके साथ काम उन्होंने इतने सालों तक करा है, इस वजह से आप दोनों की बुद्धि एक जैसी चलती है। यसुल का ये इंटेलिजेंस देख के मिस्टर शाह भी हैरान होते हैं। डॉक्टर वहीं पे यसुल की सिस्टर की प्रोफाइल चेक करता है जहाँ से पता लगता है कि वो काफ़ी इंटेलिजेंट है और बड़ी डेस्परेटली डॉक्टर बनना चाहती है। जहाँ वो एक पेशेंट के पास उन्हें लेके आते हैं कुछ चीज़ कोई केस स्टडी करवाने के लिए, पर उनके पास कोई चार्ट नहीं होता, तो इतने में उसकी सिस्टर बोलती है कि मुझे इसके बारे में पता है और वो पूरी कुंडली बता रहती है कि इस पेशेंट का नाम ये है, इसे ये बीमारी है, इसकी इतनी बार सर्जरी हुई है, इसे ये दवाई दी जा रही है। जिससे ये सब देख के डॉक्टर भी हैरान होता है। साथ में जो बंदा काम करता है वो कहते हैं कि इसको मैंने कहीं देखा है। वो उससे पूछता है क्या हम लोग कहीं मिले, तो कहते हैं हम लोग बिल्कुल नहीं मिले। वैसे मैं आपको बता दूँ ये वही लौंडा जो उसे क्लब में मिला था उस दिन जिस दिन डॉक्टर उसका पीछा कर रहे थे। डॉक्टर सिस्टर से कहते हैं कि तुम मुझे कब तक इग्नोर करोगी और क्या तुम्हारे लिए मैं कुछ भी मायने नहीं रखता, क्या तुम्हारे लिए एक वीक की डेटिंग कुछ भी मायने नहीं रखती। तो वो कहती है कि देखो हमने डेट करने से पहले तय करा था कि हम एक हफ्ते के अंदर ही ब्रेकअप कर लेंगे, तो उसके बाद मैंने तुम्हें कोई झूठे वादे नहीं किए, तुम्हें अपना सारा लव दिया, सब कुछ दिया। और तीसरी बात मैं डॉक्टर बनना चाहती हूँ अपने पूरे दिल से, इसका मतलब ये नहीं है कि तुम मेरे को ऐसे कहोगे, तो प्लीज़ ऐसा बिहेव करो कि तुम मुझे नहीं जानते। चाहे वो कहते हैं कि मैं तुम्हें लास्ट टाइम पूछ रहा हूँ क्या तुम सच में मेरे साथ रहना नहीं चाहती, तो वो कहते हैं कि हाँ बिल्कुल नहीं। और इसके बाद वो दोनों सच में ब्रेकअप कर लेते हैं। डायरेक्टर ऐड शूट करता है पर उसे बिल्कुल मज़ा नहीं आ रहा होता। हालांकि सब लोग कहते हैं कि ऐड काफ़ी अच्छा शूट हुआ है, पर डायरेक्टर को वो मज़ा नहीं आ, वो सेटिस्फेक्शन नहीं मिल रहा होता जो उसे मिलना चाहिए। सब लोग खाना खाते हैं लेकिन एक्ट्रेस खाना नहीं खाती। वो उससे पूछते हैं कि तुम खाना क्यों नहीं खा रहे, तो वो कहते हैं मैं ऐसे तैर वैर जगह पर खाना नहीं खाती, मैं तो बस मिस्टर शाह का वेट कर रही हूँ। चाह से पता लगता है कि मिस्टर शाह कभी इन लोगों के साथ खाना खाने नहीं आते। साथ में वो डायरेक्टर से भी कुछ बात करते, पर डायरेक्टर उससे कहते हैं कि मैं तो इमेच्योर हूँ ना, तो तुम उससे उस बारे में बात मत करो। और वो बात पे बेचारी की बेइज्जती करता रहता है। ये चीज़ देख के बेचारी को गुस्सा आता है, वो भी बिल्कुल एक टुन की तरह शॉट लगा ही लेती है। ये सुल जा रही होती जिसकी मुलाकात मिस्टर शाह से होती है। मिस्टर शाह उससे पूछते हैं कि तुमने मुझे जवाब नहीं दिया। जहाँ में कल रात का फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ यसुल कह रही होती है कि मैंने पहली बार अपना फ्यूचर देखा जिसमें मैं हैप्पी थी, पर मिस्टर शाह खड़े होकर उससे कहते हैं कि क्या तुम सच में हैप्पी थी, क्या तुम उसे डबल चेक करना चाहती हो। जिसके बाद वो उन्हें किस करती है डबल चेक करने के लिए और वो देखते हैं कि उसके फ्यूचर में वो काफ़ी हैप्पी है मिस्टर शाह के साथ। वो उसके लिए लंच बना रहे हैं, उसका ख्याल रख रहे हैं लोगों का, तो उनका लव डबल रोमांस चालू है और वो ये सब देख के शौक हो जाती है। वो दोबारा चेक करने के लिए दोबारा केस करती है, पर दोबारा उसे अपने आगे के फ्यूचर दिखाई देते हैं मिस्टर शाह के
साथ काफ़ी अच्छे, जिनमें वो काफ़ी खुश हो रही होती है। फिर वो मिस्टर चा से कहती है चलो हम डेट करते हैं। जैसा कि तुमने कहा था कि हमें डेट करना आती है, चलो हम फिर सच में डेट ही करते हैं। जिसके इस बात को सुन के मिस्टर चा काफ़ी शौक होते हैं और इसके साथ हमारा ये एपिसोड यहीं ख़त्म। येसु अगले दिन काफ़ी तैयार होकर अपने ऑफिस जाती है, जहाँ वो मिस्टर शाह को ढूंढती है पर वो उसे नहीं मिलते। और जब वो उन्हें उनसे मिलते हैं तो वह ऐसे बिहेव करते हैं जैसे कि दोनों के बीच में कोई बात हुई ना हो। जहाँ हमें रात का सीन दिखाया जाता है जब येसु ने मिस्टर शाह से कहा था कि चलो हम लोग डेट करते हैं, तो मिस्टर शाह उसे कहते हैं कि तुम मुझे पसंद करते हो या तुम बस फ्यूचर देखने के चक्कर में ऐसा कह रही हो। जहाँ वो कहती है कि नहीं, मैं हमेशा तुम्हारे बारे में सोचती रहती हूँ, तो मैं भी अपनी फीलिंग को लेकर कन्फर्म होना चाहती हूँ। उसके बाद वो भी कहता है चलो हम ठीक है डेट करते हैं। येसु को काम करते करते सुबह से शाम हो जाती है। शाम में वो अपना फ़ोन चेक करती तो उसे मिस्टर शाह का एक भी कॉल नहीं आया होता और उसे गुस्सा आता है कि हम डेट कर भी रहे हैं कि नहीं। तो वो अपनी कलीग को मैसेज करके पूछती है क्या मिस्टर शाह अभी भी ऑफिस में है, तो वो बताती है कि हाँ वो तो सामने ही बैठे हैं। कि उसे मिस्टर शाह का कॉल आता है और वो नखरे दिखा के फ़ोन उठाती है। मिस्टर शाह उसे एक होटल में लेके जाते हैं जहाँ वो कन्फ्यूज़ हो जाती है कि वो उसे होटल में लेके क्यों जा रहे हैं। फिर हम दोनों को खाना खाते हुए देखते हैं जहाँ येसु मिस्टर शाह से कहते हैं कि अब जबकि हम डेटिंग कर रहे हैं तो कुछ हमारे बीच में रूल्स भी होने चाहिए। और वो एक बड़ा लंबा चौड़ा कॉन्ट्रैक्ट बना के लाती है और उसमें कहती है कि हम कभी भी एक दूसरे को एक दूसरे का सीक्रेट बताने पर फोर्स नहीं करेंगे या किसी की भी प्राइवेट लाइफ में कुछ भी इधर उधर नहीं करेंगे। जहाँ वो कहते हैं हाँ ये बात तो मैं भी मानता हूँ और उससे कहती है कि हम ओनली वीकेंड्स पे ही मिला करेंगे। जहाँ मिस्टर शाह कहता है ठीक है, लेकिन ये बात तुम्हारे कॉन्ट्रैक्ट की ठीक नहीं है कि हम फ्यूचर पूरा होने के बाद कॉन्ट्रैक्ट या रिलेशनशिप ख़त्म कर देंगे। वो कहता है तुम्हें क्या लगता है इंटीमेट होने के बाद मेरी फीलिंग्स चेंज हो जाएंगी? क्या तुम्हें क्या लगता है कि तुम इंटीमेट होने के बाद चेंज हो जाओगी? इसकी बात पे वो बिल्कुल जवाब नहीं दे पाती और वॉशरूम का बहाना बना के वहाँ से भाग जाती है। और वॉशरूम में कहती है ये कितनी तेज तेज बात कर रहा था मेरे से, यहाँ तो मैं गुस्से में आया था और मेरे को तो उल्टा यहाँ पड़ गया। वापस आती है कि उसे सामने एक्ट्रेस दिखती है जो कि उसे पकड़ के कहते हैं दोनों से कि तुम दोनों यहाँ क्या कर रहे हो। जिससे बचने के लिए वो उसे कहती है कि हम लोग यहाँ काम से आए हैं और हमारा क्लाइंट अभी वॉशरूम में है। लेकिन मिस्टर शाह बिना किसी झिझक से डायरेक्ट उससे कहते हैं कि हम लोग डेट पे आए हैं तो क्या तुम हमें अकेला छोड़ सकते हो। ये बात सुन के एक्ट्रेस बिल्कुल हैरान होती है और बाहर आके कहती है कि क्या आपने इस येसु को अपनी सीक्रेट के बारे में बताया है? क्या उसने आपका सीक्रेट एक्सेप्ट कर लिया है जो वो आपके साथ हैगी? अब येसु कंफ्यूज होती है कि कौन से सीक्रेट की बात कर रहे हैं। मिस्टर शाह येसु को घर छोड़ते हैं और येसु उनसे पूछते हैं कि आप दोनों कौन से सीक्रेट की बात कर रहे थे और वो एक्ट्रेस आपके कौन लग रही हैं? जहाँ वो कहता है कि तुमने अभी तो बोला कॉन्ट्रैक्ट में कि हम किसी को कोई सीक्रेट बताने पर मजबूर नहीं करेंगे, और वो जो एक्ट्रेस थी वो मेरी छोटी बहन थी पर वो मेरी कज़न है तो वो मुझे रियल ब्रदर नहीं मानती, इसलिए ऐसी हरकतें करने लगती है। और उन लोगों के वो बचपन की फ़ोटो भी दिखाता है। जहाँ येसु सोचती है कि इस लड़की को मैंने कहीं तो देखा है पर उसे कुछ याद आता नहीं। वो घर आके लैपटॉप में देखती है एक बहुत पुराना मोपिक्स का एड जहाँ पे वहाँ पे एक वही हीरोइन होती है लेकिन वो बचपन वाली होती है। जहाँ उसे याद आता है कि जब ये ऐड बन रहा था तो इसके अंदर उसी हीरोइन ने काम किया था। येसु कहती है कि मुझे लगा था मैं मिस्टर शाह को पूरे तरीके से जानती हूँ पर अब लग रहा है कि मैं उनके बारे में कुछ भी नहीं जानती। मिस्टर शाह डॉक्टर को बता देते हैं अपने और येसु की डेटिंग के बारे में। जहाँ डॉक्टर बिल्कुल हमारी तरह उसे सवाल पूछने लगता है जिस तरह हम अपने फ्रेंड से पूछते हैं कि कब हुआ, कैसे किया, किसने पहले कहा एंड दिस एंड दैट। तो वो कहता है कि हाँ बस मैं तुम्हें बता दूंगा, बाद में ज़्यादा नहीं बताऊँगा। जब डॉक्टर उसे कहते हैं कि क्या तुमने उसे अपने बारे में बता दिया, क्या वो रेडी है तुम्हारा सीक्रेट जानने के बाद? जहाँ वो कहता है कि नहीं, मैंने चाहता मेरे और येसु के बीच की चीज़ें ख़राब हों। जहाँ वो कहते हैं ठीक है वैसा ही करो जैसा तुम्हारा मन करता है। नेक्स्ट डे हम उन्हें मीटिंग में देखते हैं जहाँ उनकी कंपनी को उनका ऐड बिल्कुल पसंद आता नहीं और वो उसे दोबारा बनाने के लिए कह देते हैं। और फिर वही दोबारा हमेशा की तरह डायरेक्टर और फिर मिस्टर शाह की वापस लड़ाई होने लग जाती है। डायरेक्टर येसु को बाहर बुलाता है जहाँ वो बाहर आती है और उसे कंसोल करती है कोई बात नहीं, तुम इतने बड़े डायरेक्टर हो, तुम सारा काम अच्छे से कर लोगे। साथ ही वो उसे उसी एक्ट्रेस के बचपन वाली मोपिक्स के ऐड की क्लिप देती है और कहती है कि तुम इसे आज के ऐड में इस्तेमाल करके एक नया लुक दे सकते हो ताकि बचपन में जो हीरोइन थी वो दोबारा इसी ऐड में आएंगे, तो बचपन से बुढ़ापे तक का सफ़र ऐसे करके दिखाना, जो उसे काफ़ी अच्छा लगता है आइडिया और वो उस पर ही काम करने लगता है।
फिर हम हॉस्पिटल में देखते हैं डॉक्टर को, जो जान पूछ के यसुल की छोटी बहन को परेशान कर रहा होता है, जान पूछ के उसे छोटी छोटी बात पे डांट रहे होते हैं क्योंकि उन्हें उस पर बेहद गुस्सा आ रहा होता है, जो कि जायज़ भी होता है। हम मिस्टर शाह को मोबिक्स एड के चेयरमैन के पास देखते हैं, जहाँ वो उसे सारी बताते हैं कि ये वाला आइडिया आया है नया वाला, जहाँ वो कहते हैं आइडिया तो अच्छा है, और वो उसे ये भी बताते हैं कि ये सिर्फ उनकी बेटी है जो उनके काफ़ी अच्छे दोस्त थे जिन्होंने पुराना एड बनाया था, जहाँ वो यसुल से काफ़ी चीज़ें कनेक्ट करते हैं और फिर पुरानी बात याद करने बैठ जाते हैं। यसुल डायरेक्टर के साथ काम कर रही होती है, जहाँ वो उससे पूछता है कि अब हम हमारी सेकंड डेट पे कब चलेंगे, तो यसुल ने बताती है कि वो और मिस्टर शाह आपस में डेट कर रहे हैं तो वो अब उनका कोई चांस ही नहीं बनता। डायरेक्टर काफ़ी हंसता और कहता है ऐसा हो ही नहीं सकता, और फिर वो कहते हैं कि तुम भूल गए जब हम लोग साथ में थे तो तुम मिस्टर शाह की कितनी बुराइयाँ कर दी थी, जहाँ हमें कुछ टाइम पहले का वक्त दिखा जाता है जब ये दोनों साथ में थे। जहाँ यसुल कहती है कि इस मिस्टर शाह को तो मैं खुद ही मारूंगी अपने इन दोनों हाथों से, एक बार बस मुझे अकेला मिल जाए उसे तो पकड़ के मैं ही कूटूंगी। जहाँ दूसरी तरफ गाना गा रही होती है तो गाना गाते हुए भी वो कहती है कि कौन है सबसे बड़ा कमीना, मिस्टर शाह हैं सबसे बड़े कमीने जो मेरे हाथों से ही मरेंगे, और ऐसे कह कह के वो पूरे गाने की बैंड बजा देती हैं। जब ये सब बातें यसुल को याद आती हैं तो वो काफ़ी शर्मिंदा होती हैं। वो लोग साथ में घर जा रहे होते हैं, जब डायरेक्टर उससे पूछते हैं कि तुमने मुझसे ब्रेकअप क्यों किया था, जहाँ उसे कोई जवाब नहीं देती और घर आ जाती है। मिस्टर शाह यसुल को उठा के एक कोने में ले जाते हैं और कहते हैं कि मुझे लगता है हमारे कॉन्ट्रैक्ट में हमें एक और चीज़ ऐड करनी चाहिए। जहाँ वो आगे उससे कुछ कहते हैं कि अचानक उसे आवाज़ आती है और वो यसुल को लेकर छुप जाते हैं और कहते हैं कि दूसरी टीम की मैनेजर आ रही है। जहाँ मैनेजर आके अपना काम करके चली जाती है और यसुल कहती है कि आपको कैसे पता कि वो यहाँ आएंगी, तो वो कहते हैं बस मुझे पता ही है। और वो मिस्टर शाह से पूछते हैं कि जब तुम मुझे पहले से लाइक करते थे तो तुमने मुझे कभी बताया क्यों नहीं और मुझे बाहर जाने के लिए पूछा क्यों नहीं। जहाँ हमें 5 साल पहले का वक्त दिखा जाता है, जहाँ मिस्टर शाह यसुल से पूछने आ रहे होते हैं कि क्या तुम मेरे साथ बाहर घूमने चलोगी, कि वो यसुल के लैपटॉप में उसके और उसके बॉयफ्रेंड की फ़ोटो देखते हैं और उनकी जो स्माइल थी वो वहीं गायब हो जाती है। फिर हम यसुल को डायरेक्टर से कहते हुए देखते हैं कि मिस्टर शाह वो कमीना उससे मेरा पीछा कब छूटेगा, और ये चीज़ मिस्टर शाह सुनते हैं और बेचारे रोते हुए कहते हैं उसने मुझे कमीना कहा, उसकी नज़र में मैं कमीना हूँ। यसुल रो रही होती है, जहाँ मिस्टर शाह कहते हैं कि तुम रो क्यों रही हो, क्या तुम्हारा ब्रेकअप हो गया तुम्हारे बॉयफ्रेंड से, तो वो रोते हुए कहते हैं हाँ मेरा ब्रेकअप हो गया। मिस्टर शाह तो ये बात सुन के काफ़ी खुश होते हैं। फिर हम दोनों को ड्रिंक करते हुए देखते हैं, जहाँ यसुल उनसे कहती है कि अब मैं अपने लाइफ में किसी भी आदमी को आने नहीं दूंगी। मिस्टर शाह कहते हैं अरे नहीं नहीं ऐसे ऐसे मत कहो, तो कहते हैं मैं एक काम करती हूँ, एक नन बन जाती हूँ और अपना सर मुड़वा लेती हूँ, जिसके बाद मेरे पास कोई आदमी आएगा भी नहीं। जिसके बाद वो बेचारे परेशान और कहते हैं कि मेरे लिए तुम दुआ करो कि मेरा सर मुड़ जाए और मैं नन बन जाऊँ। अब वो कहते हैं कि नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं हो सकता, लेकिन वो उसको दबाव बनाते हैं कि तुम्हें मेरे से ऐसी दुआ करनी पड़ेगी, तो बेचारे को ना चाहते हुए भी जोर जोर चिल्ला के ये दुआ करनी पड़ती है कि इसका सर मुड़ जाए और ये नन बन जाए। जब ये बात यसुल को याद आती है तो बेचारे एम्बेरस हो जाते हैं। फिर हमें एक और फ्लैशबैक दिखा जाता है कि जहाँ यसुल अपनी प्रेजेंटेशन देती है, सब लोग बाहर रूम से आ जाते हैं कि मिस्टर शाह को आवाज़ आती है और वो जाकर देखते हैं कि यसुल ज़मीन पे पड़ी है, तब वो उसे हॉस्पिटल लेके जाता है, जहाँ पता लगता है उसने 4 दिन से वो सोई नहीं होती है। जहाँ पर अंदर एम जी उसे कहते हैं कि मिस्टर शाह तुम्हारा कितना ख्याल रखते हैं, तुम उन्हें डेट कर लो ना, तो वो कहते हैं डेट और मिस्टर शाह को, इससे उनको डेट करने से बेहतर है मैं खोलते हुए पानी में अपने दोनों हाथ डाल दूँ। और ये बात सुन के बेचारे परेशान कि इसके लिए मैं इतना बुरा हूँ कि खोलते हुए पानी में हाथ डालना मंजूर है पर मुझे डेट करना नहीं। जिसके बाद वो कहता है कि मैंने तुम्हें इसलिए नहीं पूछा क्योंकि मैं तुम्हारा हाथ खोलते हुए पानी में डलवाना नहीं चाहता था। फिर वो यसुल से कहता है कि कॉन्ट्रैक्ट में 2 बातें ऐड करो, कि तुम मेरे अलावा किसी और आदमी के साथ नहीं रहोगी, और दूसरी बात कि जब भी हम किस करेंगे तो तुम्हें मेरे यहाँ रहना होगा। ये बात सुनकर यसुल शॉक होती है और मिस्टर शाह हंसते हुए वहाँ से चले जाते हैं। फिर हम एक्ट्रेस को देखते हैं जो मिस्टर शाह से कह रही होती है कि मुझे तो फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है, तुम लोगों का रिलेशनशिप ज़्यादा टाइम तो रुकेगा नहीं क्योंकि तुम भी उसके साथ रह नहीं पाओगे और यसुल भी तुम्हारे साथ रह नहीं पाएगी। जब वो कहते हैं कि यसुल के साथ रहने से मुझे मेरे सारे बीमारियों का असर कम लगने लगता है और साथ रहने से मुझे काफ़ी अच्छा फील होता है, अब उसके मुंह पर 2-3 जवाब देकर उसे मुंह बंद करवा देते हैं। फिर हम एक बच्ची को पानी में डूबते हुए देखते हैं जो कि होती है यसुल,
इतने में यसुल की आँख खुलती और पता लगता है कि उसका सपना था। यसुल बाहर जैसे जैसे घर आती है बाहर से, उसको अपनी मोम मिलती है। अपनी मोम के साथ वो काफ़ी अच्छा वक्त बिताती है। उसकी मोम से वो पूछते हैं कि मोम क्या बचपन में कुछ हुआ था, क्योंकि मुझे अजीब से सपने आते हैं। तो उसकी मोम कहती है कि तुम्हें कुछ चीज़ें याद ना रहें तो वही बेहतर है। और वो बात पलटते हुए कहती है क्या तुम्हें कोई लड़का पसंद है, तो वो बताती है कि हाँ मिस्टर शाह के साथ मेरी डेटिंग चल रही है, पर अभी मैं उसे आपसे मिलवा नहीं सकती। मिस्टर शाह और एक्ट्रेस के पापा जाते हैं एक ऑर्फनेज में, जहाँ पता लगता है कि मिस्टर शाह उसी ऑर्फनेज में पढ़े बड़े हैं। आते वक्त मिस्टर शाह डॉक्टर से पूछते हैं कि क्या कोई ट्रॉमा किसी इंसान को इतना दर्द दे सकता है कि वो उसकी कोई मेमोरी ही मिटा दे। जहाँ वो कहते हैं हाँ ऐसा हो सकता है, तो वो कहता है क्या वो ट्रॉमा इतना ख़तरनाक हो सकता है कि वो पर्टिकुलर इंसान या पर्टिकुलर प्लेस की मेमोरी मिटा दे। तो वो कहता है ऐसा होना मुश्किल है पर नामुमकिन नहीं है, ऐसा हो सकता है। डायरेक्टर भी यहाँ अपने प्रेजेंटेशन देते हैं जो कि सबको काफ़ी पसंद आती है, जिसका क्रेडिट वो येसुल को देते हैं क्योंकि ये आइडिया तो येसुल का था। जहाँ पे सब लोग कहते हैं कि येसुल को उनकी टीम में वापस आ जाना चाहिए। फिर हमें एक फ्लैशबैक दिखा जाता है कि जब टीम से येसुल को निकाला गया था तो मिस्टर शाह ने प्रेजिडेंट से पूछा था कि अगर क्लाइंट ही चाहते होंगे कि येसुल हमारी टीम में रहे तो आप क्या करोगे, तो वो कहता है कि हम येसुल को वापस रख लेंगे। और उनके प्रेजिडेंट उनसे कहते हैं कि अब जबकि क्लाइंट चाहते हैं कि येसुल हमारी टीम में रहे तो वो उसको हम अपनी टीम में रख लेंगे। दूसरी टीम का हम सीन देखते हैं जहाँ उनके लीडर न्योंग येसुल से कहते हैं कि तुम हमारे इस प्रोजेक्ट की इंचार्ज होगी, क्योंकि वो सोच रहे होते हैं कि येसुल के थ्रू वो एक कामयाबी हासिल कर लेंगे। और वो कहते हैं कि मैं तुम्हें लेट नाइट वर्क करवाऊंगी भी नहीं मिस्टर शाह की तरह। पर मिस्टर शाह एकदम बीच में आके कहते हैं कि मुझे लगता है इसे लेट नाइट वर्क करना पड़ेगा क्योंकि ऑर्डर मिला है कि इसे वापस मेरी टीम में डाला जा रहा है। सब लोग काफ़ी खुश होते हैं येसुल के वापस आने से। डायरेक्टर खुशी खुशी कहीं जा रहे होते हैं जहाँ उन्हें येसुल और मिस्टर शाह के लव कॉन्ट्रैक्ट का मिल जाता है, और वो हैरान हो जाते हैं कि इन दोनों के बीच में कॉन्ट्रैक्ट रिलेशनशिप था। वो येसुल को इस बात के लिए कन्फ्रंट करता है, तो येसुल कहते हैं कि ये कोई बात नहीं है, तुम्हें कोई हक नहीं बनता हमारे बीच बोलने का। जहाँ वो कहते हैं क्या ये वही बात है जिसकी वजह से तुमने मेरे से ब्रेकअप किया था और तुम्हें मिस्टर शाह से रिलेशनशिप करना पड़ा है। वैसे मैं तुम्हें एक बात बताऊँ, मुझे हमेशा से पता था कि तुम फ्यूचर देख सकते। येसुल शॉक हो जाते हैं और इसके साथ हमारे एपिसोड यहीं एंड हो जाए। आप लोगों से गुजारिश है कि अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है या वीडियो को लाइक नहीं करा है तो प्लीज़ अभी कर दें। अभी हम अपनी आगे की वीडियो की ओर बढ़ते हैं। तो एपिसोड 8 के स्टार्टिंग में हम डायरेक्टर को देखते हैं जिसका फ्लैशबैक दिखाया जाता है जब उनका और येसुल का ब्रेकअप हो जाता है। डायरेक्टर येसुल के घर पे भी जाता है येसुल से बात करने, पर उसकी छोटी बहन उससे बात करने नहीं देती है क्योंकि येसुल अभी इस मूड में नहीं होती। रात में ये येसुल पी पा के बिल्कुल टुन होकर आती है घर में, और जहाँ पे वो कहती है कि अगर तुम अभी भी, उसकी बहन कहती है अगर तुम अभी भी डायरेक्टर को पसंद करती हो तो तुम उसे सच बता दो कि तुम फ्यूचर देख सकते हो। जहाँ वो कहती है मैं उसे क्या सच बताऊँगी कि मैं फ्यूचर देख सकती हूँ, कि मैं हर बार उसे एक अलग वूमन के साथ देखती हूँ, हालांकि उसने शादी भी कर ली, मैं कहाँ से उसे उसके साथ रह सकती हूँ। ये बार डायरेक्टर सुन लेता है और इस बात पर बिल्कुल यकीन नहीं होता। वो कहता है स्टार्टिंग में तो मुझे इस बात पर यकीन नहीं हुआ था, लेकिन जब जब तुम मुझे किस करती थी और जब तुम रोती थी इस बात को सुन के मुझे उस पर यकीन हो गया। एक बात बताओ, जब तुम इतने साल की रिलेशनशिप के बाद भी तुम मुझे ये बात नहीं बता पाए तो तुमने इतने से टाइम में मिस्टर शाह को ये बात कैसे बता दी कि तुम फ्यूचर देख सकती हो। ना येसुल उससे कहती है कि मुझे नहीं पता मैंने उन्हें क्यों बताई, पर उन्हें मुझ पर यकीन था, मैं तुम्हें क्या ही बताती अपने फ्यूचर के बारे में। जहाँ वो ना मना करके चली जाती है। मिस्टर शाह येसुल का वेट कर रहे होते हैं पर वो आते नहीं है। जब येसुल आते तो वो उसे काम के बहाने से बाहर लेके जाते हैं और कह देंगे क्या तुम ठीक हो, और सामने खड़ी जो बाइक की होती है मतलब जो कार होती है उनको देख के कहता है कि इन कार को कोई भी देख के बता सकता है कि कौन सी एल्टो है या कौन सी स्विफ्ट है। जिनकी कार के लिए सी लाइन देख के येसुल कहते हैं इनको कोई ई के बारे में कैसे बता सकता है कि ये कौन सी कार है। जहाँ वो टॉपिक चेंज करता है, जब वो उससे पूछता है कि तुम्हारे डायरेक्टर से क्या बात है, तो येसुल उसे बताती है कि डायरेक्टर को हमारे कॉन्ट्रैक्ट रिलेशनशिप के बारे में पता लग चुका है, एंड साथ ही उसे ये भी उसे पहले से पता था कि मैं फ्यूचर देख सकती हूँ। तो वो हैरान होता है कि उसे पहले से पता था कि तुम फ्यूचर देख सकती हो। जहाँ मिस्टर शाह उससे पूछता है क्या तुमने डायरेक्टर के साथ इसलिए ब्रेकअप किया था क्योंकि तुमने उसे फ्यूचर में किसी और वुमेन के साथ देखा। जहाँ वो कहती है हाँ, तो मिस्टर शाह कहता है फिर तो तुम मुझे भी छोड़ दोगे अगर तुम मेरे साथ बुरा फ्यूचर देखोगी। जहाँ वो उससे कुछ कह नहीं पाती तो मिस्टर शाह कहता है कि तुम फिक्र मत करो, मेरे साथ तुम कभी कोई बुरा जो फ्यूचर है वो तुम कभी देख नहीं पाओगी।
यहाँ डायरेक्टर बेचारे परेशान हो रहे हैं। एक्ट्रेस अपने फादर के फ़ोन से मिस्टर शाह को मैसेज करता है कि तुमने मेरी बेटी का दिल तोड़ दिया, मेरी बेटी को अपना लो ऐसे करके। तो मिस्टर शाह उसे रिप्लाई करता है कि मुझे पता ही है कि एक्ट्रेस ही तुम्हारे पास है अंकल का फ़ोन। जहाँ अंकल जी आता है वो बिल्कुल शौक होती है कि इसे कैसे पता चल गया कि मेरा कि मैं ही यहाँ टाइपिंग कर रही हूँ। जहाँ अंकल जी उसे फ़ोन छीन के कहते हैं कि तुम अभी भी नहीं सुधरोगी, मैंने मिस्टर शाह से इसलिए तुम्हारी बात नहीं की क्योंकि मुझे पता है वो तुम्हें कभी पसंद नहीं करेगा और मैं तुम्हें हर्ट होते हुए नहीं देख सकता। जहाँ वो कहते हैं कि आपको पता है मिस्टर शाह की एक गर्लफ्रेंड है। जहाँ वो कहते हैं हाँ मुझे पता और मुझे लगता है कि वो अच्छी होगी क्योंकि मिस्टर शाह की जो बीमारियाँ हैं वो उसके साथ रहने से छट जाती हैं। ऑफिस का दूसरा बंदा मिस्टर शाह के टीम वालों को भड़काता है और उनसे एक तरीके से इन्फॉर्मेशन निकलवाने की कोशिश करता है उनके नेक्स्ट एडवर्टाइजमेंट की, जहाँ वो उसे बिल्कुल भी इन्फॉर्मेशन नहीं देता है। मीटिंग में ये लोग बात करते हैं कि वो अपने एडवर्टाइजमेंट का जो व्यू है वो जीजू आइलैंड में रखेंगे, जहाँ ये बात पक्की होती है। डायरेक्टर किसी काम के बहाने से यसुल को अपने साथ कहीं लेके जाता है। वो लेके जाता है उसी औरत के घर जहाँ जिस औरत को यसुल ने उसके फ्यूचर में देखा था। वो औरत अपने बेबी से उसे मिलाती है और अपने हस्बैंड से भी, जहाँ उसे समझ आता है तो वही बेबी जो उसने फ्यूचर में देखा था। वो औरत उससे शाम में बैठ के ये भी कहती है कि जब तुम दोनों का ब्रेकअप हुआ तो मैंने काफ़ी कोशिश की कि मैं डायरेक्टर को अपना सकूँ या फिर उससे मना सकूं, पर उसने कहा वो तुम्हें ही पसंद करता है। एक दिन मैं बहुत ड्रंक थी जिसके बाद मैंने डायरेक्टर को किस कर लिया था। उस किस को याद करके भी देसुल सोचती है तो वही किस है जो कि मैंने अपने फ्यूचर में देखी थी। वो बाहर आके देखती है कि डायरेक्टर उसके बेबी के साथ खड़ा और काफ़ी खुश हो रखा था। वो बहुत अफसोस करती कि उसने यही फ्यूचर देखा था, पर एक्चुअल में ये फ्यूचर वो नहीं था जो फ्यूचर वो सोच के बैठी थी। उसे काफ़ी बुरा लगता और वो वहाँ से चली जाती है। डायरेक्टर उसे रोकते हैं और कहते हैं कि तुम्हें क्या हो गया। जहाँ वो कहते हैं कि मैं तुम्हें क्या जवाब दूँ, मैं तुमसे बाद में बात करूँगी, तो वो कहते हैं नहीं मुझे तुम अभी बात करो। तो वो उसे कहते हैं कि मैं तुम्हें क्या बताऊँ कि मेरे को पता है कि मैंने मेरा जो फ्यूचर था वो मैंने गलत देखा, देखा सही था पर मैंने समझा उसे गलत है। अब तो तुम खुश होना। जहाँ वो कहता है कि नहीं मैं खुश नहीं, तुम मुझे पहले भी ये चीज़ बता सकती थी कि तुम फ्यूचर देख सकती हो। तो वो कहते हैं मैं तुम्हें क्या बताती, अगर मैं तुम्हें बताती तो तुम मुझे क्या समझते, एक पागल लड़की, एक साइको जो उसे मेंटल हॉस्पिटल में रहना चाहिए, क्या तुम मेरा यकीन करते। जहाँ वो चुप हो जाता है। फिर वो कहता है कि क्या तुम्हें पता है कि मैं तुम्हारे पास 3 साल बाद ही क्यों आया। जब वो कहती है नहीं, तो वो सब बताता है कि मैंने 3 साल वेट किया कि कब इस लड़की की शादी होगी और कब इसका बेबी होगा, ताकि तुम यकीन कर पाओ कि तुम्हारा फ्यूचर जो है वो गलत था। और जिनको और सब लोग वहाँ खड़े हुए इन सब चीज़ दोनों की वीडियो बना रहे होते हैं कि मैं पहले का और आज भी मैं तुम्हारे सामने खड़ा हूँ और आज भी मैं तुम्हें काफ़ी पसंद करता हूँ। जहाँ वो ये भी बताता है कि जो मैंने मूवी बनाई थी वो तुम्हारे लिए ही बनाई थी, तुमसे इंस्पायर होके। घर जाते समय भी ये सुर यही सोच रही होती है कि जो मैंने विजन देखा था वो फ्यूचर तो था पर मैंने उसको गलत समझ लिया और उसे काफ़ी अफसोस भी होता है। या मिस्टर शाह को पता लगता है कि ये सुर डायरेक्टर के साथ बाहर गई है। ये सुर बार में बैठी होती है और बार वाले अंकल के सामने सारा रोना धोना कर रही होती हैं कि मतलब उतने बुरा अपने उसने फ्यूचर गलत देखा, साथ ही उसके साथ क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है, काफ़ी रोना रोना करती हैं। तो अंकल उसे कहते हैं अगर तुम फ्यूचर के बारे में सोच सोच के अपना आज ख़राब कर लूँ तो फ्यूचर तो ख़राब हो नहीं है, तो इससे बेहतर तुम अपने आज को जियो। जहाँ उसे सलाह देते हैं जिसकी सलाह थोड़ी बहुत यसुल भी समझ जाती है और अंकल भी स्माइल करते हैं। ऐसा लगता है जैसे कि वो यसुल को पहले से ही जानते हैं। अब यसुल करती है मिस्टर शाह को कॉल, जिसका कॉल उठाती है एक्ट्रेस और कहती है ओ यसुल हाँ हम लोग ना ज़रा बाहर खाना खाने आए हैं। हाँ फिर वो कहती है अच्छा तो तुम लोगों को बाद में कॉल करती हूँ। वो उससे ये भी कहती एक्ट्रेस उससे ये कहने लगती है कि मुझे मिस्टर शाह ने बताया कि तुम्हारे पास कौन सी स्पेशल एबिलिटी है, मुझे पता है वो तुम्हारे साथ क्यों है, उन्होंने मुझे ये भी बताया कि तुम्हारे पास स्पेशल एबिलिटीज़ हैं इस वजह से वो तुम्हारे साथ हैं। वैसे मुझे ये जान के बहुत हैरानी हुई कि तुम्हारे पास ऐसी एबिलिटी भी है, तो मैं तुमसे इसके बारे में थोड़ा पर्सनल बात करूँगी। और वो फ़ोन काट देती है। इसकी बात को सुनने के बाद ये थोड़ा काफ़ी बुरा लगता है और साथ में एक्ट्रेस कॉल हिस्ट्री भी उड़ा देती हैं। डायरेक्टर के यसुल के साथ वाले वीडियो पूरी जगह वायरल हो जाते हैं, जिसको ये एमजी भी देखते हैं और एमजी का मुंह फट जाता है। यसुल अपने ऑफिस आते हैं जिसको एमजी बड़ी स्टाइल में कोने में ले जाती है और वॉशरूम में चेक करती है कहीं कोई और तो नहीं है। जहाँ उसे कहते हैं सब क्या चल रहा है यार, देखो अगर तुम डायरेक्टर को डेट कर रहे हो तो प्लीज़ करो, लेकिन मिस्टर शाह को फिर ऐसा मत करो ना। तो वो कहते नहीं मिस्टर शाह और मैं डेट कर रहा है। तो वो कह रही हाँ हाँ तुम डायरेक्टर को भी करो, मिस्टर शाह को भी करो, सबको करो। फिर वो रुक जाती है और कहती है क्या मिस्टर शाह को भी डेट कर रही हो। और वो बिल्कुल हैरान कि यार जब तुम उससे डेट कर रही हो तो तुम कैसे डायरेक्टर के साथ बाहर जा सकते हो, तुम्हें पता है उसे कितना गुस्सा आ रहा होगा।
येसुल भी इसी बात से काफ़ी परेशान हो रही होती है। मिस्टर शाह को भी किसी क्लाइंट से पता लगता है कि डायरेक्टर ने कोई वीडियो वायरल किया, पर उन्हें ये नहीं पता कि वो लड़की कौन है। जब वो भी वो देखता है, इसमें साफ जाहिर होता है कि डायरेक्टर की जैसे कह रहे हैं, वो तो पहचान जाता है कि येसुल है, पर उसमें येसुल का फेस नहीं होता, इस वजह से बाकी कोई भी जरा नहीं पहचान पाता। मिस्टर शाह येसुल को कन्फर्म करते हैं कि तुम डायरेक्टर के साथ बाहर क्यों गई थी, जबकि तुम्हें पता है कि हम तुम आपस में डेटिंग कर रहे हैं, हम साथ में, तुम्हें कितना पसंद करता हूँ, तुम्हें जेलसी भी होती है। जहाँ वो येसुल का दिमाग ऑलरेडी ख़राब है, तो वो उसे कह रही, तो फिर तुम्हारा मतलब क्या है, तुम एक्ट्रेस के साथ बाहर खाना खाने जाते हो, तुमने उसे मेरे बारे में क्या क्या बताया। तो वो हैरान होता है कि मैंने उसे क्या बताया। जहाँ वो कहते हैं, उसने मुझे बताया, तुमने उसे मेरी एबिलिटी के बारे में बताया है, और वो उससे झगड़ा भी करते हो, उसे कहते मुझे समझाओ, तो वो कहता है कि मैं तुम्हें सब समझाऊंगा, पर थोड़ी देर बाद जहाँ गुस्सा आता है कि तुम मुझे अभी समझाओ, लेकिन मिस्टर शाह वहाँ से चले जाते हैं। मिस्टर शाह के जाने के बाद वहाँ पे दो लड़कियाँ आते हैं, जिससे हम समझ सकते हैं कि मिस्टर शाह ने उन लड़कियों के आने की आवाज़ सुन ली, फिर वो नहीं चाहते थे कि उन दोनों की बात वो दोनों भी सुने। यहाँ डायरेक्टर भी अपनी टीम के लिए सारा बहुत सारा खाना लंच लेके आते हैं, जो उन्हें पसंद है वो सब लेके आते हैं। हम रिक्वेस्ट करते हैं कि प्लीज़ तुम मेरी वीडियो इंटरनेट से हटवा दो। जहाँ वो लोग बड़े मुश्किल से वीडियो हटवाते हैं, और डायरेक्टर काफ़ी थैंकफुल होते हैं। दूसरी टीम का आदमी आता है हमारी सेकंड मैन के साथ, और उसके आके भड़काने लगता है येसुल के खिलाफ, क्योंकि जब येसुल अपनी टीम से हट गई थी तो सारा सामान इसको ही देखना पड़ रहा था, और इसकी रिस्पेक्ट भी हो रही थी। अब जबकि येसुल वापस आ गए तो उसे कुछ नहीं मिल रहा है, उसे वापस पुरानी पोस्ट मिल गई है। जहाँ उसे भड़काता है और उसकी तरकीब कुछ हद तक काम भी करती है, वो थोड़ी बहुत भड़कने भी लग जाती है। शाम में येसुल घर जाती है, जहाँ पर उसकी मदर उसे मिलती है। उसे मिस्टर शाह का कॉल आता है, पर वो उसे बिल्कुल रिसीव नहीं करती, इग्नोर मारती है। उसकी मदर कहती है, बेटा ऐसे इग्नोर मत मारो, वो तुम्हारा लवर है, मतलब जो भी है तुम्हारा, तो मैं ऐसे इग्नोर नहीं मारना चाहिए। येसुल को ऐसा फील होता है कि कोई उसका पीछा कर रहा है, वो दाएँ बाएँ देखती है, पर उसे कुछ दिखता नहीं है। येसुल के अंदर जाते हैं, हम एक मिस्टीरियस आदमी को दोबारा देखते हैं, जो उन दोनों पर नज़र रख रहा था। मिस्टर छाबे का भी परेशान होता है कि वो येसुल को कैसे समझाएंगे। येसुल के पास मिस्टर छाबे भी मैसेज करता है, डायरेक्टर भी, और दोनों के मैसेज देख के येसुल परेशान हो जाते हैं। नेक्स्ट डे हम उन लोगों को जेजू आइलैंड में देखते हैं, जहाँ हम लोग शूटिंग कर रहे होते हैं। हैं जो उसके जूनियर होते हैं येसुल के, वो सारा सामान संभाल रही होती है, पर वो क्लाइंट को कुछ समझा नहीं पाते ठीक से। तो येसुल मिस्टर छाबे समझाते हैं क्लाइंट को कि ऐसी ऐसी बात है, तो क्लाइंट समझ जाते हैं। वो उससे पूछता है कि येसुल कहाँ है, तो वो कहता है येसुल कार लेने गई है, क्योंकि कार थोड़ी कॉन्फिडेंशियल है, इसलिए वो नहीं चाहती है किसी और के हाथ में लगे। फिर जहाँ दूसरी तरफ येसुल को देखते हैं, जो कार लेके आ रही होती है। हम जो उसे कह रहे होते हैं कि यार कितना अच्छा मौसम है, एंड उसे कहती है कि तुम मिस्टर शाह को इग्नोर मत मारो, ये एंड दैट। तो वो कहते हैं, यार मेरी लाइफ है, तुम प्लीज़ मुझे परेशान मत करो। जब तुम इतना कुछ देख सकती हो कि मिस्टर शाह मेरे बीच में कुछ सही नहीं चल रहा, तो तुम ये नहीं देख सकते कि मैं भी उदास हूँ। जहाँ पर वो कहते हैं, मैं क्यों देखो भाई तुम उदास हो, और दोनों में ऐसी छोटी छोटी दोस्तों वाली लड़ाई हो जाती है, मीन्स लड़ाई नहीं, थोड़ी सी बहस एकदम तरीके से। हम डॉक्टर को देखते हैं, जो कि येसुल की बहन, इसका नाम होता है हुवू। वो हुवू को पढ़ाई के लिए काफ़ी सारे क्वेश्चन पूछते हैं, जिससे वो सारा आराम से जवाब देती हैं, पर वो धीरे बहुत डिफ़िकल्ट क्वेश्चन पूछने लगता है, जिसका जवाब वो नहीं दे पाते। तो वो उससे कहता है कि अगली बार अच्छे से पढ़ के आना, समझे, और ऐसा करके चले जाते हैं। यहाँ पे हुवू भी काफ़ी परेशान हो जाती है। यहाँ येसुल रात में जा रहे होते हैं, जहाँ उसे फिर से फील होता है कि कोई उसका पीछा कर रहा है। देन उसके पास एक आदमी आता है, वो डर जाते हैं, पता लगता है कि डायरेक्टर है। डायरेक्टर कहता है कि मैंने ये मास्क इसलिए पहना है क्योंकि हमारी वीडियो वायरल हुई, तो मैंने चाहता कि दोबारा कुछ हो। जहाँ वो कहता है, अब यह बताओ हमारी सेकेंड डेट कब होगी, तो वो कहते हैं, हम डेट नहीं कर सकते क्योंकि मैं मिस्टर शाह को डेट कर रही हूँ। लेकिन वो कहता है, नहीं तुमने मुझसे उन्हें डेट करने से पहले प्रॉमिस किया था, तो तुम्हें प्रॉमिस निभाना चाहिए। जहाँ वो थोड़ा सा और येसुल को मनाता और कहती है, ठीक है अगर तुम्हें जाना है डेट पर, तो कल सुबह जल्दी आ जाना। इन दोनों की बातें ऊपर खड़े मिस्टर शाह भी देख रहे होते हैं। यहाँ डॉक्टर अपने एक स्टूडेंट को अपने पास बुलाता है और पूछते हैं कि जब मैंने हुवू को डांटा था तो क्या वो मतलब रो तो नहीं रही है ना। तो वो कहते हैं, नहीं नहीं वो तो खाना खा रही है, और इस तरह ऐसे ऐसे चिकन खा रही है। तो वो कहते हैं, क्या जब वो खुद जाकर देखता वो सच में चिकन दबा दबा के खा रही होती है। वो हैरान कि भाई ये लड़की क्या है। डॉक्टर यहाँ परेशान हो रहा होता है, जिनके पास हुवू आते हैं, वो हुवू से कहता है, देखो यार हमारे बीच में जो भी हुआ मैं उस सबके लिए सॉरी कहता हूँ, मैं तो बस थोड़ा सा गुस्सा आ गया था, एंड देखो अगर तुम्हें कोई परेशान करे तो तुम्हें सिर्फ मेरे को बताना सारी इमरजेंसी में। तो वो कहती है, तुम कहना चाहते हो कि मुझे किसी चीज़ की ज़रूरत पड़े तो मैं तुमसे कहूँ। तो वो कहता है, हाँ मैं चाहता हूँ तुम मुझसे कहो। वो कहते हैं, ठीक है मैं इस बारे में सोचूंगा। चली जाती है। डॉक्टर कहते हैं कि इस बारे में तुम सोचना मत, भूलना। ऑफिस में सब लोग नाश्ता पता जो भी डिनर कर रहे होते हैं, एंड काफ़ी इन्जॉय कर रहे होते हैं, एंड एमजे तो काफ़ी कुछ ज़्यादा ही इन्जॉय कर रहे होते हैं। दूसरी तरफ हम येसुल के घर का सीन देखते हैं, जहाँ येसुल की मदर को एक फ़ोटो फ्रेम मिलता है, जो कि उसके पापा की होती है, पर उसमें से उसके पापा की फ़ोटो गायब होती है।
वो ये बात यसुल से पूछती है, क्या तुमने अपने फादर की पिक्चर निकाली? तो वह कहती मैं क्यों निकालूंगी। तो वो हैरान की भाई कहीं कहाँ चाह मिस्टर शाह पुलिस से बात करो। तो जब पुलिस उन्हें बताती है कि हमने कल्प्रिट को पकड़ लिया है जिसने यसुल के घर के अंदर मतलब हमला किया था। चाह वो कहता अच्छा ठीक है, तो मतलब उसकी हाइट कितनी होगी? जहाँ वो बताता है उसकी हाइट इतनी है, पर मिस्टर शाह के हिसाब से वो हाइट उतनी नहीं होती। वो कहते हैं कि पुलिस वाले बताते हैं कि उस बंदे ने कहा है कि उसने चोरी नहीं करी, पर ज़्यादातर चोर ऐसे ही कहता है। और यहाँ मिस्टर शाह को डाउट होता है कि लोगों ने उस बंदे को पकड़ा भी है कि नहीं। वो कहता है ठीक है मैं इस चीज़ को देख लूँगी। मिस्टर शाह को एक्ट्रेस बाहर बुलाते हैं मिलने। जहाँ वो मिलने जाता है तो एक्ट्रेस कहती है कि ये स्कूल से कई गुना ज़्यादा मैं बेहतर हूँ, तुम मुझे क्यों नहीं देखते हो? तो वो कहता है कि मुझे तुम्हें नहीं पसंद ना तुम्हें, मैं तुम्हें बस अपनी बहन मानता हूँ और ये स्कूल को मैं काफ़ी प्यार करता हूँ। जहाँ उसे गुस्सा आता है वो ज़बरदस्ती मिस्टर शाह को किस कर लेती है। और इसी टाइम पर एंट्री हो जाती है ये स्कूल की, वो ये सब देख लेती है। ये स्कूल को काफ़ी बुरा लगता है, मिस्टर शाह उसे समझाने आता है। जहाँ वो कहते हैं तुम मुझे क्या समझाओगे, तुमने पैरों से मुझे एबिलिटी के बारे में बताया और हमारे बीच में कुछ नहीं सही चल रहा है, मुझे लगा था हमारे भी सब ठीक चलेगा। और वो उससे गुस्से में ब्रेकअप करके वहाँ से चली जाती हैं। मिस्टर शाह की तबीयत अचानक ख़राब होने लगती है, वो अपने कमरे में आके हेडफोन पहन के लेट जाता है। दूसरी तरफ एमजे भी काफ़ी ड्रंक होकर घर के अंदर आती है। दोनों से पता लगता है यसुल नहीं है। अब वो कहते हैं यसुल इतनी रात में कहाँ गई? जिसके बाद मिस्टर शाह सुन लेता है और बाहर आके पूछते हैं क्या यसुल है? तो वो कहती नहीं, मुझे लगा यसुल तुम्हारे साथ है और वो अजीब सी हरकतें करती है। तो मिस्टर शाह खुद ही यसुल को ढूंढने निकल पड़ते हैं। वो अपना हेडफोन और चश्मा उतार देते हैं और उन्हें काफ़ी तकलीफ होती है तब भी, ताकि वो यसुल को ढूंढ सकें। चश्मा उतारने के बाद उन्हें यसुल की आवाज़ साफ सुनाई देने लग जाती है कि वो कहाँ चल रही है। यसुल के पीछे वही आदमी फिर हमें दिखाया जाता है जिसने यसुल के घर के अंदर हमला किया था। यह मिस्टीरियस आदमी अपनी कार लेकर यसुल की तरफ बढ़ने लगता है और यसुल भी जा रही होती है। मिस्टीरियस आदमी अपने रुमाल में क्लोरोफॉर्म लगाता है और बाहर आता है। यह बात मिस्टर शाह फिर से देख लेता है। फिर वो आते हैं बिल्कुल स्लो मोशन में और भागते हुए जाता है यसुल की तरफ। मिस्टीरियस आदमी बिल्कुल यसुल के पीछे होता है और यसुल पलट के उसे देखती है। और इसी के साथ हमारी यह एपिसोड यहीं ख़त्म हो जाता है। मिस्टर शाह को यसुल के बारे में पता लगता है तो वो यसुल के पास आते हैं। दूसरी तरफ वो मिस्टीरियस आदमी भी चोर आता है यसुल के पास ही बढ़ता है। जहाँ पे उसे मिस्टर शाह की आवाज़ आती है तो वो वहाँ से भाग जाता है। मिस्टर शाह के यसुल से पूछते हैं कि तुम क्या कर रहे हो या तुमने मेरा फ़ोन क्यों उठाया? तो मिस्टर यसुल उनसे कहते हैं कि मैंने कहा ना कि हमारा ब्रेकअप हो गया है, तो आप मेरे पीछे क्यों आ रहे हो? तो और आपको कैसे पता है कि मैं यहाँ पे हूँ? जहाँ इससे पहले कि वो उसे जवाब दे पाता कि उसकी तबीयत ख़राब होने लगती है, जिसके बाद यसुल उसे दवाई देती है। जहाँ मिस्टर शाह यसुल को बता देते हैं कि उसकी तबीयत ख़राब क्यों रहती है, उसकी क्या परेशानी है, वो उसे ये बताते हैं कि जब भी कोई मुझे किस करता है तो मेरी तबीयत ख़राब हो जाती है और मैं गिरने लगता हूँ। जहाँ पे वो उसे याद आता है कि लास्ट टाइम भी कुछ ऐसा ही हुआ था। अब उसे कहते हैं कि जब भी मैं तुम्हारे साथ होता हूँ तो मुझे ऐसा फील नहीं होता। जहाँ उसे याद आता है कि लास्ट टाइम जब एक बार और हुआ था तो उनको कुछ भी नहीं हुआ था। यसुल अभी भी मिस्टर शाह के ऊपर यकीन नहीं कर पा रही होती। वो कुछ सोच रही होती है कि मिस्टर शाह उसके शोल्डर पे सर रख के सो जाते हैं। नेक्स्ट डे हम यसुल को सोता हुआ देखते हैं जब मिस्टर शाह के पुलिस को सब बताते हैं कि मतलब उनसे पूछताछ करते हैं कि क्या हुआ उसके केस का क्या नहीं हुआ। जब पुलिस उन्हें बताती है कि वो कल्प्रिट पकड़ा गया है और उसने बिल्कुल पक्का कर लिया है कि उसने ये सब करा था और उसने सब कुछ जो है एडमिट कर लिया है। जहाँ हमें फ्लैशबैक दिखाया जाता है कि कल रात जब मिस्टर शाह यसुल के पास गए थे तो उन्होंने चोर को जाते हुए देख लिया था और उन्हें अच्छे से याद है कि ये चोर वही चोर था जिसने यसुल के घर के अंदर चोरी करी थी। यसुल भी उठ जाती है जहाँ दोनों के बीच में वापस पैचअप हो जाता है। मिस्टर शाह यसुल से पूछते हैं कि क्या तुम्हें कभी ऐसा फील हुआ है कि कोई तुम्हारा पीछा कर रहा है? जहाँ वो याद करके कहते हैं कि हाँ मेरे किसी ने पीछा किया। तो वो कहता है कौन है वो, उसकी लंबाई कितनी है, वो कैसा है, कैसा दिखता है? तो कहती है कि वो जो आप हो ना जो मेरे पीछे पड़े रहते हो सारा काम करवाते रहते हो। तो वो कहता है अच्छा आप बताऊँ मैं। यसुल भी मिस्टर शाह से कल रात के लिए माफ़ी मांगते हैं कि उसने बिना कुछ जाने ही ब्रेकअप कर लिया था। जहाँ मिस्टर शाह कहते हैं कि ठीक है लेकिन आइंदा कभी ब्रेकअप के बारे में जिक्र भी मत करना नहीं तो मैं नाराज़ हो जाऊँगा। जहाँ वो कहते हैं नाराज़ आप तो रोज़ाना ही गुस्सा होते रहते हो, इसमें तो कोई बड़ी बात नहीं है। जहाँ मिस्टर शाह को गुस्सा आता और कहता है कि मैं गुस्सा होकर दिखाऊँ तो वो कहती है नहीं नहीं बिल्कुल नहीं। और फिर दोनों ही एक दूसरे को देख के स्माइल करते हैं। वो लोग होटल से बाहर निकल रहे होते हैं जहाँ पे यसुल मिस्टर शाह के पीछे छुप रही होती है कि कहीं उन्हें कोई देख ना ले, पर उन्हें एक्ट्रेस देख लेती है। वैसे इस एक्ट्रेस का नाम मिस ओ है। जहाँ एक्ट्रेस को देख के यसुल का मुंह बन जाता है और बिल्कुल शॉक हो जाता है। दूसरी तरफ डायरेक्टर भी उन दोनों को साथ में देख लेते हैं। अब डायरेक्टर जब देखते हैं कि वह मिस ओ हैंगी तो वो उसको कहते हैं कि हम तो यहाँ शूट के डिस्कस करना है, ऐसा कुछ नहीं है। और वो मिस ओ को अपने साथ लेके चले जाते हैं। यसुल मिस्टर शाह से कह के देखा हो गई ना गड़बड़? तो मिस्टर शाह कहते हैं क्या गड़बड़ हो गई, उनको तो पैसे ही हमारे बारे में पहले से ही पता था है कि नहीं। जहाँ
वो उसे कुछ कह भी नहीं पाते। यहाँ मिस वो रो रहे होते हैं कि मिस्टर शाह यसुल के साथ कितने खुश थे और उसको बिल्कुल तकलीफ़ फील नहीं होती मिस मतलब यसुल के पास रखे। जहाँ वो सोचते हैं डायरेक्टर कि कितना रोना धोना करती है, अगर ये कभी रोने की एक्टिंग करे तो बहुत बढ़िया करेगी। जहाँ वो लोग वो उसे कंसोल करते हैं, पर काफ़ी रोने के बाद मिस वो कहती हैं लेकिन मिस्टर शाह यसुल के साथ कितने खुश लग रहे थे, मेरे ख्याल से वो उसके साथ खुश रहेंगे। जहाँ वो सोचने लगता है अभी तो कह रहा था अच्छे नहीं लग रहे हैं और अभी कह दिया कि साथ में खुश लग रहे हैं। अगले दिन सब लोग अपनी एड की शूटिंग पर जाते हैं, जहाँ अभी भी डायरेक्टर आज सुबह की बात के बारे में सोच रहे होते हैं। जहाँ वो हेडफोन लगाते हैं और एमजे यसुल से बात करने जाते हैं, जिनकी सारी बातें उसको सुनाई देती है क्योंकि उनके पास सारा माइक लगा होता है। जहाँ वो कहती है कि तुम कल मिस्टर शाह के रूम में थी, तुमने क्या किया क्या नहीं किया, ये बात उनके डायरेक्टर को और ज़्यादा बुरा लगने लगता है। मिस ओ भी सूट पे आ जाती हैं, जहाँ वो यसुल से पूछते हैं कि तुम्हें तो मिस्टर शाह ने बता दिया होगा ना अपने बारे में सब कुछ। तो यसुल कहती है कि हाँ मुझे उन्होंने सब बता दिया, ये बात उससे थोड़ी बुरी लग जाती है। शूट के दौरान मिस्टर शाह की नज़र एक आदमी पर पड़ती है जो बिल्कुल वैसा ही लग रहा था जैसे वो क्रिमिनल लग रहा होता है। जहाँ उसकी हरकत और उसकी आवाज़ से मिस्टर शाह पहचान जाते हैं कि तो वही क्रिमिनल है। वो उसके पीछे जाते हैं पर उसे वो क्रिमिनल नहीं मिलता। यहाँ ऐड के दौरान मिस वो गिर जाती हैं जिनको काफ़ी चोट लग जाती है। अब सब लोग परेशान होते हैं कि उनके पास टाइम बहुत कम है और उन्हें कहाँ से वो दूसरी मॉडल लेके आएंगे जो बिल्कुल मिस ओ जैसी लगेंगी। जहाँ ड्रेस के साइज़ को देख के वो यसुल को सिलेक्ट करते हैं एज ए मॉडल बनने के लिए, जो बस पीछे से दिखाएंगे। जहाँ यसुल वो ड्रेस पहन के काफ़ी अच्छी एक्टिंग करती है, सब लोग देख के उसे काफ़ी खुश होते हैं। ऐड ख़त्म होने के बाद मिस्टर शाह यसुल से कहते हैं कि तुमने अभी तक ये कपड़े क्यों पहन रखे हैं। जहाँ वो कहते हैं कि क्या पता इन्हें दोबारा ज़रूरत पड़ जाए, तो मिस्टर शाह कहते हैं कि जल्दी से इन्हें चेंज करो क्योंकि सब लोग तुम्हें देख रहे हैं और तुम सच में काफ़ी ब्यूटीफुल लग रही हो। मिस्टर शाह आगे बात कर ही रहे होते हैं कि अचानक उन्हें कुछ सुनाई देता है और वो आगे आके कहते हैं कि सारा सेट हटा दो और हम बाद में शूटिंग करेंगे यहाँ। जहाँ डायरेक्टर कहते हैं कि सारा सेट लगा हुआ और लास्ट सीन बचा, हम कैसे ये कर सकते हैं, पर मिस्टर शाह ने कुछ कह दिया और वो ना हो ऐसा तो हो ही नहीं सकता। कुछ समय बाद दिखा जाता है कि वहाँ से पुलिस की गाड़ियाँ जा रही होती हैं। अगर उन लोगों ने ये सेट लगा रखा होता तो पुलिस इनका सारा सामान सीज कर लेती है और साथ में पेनल्टी लगाती कि वो उस जगह पर जो है एडवर्टाइजमेंट कर रहे हैं। जब कंपनी के जब हेड उनसे पूछते हैं एडवर्टाइजमेंट के हेड कि भाई तुम्हें कैसे पता था कि ऐसे हो जाएगा, जहाँ वो कहते हैं बस कोइंसिडेंट। अब ये बात चारों तरफ फैल जाती है कि मिस्टर शाह को ये बात कैसे पता लगी, क्योंकि ये बात तो किसी को सुनाई दी नहीं पुलिस के सायरन की आवाज़, और मिस्टर शाह को ये बात कैसे पता लगी कि आगे जो होने वाला है वो क्या होने वाला है। ऐड भी सक्सेसफुली फिनिश हो जाता है। जहाँ डायरेक्टर ऐड फिनिश होने की खुशी में यसुल से नूडल्स की पार्टी के लिए बोलते हैं। जहाँ यसुल उन्हें मना करते हैं कि मैं ट्रीट पे नहीं जा सकती क्योंकि मुझे काफ़ी सारे काम हैं। यहाँ एमजे और बाकी कॉलिग जल्दी से निकल जाते हैं और साथ में उनकी एक कॉलिग मिनी ही बोल रही होती है कि तुम्हें नहीं लगता कि मिस्टर शाह और यसुल आपस में डेटिंग कर रहे हैं, क्योंकि दोनों कुछ ज़्यादा ही आपस में क्लोज हो रखे हैं। जहाँ एमजे ने कहते ऐसा हो ही नहीं सकता, तुम्हें पता नहीं कि इतने रूड रहते हैं मिस्टर शाह। जहाँ एमजे तो बस इस बात को रफा दफा करने की कोशिश कर रही होती है। इतने में ही उन सबको रियलाइज़ होता है कि उनके पास डायरेक्टर नहीं है। यहाँ दूसरी तरफ डायरेक्टर भी नूडल शॉप ढूंढ रहे होते हैं जहाँ पर यसुल और वो पुराने टाइम में जाया करते थे। यहाँ मिस्टर शाह कार वापस कर रहे होते हैं एंड यसुल उनको देखते हुए सारी चीज़ें याद करते हैं, कब का मिस्टर शाह ने उसे बचाया, कभी गिरने से, कभी कार में ठोकर होने में, इवन उसके घर में जब चोर हुआ आए थे तब भी, एंड ऑल्सो जब वो मीटिंग बात कर रहे थे तब भी उन्हें पहले पता लग गया था कि कौन मीटिंग में रूम में आ रहा है। जहाँ सब बातें याद करते हुए यसुल वहाँ से चले जाते हैं और मिस्टर शाह उसे ढूंढते रह जाते हैं। मिस्टर शाह के पास यसुल का मैसेज आता है कि मैं पहले जा रही हूँ। मिस्टर शाह एयरपोर्ट में आके यसुल को ढूंढ रहे होते हैं, फाइनली वो उसे मिल जाती है। यसुल उसे कहते हैं कि मुझे अपने बारे में पूरा बताओ, मैंने तुम्हें ये नहीं बताया था कि मैं कौन सा एयरपोर्ट जा रही हूँ, कहाँ जा रही हूँ और कहाँ बैठी हूँ, पर तुमने तब भी मेरी आवाज़ सुन के मुझे पहचान लिया। यहाँ पर मिस्टर शाह फाइनली उसे सब कुछ बता देते हैं अपने बारे में कि उनके पास 5 सेंस है जो बिल्कुल एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हैं। जिस बात का यसुल को बिल्कुल यकीन नहीं होता पर वो उस बात का यकीन कर लेती है और वो उससे पूछते हैं कि क्या जब भी मैं तुम्हारे बारे में बुराई करती हूँ या ऑफिस में कोई भी बात करता है तो तुम्हें सब सुनाई देता है। मिस्टर शाह कहते हैं कि हाँ मुझे सब कुछ सुनाई देता है। यहाँ मिस ओ भी हॉस्पिटल आई होती है और सारे स्टूडेंट डॉक्टर के बारे में बोल रहे होते हैं कि मिस ओ डॉक्टर का कुछ ना कुछ चल रहा है। इस बारे में होवो को बिल्कुल भी फ़र्क नहीं पड़ता। अंदर आके जिस डॉक्टर हैं मिस्टर ओ के पैर में पट्टी करता है। यहाँ मिस्टर और रो के बता रही होती हैं कि हों यसुल को मिस्टर शाह के बारे में सब पता और मिस्टर शाह को एक्सेप्ट कर लिया, साथ ही मिस्टर शाह उसके साथ रहते हैं तो उसकी सारी बीमारियाँ ख़त्म हो जाती हैं और वो काफ़ी रो रही होती है। डॉक्टर कहते हैं कि तो अच्छी बात है, पर डॉक्टर भी ये कहते हैं कि हाँ प्यार में दर्द तो होता है, जैसे कि मुझे ही देख लो। जहाँ वो उसके बारे में पूछते हैं कि तुम्हें क्या हुआ तो वो अपनी भी कहानी राम कहानी सब सुना देता है। बाहर आने के बाद वो होवो को देखती है और कहती है कि यही तुम्हारी गर्लफ्रेंड है, तो वो कहता है हाँ। जहाँ वो एक्टिंग करती है
कि चलो ना हनी हम कहीं घूमने चलते हैं, हम तुम खाना खाने चलते हैं। पर इन दोनों की बात में होवो को बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं होता और वहाँ से चले जाती हैं। जहाँ पर मिस होवो कहती है डॉक्टर से कि देखो तुम्हारा चांस नहीं है, वो तुम्हें बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं है। एंड डॉक्टर भी लाइक अब यार मैं तो मजाक बना के रख रखा है। मिस्टर शाह ये सबको घर छोड़ता है, फिर जाते हैं पुलिस स्टेशन में पता लगाने। तब पुलिस वाले कहते हैं कि मुजरिम ने अपना गुनाह कबूल कर लिया कि उसने ही ये सुलझे घर के अंदर वो करी थी, कहता है रॉबरी करी थी। जहाँ वो कहते हैं कि क्या ये जो मुजरिम है क्या ये जीजू आइलैंड पे गया था, वो कहते हैं कि नहीं ये तो कल परसों से जेल में बंद है। जहाँ वो हैरान होता है कि उसने तो अभी उस क्रिमिनल को जीजू आइलैंड में देखा था जहाँ वो एडवर्टाइजमेंट कर रहे थे, पर वो कैसे जेल के अंदर हो सकता है। ये फिर घर आते हैं जहाँ से पता लगता है कि चोर ने उसके घर में से उसके फादर के सारे फ़ोटो गायब कर लिए हैं। जहाँ ये लोग परेशान होते हैं एंड गलती से यसुल की सिस्टर बोल देती है कि यसुल के घर पे हमला हुआ था चोर का। जहाँ उसकी मम को पता लग जाता है वो काफ़ी डर जाती हैं। वो अंदर आके फ़ोटो एल्बम को देख ही रही होती है कि उनके पास होवो आती है और कहती है कि चोर भी कितना बेवकूफ़ था ना, मतलब वो किसी की फ़ोटो चुरा के चला गया। यहाँ होवो यसुल को बताते हैं कि उसने और डॉक्टर ने एक हफ्ते के लिए एक दूसरे को डेट किया था, और यसुल भी उसे बताते हैं कि डॉक्टर के मिस्टर शाह और वो बिल्कुल सेम हैं। मिस्टर शाह किसी रेड मून सीरियल किलर के बारे में पढ़ रहे होते हैं। नेक्स्ट डे मिस्टर शाह आकर यसुल को पिकअप करने आता है ताकि वो उसे ऑफिस में लेके जा सके। वो लोग जा रहे होते हैं कि उन्हें रास्ते में तो उनके कलीग मिलता है जिन्हें देख के यसुल छुप जाती हैं एंड मिस्टर शाह अपनी गाड़ी वहाँ से भगा लेते हैं। वो दोनों एक दूसरे को घूरते हुए देखते हैं। हमें क्या, हमें तो खाने पर फोकस करना चाहिए। यहाँ मैं यसुल उससे कहते जब तुम्हें पता था कि वो सामने से आ रहा था तो तुमने मुझे बताया क्यों नहीं, तो वो कहता है इसमें बताना क्या था, इसमें तो कोई बताने की बात नहीं थी। जहाँ वो कहता है देखो, वहाँ वो यसुल तुमसे कहती है कि देखो कंपनी में वैसे ही मेरे से बिहेव करना जैसा तुम रोज़ाना करते हो साइकोपैथ की तरह या फिर किसी रूढ़ आदमी की तरह। फिर हम उन सबको मीटिंग में देखते हैं जहाँ मिस्टर शाह हद से ज़्यादा गुस्सा कर रहे होते हैं और बार बार ऐसे कर रहे होते हैं, कभी फिर ऐसे फिर दोबारा फिर ऐसे। वो ये सब यसुल को दिखाने के लिए कर रहे होते हैं कि क्या मैं ठीक कर रहा हूँ। जहाँ यसुल वॉज लाइक अब इतना ज़्यादा भी नहीं करना था। एंड लास्ट में कहते हैं कि तुम लोग को कुछ ओवर टाइम काम करना पड़ेगा और चले जाते हैं। जहाँ एमजे कहती है कि ये ऐसे ऐसे क्यों कर रहा था। मिस्टर शाह अपने ऑफिस के बाहर खड़े होकर देख रहा होता है कि कोई बंदा ताश खेल रहा है, कोई बंदा अपनी ब्लॉगिंग के लिए देख रहा है और एक बंदी अपने मैसेज कर रहे हैं। जहाँ यसुल उन्हें रोकती है कि तुम ऐसे मत करो, सारा काम करो। जहाँ हम समझ पाते हैं कि यसुल उन सबको बचाना चाहती है क्योंकि मिस्टर शाह सब कुछ देख सकते हैं और उसको ये करता हुआ देख मिस्टर शाह भी स्माइल करते हैं कि वो अपना काम अच्छे तरीके से कर रही हैं। हम जो यसुल के पास पूछने आते हैं कि तुम्हारा मिस्टर शाह का क्या हुआ, पर यसुल को चुप करा के कहते हैं कि बाद में बात करेंगे। एंड एम जो बोल रहा है तुमने मेरी नाक तोड़ दी। यसुल खाली बैठी होती है जिससे मिस्टर शाह आते हैं घर ले जाने के लिए। वो लोग साथ में वॉक पे होते हैं। मिस्टर शाह उसे कह रहे होते हैं कि तुम मुझे प्रॉमिस करो कि कहीं हमारा फ्यूचर अच्छा हो या ना हो, लेकिन तब भी हम अपना आज का लम्हा जियेंगे और अपने आज को अच्छा करने की कोशिश करेंगे कि हमारा फ्यूचर कभी ख़राब ही ना हो। जिसकी ये बात हमारी यसुल को काफ़ी टच फील होती है। यसुल अपने घर आते हैं जहाँ उसे पार्सल मिलता है, वो कि मूवी टिकट होता है जो डायरेक्टर ने भेजे होते हैं। वो मूवी देखने जाती है जहाँ पे वो मूवी सिर्फ यसुल के ऊपर बनाई गई होती है। मूवी ख़त्म होने के बाद डायरेक्टर उसे पूछने आता है कि चलो मैं अब तुम पे गिव अप करता हूँ, पर एक बात बताओ कि अगर तुमने मिस्टर शाह के साथ अपना फ्यूचर ख़राब देखा तो क्या तुम उनसे फिर से ब्रेकअप कर लोगी। जहाँ वो कहती है कि नहीं, मैं अब से अपना आज का लम्हा जीने की कोशिश करूँगी। फिर हम मिस्टर शाह को अपने डॉक्टर के पास देखते हैं जहाँ वो काफ़ी खुश होता है और उनकी सारी रिपोर्ट नॉर्मल आती है, अब उन्हें ज़्यादा दिक्कत नहीं हो रही होती। डॉक्टर भी काफ़ी खुश होते हैं कि यसुल ने मिस्टर शाह को अपना लिया और वो लोग बात करते हैं। उनकी बात से पता लगता है कि मिस्टर शाह और यसुल एक दूसरे को बचपन से जानते हैं, पर यसुल की जो है सारी याददाश्त चली गई है। डायरेक्टर उसी बार में ड्रिंक करने जाते हैं जहाँ यसुल भी आते हैं। जहाँ पे अंकल उसे कह रहे होते हैं कि तुम यसुल पे गिव अप मत करो, क्या पता तुम थोड़े और ट्राई करो और यसुल तुम्हें मिल जाए। पर डायरेक्टर अपना मन बना के बैठे थे कि अगर यसुल खुश है तो मैं भी खुश हूँ। मिस्टर शाह ड्राइविंग कर रहे होते हैं जिनके पास यसुल का कॉल आता है। यसुल कहती है मैं आपसे मिलना चाहती हूँ, मैं आपके घर आ रही हूँ। जिसके बाद वो काफ़ी खुश होती है और भागते हुए मिस्टर शाह के घर में जाती है। मिस्टर शाह अपना दरवाज़ा खोलता है तो यसुल उनके सामने कॉन्ट्रैक्ट दिखाती है और उसे फाड़ते हुए कहती है कि मुझे उस कॉन्ट्रैक्ट की अब ज़रूरत नहीं है, मैं आपसे प्यार करती हूँ और अब मैं वही करना चाहती हूँ जो मैं करना चाहती हूँ। एंड ऑल्सो कि अब मैं अपने फ्यूचर की परवाह नहीं करूँगी, फिर चाहे फ्यूचर अच्छा हो या फिर ख़राब हो, मैं आज के पल में जीना पसंद करूँगी। इसके बाद वो मिस्टर शाह के क्लोज आती है और कहती है कि अगर मैं अब तुम्हें किस करूँ तो तुम गिर तो नहीं जाओगे ना। तो मिस्टर शाह स्माइल करते हैं और दोनों आपस में कुछ ऐसा करते हैं। इसी के साथ हमारा ये एपिसोड यहीं पे ख़त्म होता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना।
नेक्स्ट डे यसुल की आँख खुलती है और वो देखती है कि मिस्टर शाह उसके लिए नाश्ता बना रहे हैं। जब वो खाने को ज़्यादा गौर से देखती है तो वो देखती है कि पूरा खाना जला हुआ है और मिस्टर शाह कह रहा है कि मैं पहली बार बना रहा हूँ तो तुम थोड़ा दूर हटो और देखना कितना टेस्टी बनेगा। जिस मिस्टर शाह की इस आदत से वो काफ़ी खुश होती है। खाना तो बना लिया, अब आई खाने की बारी। जिसके इस खाने को देख के बेचारी यसुल का तो क्या ही हाल हो रहा होता है, वो सिर्फ वही जानती है। पर फिर भी वो मिस्टर शाह को खुश करने के लिए कहती है कि खाना तो दिखने में काफ़ी टेस्टी लग रहा है और मिस्टर शाह भी काफ़ी खुश होते हैं। पर उसका इस तरीके का मुंह बना हुआ देख के वो समझ जाते हैं कि खाने ऐसे पसंद नहीं आ रहा। तो वो पूछते हैं कि क्या तुम कुछ और खाना चाहोगी, क्या कुछ मैं ऑर्डर करूँ। तो कहती है हाँ हाँ पिज़्ज़ा ऑर्डर कर दो। जहाँ बेचारों का मुँह बन जाता है कि जैसे सच में मेरा खाना पसंद नहीं आया। यसुल आके देखती है कि ये डिवाइस किस चीज़ के हैं। तो मिस्टर शाह कहते हैं कि ये डिवाइस मुझे हर तरीके की आवाज़ से बचाते हैं और जो चीज़ मैं देखना नहीं चाहता उससे भी मुझे बचाते हैं। जहाँ यसुल जब इन सबको पहन के देखती है तो वो कहती है हाँ मुझे तो सच में कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा, ना ही कुछ सुनाई दे रहा है। फिर वो ये मिस्टर शाह को पहनाती है और कहती है आप टेस्ट करते हैं कि तुम्हें कुछ सुनाई देता है कि नहीं। जहाँ वो धीरे से बोलती है हे मिस्टर शाह, वो कहते हैं हाय मिस्टर शाह। फिर वो कहती है मिस्टर शाह एरियट है, तो वो कहता है मिस्टर शाह एरियट है। देन वो कहती है बहुत धीरे से कहीं पीछे की तरफ मुड़ के कि मिस्टर शाह एक नंबर के गधे हैं। जहाँ वो कहते हैं मिस्टर शाह एक नंबर के गधे हैं, वो हैरान होती है कि आपको तो सब कुछ सुनाई दे रहा है। मिस्टर शाह यसुल को बताते हैं कि जब वो 13 साल के थे तब भी उनको ये सब सुनने की आदत पड़ गई थी क्योंकि वो एक एक्सीडेंट से गुजरे थे। हाँ यसुल भी उन्हें बताती है कि जब वो काफ़ी छोटी थी तभी उसे पता लग गया था कि वो फ्यूचर देख सकती है। यसुल मिस्टर शाह के कबर्ड में जाती है जहाँ कहती है तो वही कपड़े हैं जो तुम उस दिन पहनोगे जिस दिन हम इंटीमेट होंगे। मिस्टर शाह कहता है कि तुम्हें इतनी जल्दी तो हम कल ही कर लेते हैं। वो कहती है नहीं नहीं मैं तो बस बता रही थी कि तो वही कपड़े हैं। घर आके वो याद करते हैं कि उसने कल रात जब किस की थी तो उसे क्या फ्यूचर दिखा था। जहाँ से दिखाई देता है कि मिस्टर शाह ने उसे कहा था कि मैरी मी, तो जिसे याद करके वो काफ़ी खुश हो रहे होते हैं। मिस्टर शाह सबके ऊपर गुस्सा कर रहा होता है कि उन लोगों ने अच्छा काम नहीं किया है। जहाँ यसुल के पास उसकी मॉम का कॉल आता है और वो कहती हैं कि अपने बॉयफ्रेंड को मेरे से मिलवाने लाओ। जहाँ वो कहती है कि मैं उन्हें कैसे लेके आ सकती हूँ, लेकिन एकदम से मिस्टर शाह आके कहता है कि ठीक है मैं चलूँगा। एंड उसकी मॉम कहती है ओके। जहाँ हमें पता लगता है कि यसुल की मॉम के पास कोई अननोन आदमी बार बार फ्लावर्स भेज रहा है। यहाँ मिस्टर शाह डायरेक्टर के पास आए होते हैं और डायरेक्टर उन्हें अपना एडवर्टाइजमेंट दिखा रहे होते हैं और कहता है कि मुझे पता है कि मैंने बहुत अच्छा काम किया है तो मेरे को ज़्यादा तारीफ़ करने की ज़रूरत नहीं है। जब मिस्टर शाह कहते हैं कि तुमने 2 मिनट 2 सेकंड पे तुमने ये गलती कर दी है, 3 मिनट 33 सेकंड में तुम्हारे क्लाउड आ गए हैं। एंड काफ़ी सारे ऐसे ही मिस्टेक निकालता रहता है जो मिस्टेक कभी कोई सोच ही नहीं सकता। अब बेचारे डायरेक्टर वाज लाइक कि या तो मैंने बुरा काम किया या तो ये कुछ ज़्यादा ही गिनती गिनवा रहा है। यहाँ मिस ओ की शूटिंग हो रही होती है जहाँ यसुल आई होती है। मिस ओ यसुल से कहती है कि क्या तुम सच में मिस्टर शाह को काफ़ी पसंद करती है। वो कहती है हाँ मैं उन्हें काफ़ी पसंद करती हूँ और मुझे ये नहीं पता मैं क्यों ये सब उनकी सिस्टर से बोल रही हूँ उनकी बजाय। मिस ओ यसुल से कहती हैं कि मिस्टर शाह के बारे में जानने के बाद भी तुम उन्हें कितना पसंद करती हो। वो कहती है बल्कि मिस्टर शाह के बारे में जान के मैं उन्हें और ज़्यादा पसंद करने लगी हूँ। एंड जाते वो मिस ओ से कहती हैं कि आइंदा कभी मिस्टर शाह को छू भी मत लेना, नहीं तो मुझसे बुरा कोई होगा नहीं, बिकॉज ही इज़ माइन एंड आई एम हिम्स। और ये कह के वो वहाँ से चली जाती है। मिस ओ के पास से आने के बाद ये छोड़ सोचती है कि मैं उन्होंने क्या क्या बोल दिया। एंड वो खुश भी होती है कि मिस्टर शाह इज़ माइन। मिस्टर शाह उसके पास आके कहते हैं कि यस आई एम योर्स और वहाँ से चले जाते हैं। मिस ये छोड़ होते हैं बिल्कुल शॉक। वो लोग लिफ्ट में होते हैं जहाँ मिस्टर शाह उससे पूछते हैं कि तुमने मिस उसे क्या बात करी। तो वो उसे बताती है कि मैंने उन्होंने साफ बोल दिया कि वो तुम्हें आइंदा तुम्हें टच भी ना करें बिकॉज यू आर माइन। एंड देन वो कहती है कि अगर हम लोग इस करते थे तो तुम्हें दिक्कत होती है ना, तो हम इस तरीके से कर सकते हैं जिसमें तुम्हें दिक्कत ही ना हो। मिस्टर शाह फिर अपनी गाल को पकड़ के काफ़ी खुश होते हैं। यहाँ मिस ओ ड्रिंक कर रही होती है जिनके पास आते हैं डायरेक्टर एंड वो दोनों में थोड़ी सी बात होती है। वो लोग फाइनली आपस में फ्रेंड बन जाते हैं। यसुल मिस्टर शाह के पास रिपोर्ट लेके आती है जिस पर साइन करते हुए मिस्टर शाह को यसुल की हार्ट बीट की आवाज़ आती है। वो कहता है कि तुम्हारा हार्ट इतनी ज़ोर ज़ोर से चल क्यों रहा है। जहाँ वो कहती है बिकॉज मैं तुम्हारे सामने हूँ जिसे मैं काफ़ी पसंद करती हूँ। मिस्टर शाह कॉफ़ी ले रहे होते हैं जहाँ पीछे से यसुल आके कहती है कि काश मैं इसे पीछे से बैक हक कर पाती। ये चीज़ मिस्टर शाह सुनता है और कहता है क्या तुम पागल हो, तुमने ही कहा था कि किसी को पता नहीं लगना चाहिए। तो मिस्टर तो यसुल कहती है कि तभी तो मैं तुम्हें यहाँ पीछे से हक नहीं कर रही। यसुल लिपस्टिक लगा रही होती है और कहती है कि काश मैं मिस्टर शाह को किस कर पाती। जिसकी ये बात मिस्टर शाह सुन लेते हैं और काफ़ी हैरान होते हैं। यहाँ घर आके यसुल अभी भी मिस्टर शाह के बारे में सोच के शर्मा रही होती है। फिर वो कहती नहीं यसुल तुझे शर्माना नहीं है, तुझे काम करना है। तो कब तक उनके बारे में सोचती रहेगी। जहाँ वो मेहनत से काम करने लगती है
नेक्स्ट डे आके वो मिस्टर शाह को बड़ी मेहनत से बनाई हुई अपनी एक कॉन्ट्रैक्ट दिखाती है कि हम लोग ऑफिस के टाइम पे भी अपनी डेटिंग कर सकते हैं बिना किसी को पता लगाएं, जिसमें वो लिखती है कि आपकी सिक्स से आपके जो फाइव सेंस है वो काफ़ी अच्छे काम करती हैं तो हम उसका फ़ायदा उठाएंगे। जहाँ वो उनसे कहती है कि हम लिप्स को छोड़ के बाकी सब जगह किस कर सकते हैं क्योंकि लिप्स पे करने से हम दोनों को ही तकलीफ़ होगी। ये शो देखती है कि उसके आसपास के लोग सारे काम में बिजी हैं तो वो बड़े धीरे से बोलती है कि 7 बजे एमरजेंसी स्टेयरकेस पे आना है। तो मिस्टर शाह सुन लेते हैं और स्माइल करते हैं और ये शो भी उन्हें ब्लिंक करती है। मिस्टर शाह की हैप्पीनेस का तो कोई ठिकाना ही नहीं होता, वो काफ़ी खुश होते हैं। फिर हम दोनों को साथ में देखते हैं, ये सुल मिस्टर शाह के चिक्स पे किस करते हैं जिसे देख के मिस्टर शाह भी काफ़ी खुश होते हैं। ये सुल अब अपने टेबल पे टैप टैप करती है जिसकी आवाज़ मिस्टर शाह सुन लेते हैं और काफ़ी खुश होते हैं। फिर हम दोनों को साथ में देखते हैं, ये सुल अपने हाथ पर फ्रेग्रेंस मॉइस्चराइजर क्रीम लगाती है और ब्लो करती है जिसकी खुशबू मिस्टर शाह को सुन जाती है और वो समझ जाता है कि उन दोनों को मिलना है। जहाँ वो दोनों मिल के काफ़ी अच्छा वक्त स्पेंड करते हैं। यहाँ ये सुल अब दूसरी तरीके की क्रीम लगाती है जिसकी स्मेल फिर से मिस्टर शाह को आ जाती है और वो ये चीज़ देख के इतने खुश होते हैं कि वो डांस करते हुए ही नीचे जा रहे होते हैं। यहाँ दोनों काफ़ी खुश होते हैं जहाँ मिस्टर शाह ये सुल से कहते हैं कि अब मैं बहुत थक गया हूँ कि तुम ही सारी मेहनत करते हो, अब मैं भी थोड़े इशारे करा करूँगा। जिसके बाद वो कहती है ठीक है। यहाँ काम के वक्त मिस्टर शाह अपने पर्दों को हिला के इस तरीके से इशारे कर रहे होते हैं जो बिल्कुल भी ये सुल को समझ नहीं आते। ये सुल का कलीग कहता है कि मिस्टर शाह को क्या हो गया, क्या उनकी खिड़की ख़राब हो गई है। जहाँ वो देखती है और समझ जाती है। फिर वो दोनों मिलते हैं, ये सुल के कैबिन में आते हैं मिस्टर शाह और अपने कुछ कलीग से बात करते हुए अपने नेक को टच करते हैं जिससे मेसुल समझ जाती है। दो लोग फिर से आपस में मिलते हैं। यहाँ मिस्टर शाह कहता है कि अब मुझे परवाह नहीं कि मुझे दर्द हो या ना हो या मुझे तकलीफ़ हो या ना हो। जिसके बाद वो यसुल को करते हैं काफ़ी पैशनेटली किस। अब यहाँ ऑफिस के लोग भी यसुल और मिस्टर शाह को ढूंढने लगते हैं एंड वो लोग सोचते हैं कहीं वो दोनों नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, अरे कहीं वो दोनों जल्दी घर तो नहीं चले गए। फिर वो कहते हैं कि नहीं नहीं ऐसा नहीं हो सकता। यहाँ मिस्टर शाह और यसुल आते हैं, यसुल के पास मिस्टर शाह की कॉल आती है जहाँ वो परेशान होते हैं कि कल वो यसुल की मॉम को कैसे फेस करेंगे। जहाँ वो उसे इनक्रेज करती है। नेक्स्ट डे वो अपने डॉक्टर को दिखा रहे होते हैं जहाँ वो डॉक्टर को बताते हैं कि यसुल को कुछ भी अपने बचपन का याद नहीं। जहाँ हमें एक पेंटिंग दिखाई जाती है जो कि यसुल और मिस्टर शाह ने ही बचपन में बनाई होती है। यहाँ मिस्टर शाह यसुल की मॉम से मिलने आते हैं जहाँ हो वो भी होती हैं। जब मिस्टर शाह अपना नाम उसकी मॉम को बताते हैं तो वो पहचान जाते हैं कि तो बचपन वाले ही मिस्टर शाह हैं। जहाँ वो लोग आपस में बात करते हैं कि यसुल को अपने बचपन की कोई मेमोरी अब याद नहीं है उस एक्सीडेंट के बाद, और अब उसकी मॉम भी नहीं चाहते कि उसे बिल्कुल याद है क्योंकि जब जब वो उसे याद दिलाने की कोशिश करती है उसे कुछ भी याद नहीं आता, तो बेकार ही है कुछ ट्राई करना। यहाँ मिस यसुल की मॉम को आता है फिर से फ्लावर जिससे वो बाहर चेक करने जाते हैं, पर तब तक वो बंदे जा चुके होते हैं। और वहीं हमें देखा जाता है कि जिस बंदे ने फ्लावर भेजे हैं वो अभी भी मिस यसुल की मॉम को देख रहा होता है। यहाँ मिस ओ और डायरेक्टर बैठे होते हैं और एडवर्टाइजमेंट की तारीफ़ कर रहे होते हैं। मिस ओ कहती है कि मैंने कितनी अच्छी एक्टिंग करी, कितना अच्छा बनाया। यहाँ डायरेक्टर कहते हैं कि मैंने अच्छी रिकॉर्डिंग करी, इस वजह से बनाए। यहाँ दोनों में बहस होती है कि अगर मैं एक्टिंग नहीं करती तो ये बिल्कुल अच्छा नहीं बनता, और डायरेक्टर कहते हैं कि अगर मैं इस एंगल से नहीं लेता तो ये बिल्कुल अच्छा नहीं बनता। इन दोनों की जोड़ी देख के मुझे लगता है कि दोनों काफ़ी अच्छे फ्रेंड और काफ़ी अच्छे कपल बन सकते हैं। और दोनों की बहस वापस जारी चलती ही रहती है। मिस्टर शाह यसुल को एक नेकलेस गिफ्ट करते हैं। अब मिस्टर शाह यसुल से पूछते हैं कि जैक्सन जो उनके फ्लावर पॉट का जो भी कुछ नाम है, कहते हैं कि क्या उसकी लिप्स ग्रीन थी जब जैसे हम लोग इंटीबेट कर रहे थे। वो कहती है कि हाँ। तो वो कहता है कि लगता है अब वक्त आ गया, क्यों ना हम कल ही करें। जहाँ वो लोग राज़ी होते हैं। नेक्स्ट डे मिस्टर शाह और यसुल काफ़ी बंठन के ऑफिस जाते हैं एंड रात में मिलने के लिए जाते हैं, पर उन्हें पता लगता है कि कोई काम आ गया है। नेक्स्ट डे वो फिर से सेम कपड़े पहन के जाते हैं क्योंकि उनके फ्यूचर में तो उन्होंने वही कपड़े पहने होते हैं। जहाँ अगेन उनके जो एडवर्टाइजमेंट की जो कंपनियाँ हैं उन्हें उनका एड बिल्कुल पसंद नहीं आता, उन्हें दोबारा करना। यहाँ यसुल की कलीग डांट फेंक रही होती है और यसुल को बुरा भला कह रही होती है। यसुल भी पीछे से आके कहती है कि हाँ यसुल एक नंबर के चुड़ैल है। जहाँ वो कहती है हाँ वो तो है ही, पर जब वो पलट के देखती है कि वो यसुल है तो वो डर जाती है। यसुल कहती है कि ये तो अच्छी बात है कि तुम अपने सीनियर को बुरा भला कह के अच्छा काम कर रही हो, ये तो मैंने भी काफ़ी किया है तभी तो मैं आज सक्सेसफुल हो पा रही हूँ, तुम भी सब जारी रखो और अपने ऊपर मेहनत करो। यहाँ मिस्टर शाह के सीनियर आके मिस्टर शाह को उल्टा धमका रहे होते हैं कि तुम्हारे ऊपर कोई परेशानी आ सकती है, पर वो इनडायरेक्टली ये सब कह रहे होते हैं।
यहाँ मोपिक्स को ऐड पसंद आते हैं और वो यीशु का शुक्रिया करते हैं कि उन्होंने इतना अच्छा ऐड उसे बना के दिया है। या इस बात से काफ़ी खुश होकर पूरी टीम जाती है डिनर करने। यीशु कहते हैं कि मैं नहीं आ पाऊँगी क्योंकि उसका और मिस्टर शाह का तो प्लान ही कुछ और था, लेकिन तब भी सारी टीम वाले ज़बरदस्ती उसे ले जाते हैं कि यीशु तो हमेशा आती है, वो इस बार भी आएगी। और मिस्टर शाह के लिए कहते हैं कि मिस्टर शाह तो कभी आते ही नहीं है तो उनको आने की कोई ज़रूरत नहीं है। जहाँ हम देखते हैं कि ड्रिंक पार्टी में मिस्टर छावी आ जाते हैं क्योंकि वहाँ यीशु होती है, जहाँ सब लोग ट्रूथ एंड डेयर खेलते हैं और बार बार ट्रूथ एंड डेयर का जो बॉटल है वो आती है यीशु के ऊपर। सब लोग उससे उसके बॉयफ्रेंड के बारे में सवाल पूछने लगते हैं जिसकी वजह से वो बार बार ड्रिंक करने लगती है। देन सेकेंड टाइम में क्या होता है, बार बार बॉटल घूम के आती है मिस्टर छा की तरफ एंड सब लोग सेम उससे उसके फर्स्ट लव और उसकी गर्लफ्रेंड के बारे में पूछते हैं तो वो भी काफ़ी ड्रिंक कर लेते हैं। काफ़ी ज़्यादा ड्रिंक करने के बाद जब मिस्टर छा से बिल्कुल भी सहन नहीं होता तो वो ईश्वर को मैसेज करते हैं कि मैं बाहर जा रहा हूँ, तुम भी थोड़ी देर में बाहर आ जाना। पर वो गलती से ये मैसेज उनकी कंपनी के ग्रुप चैट पर कर देते हैं, जैसे सब लोग देखते हैं और सबकी आँखें फटी की फटी रह जाती हैं। यीशु मिस्टर छा को इशारा करती हैं कि आपने ये मैसेज कहीं और ही कर दिया। जब वो चेक करते हैं तो वो बिल्कुल डर जाते हैं और खड़े होकर कहते हैं कि अरे मैं तो बस अपनी गर्लफ्रेंड को मैसेज कर रहा था। जहाँ सब लोग कहते हैं कि अपनी गर्लफ्रेंड को ऐसा मैसेज कर रहे हो कि मैं बाहर जा रहा हूँ, तुम भी थोड़ी देर में आ जाना, यानी कि तुम्हारी गर्लफ्रेंड हम सबके बीच में बैठी है, वो लड़की कौन हो सकती है। अब ये रायता समेटने में मिस्टर शाह को काफ़ी वक्त लग जाता है। बाहर आके ये फिर मिस्टर शाह को देती है हैंगओवर की मेडिसिन। अब मिस्टर शाह हैंगओवर में ही इस फूल से कहते हैं कि हमारा रिलेशनशिप भले ही एक एक्सीडेंटल किस से स्टार्ट हुआ था पर मैं चाहता हूँ कि ये आगे भी जाए। मिस ओ और डायरेक्टर साथ में बैठे होते हैं जहाँ दोनों की फिर से झड़प हो जाती है मिस्टर शाह और येसुल को लेके। यहाँ मिस्टर शाह और येसुल घर में आके काफ़ी अच्छा वक्त स्पेंड करते हैं पर गलती से उनसे जैक्सन पॉट गिर जाता है, जिसे देख के वो समझ जाते हैं कि आज ही वो दिन है जिस दिन उन्हें इंटीमेट होना है, जिसके बाद तो वो दोनों लग जाते हैं। अब वो लोग काफ़ी अच्छा टाइम साथ में स्पेंड करते हैं। फिर हमें मिस्टर शाह और येसुल बचपन के दिखाए जाते हैं। जहाँ येसुल थक जाती है तो वो मिस्टर शाह के कंधे पर सर रख के ही सो जाती है और इसी के साथ हमारा ये एपिसोड यहीं पर ख़त्म हो जाता है। मिस्टर शाह और येसुल की नाइट काफ़ी अच्छी जाती है जहाँ हमें दिखाया जाता है कि येसुल के घर के ऊपर किसी ने कैमरे लगा के नज़र रखे जा रहे हैं। नेक्स्ट डे येसुल की आँख खुलती हैं एंड मिस्टर शाह स्माइल करते हैं, वो उससे किस करते हैं, जिसके बाद अचानक से उसे एक फ्यूचर दिखाया जाता है। वो फ़ौरन वॉशरूम में जाती है और हमें फ्यूचर दिखाया जाता है कि किसी ने मिस्टर शाह के चाकू मार दिया और वो हॉस्पिटल जा रहे हैं येसुल की वजह से, जिसे देख के येसुल काफ़ी परेशान होती हैं। मिस्टर शाह येसुल से पूछते हैं कि कुछ हुआ है तो मुझे बताओ, क्या तुमने बुरा फ्यूचर देखा, जहाँ वो उन्हें कुछ नहीं बताती। फिर हम येसुल को उस हॉस्पिटल में देखते हैं अपने फादर के पास, जहाँ पता लगता है कि उसके फादर को किसी ने हिट कर दिया है कार से। फिर हमें एक फ्लैशबैक दिखा जाता है कि किसी के पास येसुल की स्टेप फादर की फ़ोटोज होती हैं, जहाँ उसके स्टेप फादर उसकी मदर के लिए फ्लावर्स लेके जा रहे होते हैं कि कोई अपनी कार लेके आके उनको ठोक देता है। जिसने येसुल के स्टेप फादर का एक्सीडेंट करा होता है उस बंदे ने येसुल की मदर के पास उनकी पिक्चर भेजी होती है एक्सीडेंट करने के बाद की, जहाँ पे येसुल की मदर काफ़ी डर जाती हैं और मिस्टर शाह को कहते हैं कि येसुल को वो अपनी अंदर रखे, यानी कि अपनी केयर टेकिंग में रखे, और उन्होंने येसुल का सारा सामान मिस्टर शाह के घर पहुँचा दिया है, साथ ही उन्होंने एक डिटेक्टिव को भी उनके केस पर रख दिया है। फिर हम मिस्टर शाह को देखते हैं जो येसुल को कॉल करके कहते हैं कि तुम्हें आज ऑफिस आने की ज़रूरत नहीं है, तुम्हें ज़रूर आराम चाहिए होगा। हमें ऑफिस का सीन दिखा जाता है जहाँ पे ऑफिस का कोवर्कर बिल्कुल परेशान होता है और यहाँ पे पता लगता है कि जो ऐड येसुल और उसकी टीम ने बनाया था कार को लेके, वो किसी ने सेम कॉपी कर लिया है। जहाँ उनकी सीनियर आता है और ये ऐड देख के काफ़ी गुस्सा करते हैं और उसी बंदे को पकड़ लेते हैं जिसके सर में दर्द हो रहा था कि तुमने मुझसे झूठ क्यों बोला, और दोनों में ही हाथापाई हो जाते हैं। जहाँ मिस्टर शाह आता और कहते हैं कि भले ही हमारा ऐड उनके जैसा सेम ही हो गया पर फिर भी हमारे ऐड में कुछ बदलाव है, जो कि हमारे टीम मेंबर ने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था कि वो किसी को नहीं बताएंगे। यह बात सुन के वो उनका सीना डर जाता है। फिर हम उन सबको कंपनी के चेयरमैन के पास देखते हैं जहाँ पे ये साबित हो जाता है कि कल रात जो है उससे सीनियर ने इनके कोवर्कर को ड्रिंक करवा के सारी ऐड की इन्फॉर्मेशन निकलवाई थी कि ऐड कैसा होगा कैसा नहीं होगा, और जो कि उसने वो चीज़ सारी दूसरी कंपनी को बता दी। जहाँ दूसरी कंपनी वालों का कॉल आता है और उनकी आवाज़ सुन के साफ ज़ाहिर हो जाता है कि सीनियर ने ही उन्हें सब कुछ
इन्फॉर्मेशन दी है ताकि वो दूसरी कंपनी में अच्छी पोस्ट पर जॉब कर सके। पर वो बंदा भी सीनियर पर गुस्सा कर रहा होता है क्योंकि फाइनली जो मोपिक्स का एड है वो तो उनसे अलग ही निकलता है। सीनियर को गार्ड पकड़ के ले जाते हैं। वो बेचारा कहता रह जाता है कि मैंने बहुत सारा काम किया है, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। यहाँ सब लोग मिस ओ के ऐड देख रहे होता है, मतलब उनका ड्रामा देख रहे होते हैं। साथ में ये कहते हैं कि मिस्टर ओ मिस ओ ये सारे एक्टिंग कितने अच्छे से करती है, क्या मिस्टर शाह ने उन्हें डम कर दिया? तो डायरेक्टर कहते हैं कि बिल्कुल नहीं, वो ऐसी नहीं है, वो तो बस अच्छी एक्टिंग कर रही है। जहाँ मिस ओ आते हैं और कहती है कि क्या तुम मुझे बचाने की कोशिश कर रही हो? और वो सबसे ये कहती कि हाँ मुझे मिस्टर शाह ने डम कर दिया, तुम्हारा डायरेक्टर मुझे बस बचाने की कोशिश कर रहा है। जावो से कहती कि तुम्हारे मन में मेरे लिए क्या है जो तुम मेरे लिए इतनी हेल्प कर रहे हो? पर वो कहता है कि जावो सोचो मत, एज अ फ्रेंड मैंने तुम्हारी हेल्प करी है। जहाँ येसुल और उसकी टीम का बनाया हुआ एड दिखाया जाता है जो काफ़ी हिट रहता है क्योंकि वो काफ़ी अलग था। यहाँ येसुल को डॉक्टर और होवो बधाई दे रही होती है, पर डॉक्टर और होवो के बीच में अलग ही लड़ाई होने लगती है। तो येसुल कहती है कि तुम लोग आपस की लड़ाई ख़त्म करो, मैं तो यहाँ से जा रही हूँ। अभी भी येसुल अपने फ्यूचर के बारे में सोच सोच के परेशान हो रही होती है। जहाँ उसे बार वाले अंकल दिखते हैं, इनका नाम हेजर होता है। हेजर उनसे पूछता है कि तुम क्या कर रही हो, और साथ में उन्हें ये भी बताता है कि वो अपने फ्रेंड से मिलना आया था। येसुल के मदर के पास उसे एक्सीडेंट करने वाले बंदे का कॉल आता है जो कि उनको धमकी दे रहा होता है कि मैं उस आदमी को मार डालूंगा, साथ ही मैं अपनी बेटी को अपने साथ ले जाऊंगा। जहाँ येसुल की मदर कहती है कि वो तुम्हारे लिए, वो सिर्फ मेरी बेटी है, तुम उसके फादर नहीं हो। जहाँ हमें पता लगता है कि ये आदमी कोई और नहीं वही बार वाले अंकल हेजिन हैं, जिनकी बातें येसुल सुन लेती हैं और उसकी मम उससे कुछ छिपाती नहीं है। वो उसे कहती है कि कॉलेज में मेरा एक फ्रेंड था जो कि मेरे पीछे काफ़ी पागल था, एंड अब वो ये सब जानबूझ के कर रहा है। मिस्टर शाह से येसुल कहती है कि अब हम दोनों को साथ में रहना नहीं चाहिए क्योंकि वो बंदा मेरे पीछे पड़ गया है तो अब तुम्हें भी हर्ट हो सकता है। जहाँ मिस्टर शाह कहते हैं कि अगर तुमने कोई बुरा सपना देखा है तो मुझे बताओ ताकि मैं उस फ्यूचर को सही कर सकूँ। जहाँ वो सब कुछ बता देती है तो मिस्टर शाह कहता है कि अब तुमने मुझे सब कुछ बता दिया है तो मैं बहुत कोशिश करूँगा कि ऐसा ना हो जो तुमने फ्यूचर में देखा है। जहाँ वो उसे ये भी बताती है कि जो उसने फ्यूचर में देखा वहाँ ब्लड मून था, साथ ही किसी ऑर्फनेज का बैनर लगा था। मिस्टर शाह येसुल को हक करते हैं और उसे कंसोल करते हैं। दूसरी तरफ मिस्टर शाह ऑर्फनेज के फादर को कॉल करते हैं एंड उनसे पूछते हैं कि आप जो हर साल सेरेमनी रखते हैं क्या वो आप आज भी रखेंगे? तो वो कहते हैं कि हाँ, लेकिन हम 31 दिसंबर में रखेंगे, अभी नहीं रख रहे हैं। येसुल को रात में सपना आता है कि वो पानी में डूब रही है, साथ ही उसे ऑर्फनेज का बैनर भी दिखता है। जहाँ उसे ऐसा लगता है कि उसके साथ ऐसा पहले भी हो चुका है पर उसे कुछ याद नहीं आता। इतना बुरा सपना देखने के बाद येसुल की आँख खुलती है। मिस्टर शाह उसे वापस सुला देते हैं कंसोल करके। यहाँ येसुल को ऑफिस में बिल्कुल मन नहीं लग रहा होता और वो अभी भी अपने सपने के बारे में इन्फॉर्मेशन निकाल रही होती है कि वो ऑर्फनेज कहाँ है। यहाँ पे उसका बिल्कुल भी ऑफिस के काम में ध्यान नहीं रहता है। जब सब लोग बैनर लगा रहे होते हैं अपने एडवर्टाइजमेंट का तो उसका कोवर्कर जो होता है वो उसे कुछ किसी और को कुछ समझा रहा होता है पर उसके हैंड येसुल के लिप्स को टच कर जाते हैं। देन वो उसका फ्यूचर देख लेते हैं कि ये बंदा अभी तार में टकरा के गिर जाएगा। जैसे वो बंदा जा रहा होता है तो वो उसे मना करती है कि सामने तार है, ज़रा ध्यान से जाओ। तो वो कहता है थैंक यू, पर सामने वो किसी आदमी से टकरा के फिर से गिर जाता है और उसे चोट लग जाती है। ये देख के येसुल समझ जाती है कि फ्यूचर को हम किसी भी तरीके से मोड़ दें पर फ्यूचर तो सच होके ही रहेगा। जहाँ वो और डर जाती है अपने और मिस्टर शाह के बारे में सोच के। मिस्टर शाह येसुल के फादर से पूछते हैं, क्या कभी आपको ऐसा फील हुआ है कि किसी ने आपका पीछा करा हो? जहाँ वो कहते हैं कि नहीं, मुझे कभी ऐसा फील तो हुआ नहीं क्योंकि मैं रोज़ाना एक ही जगह से जाता हूँ। जिसकी इन्फॉर्मेशन लेके मिस्टर शाह ऑफ अपने कंप्यूटर में चेक करते हैं और उन सारे जगहों पे जाते हैं और उनके सारे कैमरेज की लेते हैं फ़ोटो एंड ये सब पुलिस वालों को दिखाते हैं। जब पुलिस वाले कहते हैं कि ऑलरेडी ये केस ख़त्म हो चुका है, तुम क्यों ये सब करना चाह रहे हो? तो मिस्टर शाह से कहते हैं कि तुमने जिस आदमी को पकड़ा है वो कल्प्रिट नहीं है, और वो उन्हें उल्टा धमकी देता है कि मैं तुम्हारे खिलाफ ही ऊपर कंप्लेन कर दूंगा। जहाँ सारी पुलिस जाके जहाँ जहाँ कैमरे के फ़ोटो मिस्टर शाह ने दिए होते हैं वो सारी फुटेज लेके आके मिस्टर शाह को दिखाते हैं। जब मिस्टर शाह अपने सुपर आइज की मदद से बता देते हैं कि कहाँ पर एक्सीडेंट हुआ है। यहाँ मिस ओ भी डायरेक्टर के पास आती हैं और वो उनसे ड्रिंक के लिए पूछना चाहती थी पर वो पूछ पाती नहीं, तो मैं डायरेक्टर खुद ही कहने कि हाँ मुझे पता है कि तुम ड्रिंक करना चाहती हो साथ में, तो चलो चलते हैं। यहाँ ये सब अपने ऑफिस में बैठती है और मिस्टर शाह उसे देख रहे होते हैं तो वो हल्के हल्के से कहती है कि तुम मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो, क्योंकि वो तो सब कुछ सुन सकते हैं। फिर वो कहती है कि ऐसे मत देखो, हम लोग ऑफिस के बाद डेट पे जाएंगे। जहाँ वो उसे अपनी सीक्रेट ट्रिक से थैंक यू मतलब ओके भी कहता है। फिर हम उन दोनों को डिनर पे देखते हैं जो कि अपनी डेट काफ़ी अच्छे तरीके से इन्जॉय कर रहे होते हैं। वो साथ में फ़ोटो खिंचवाते हैं, खाना खाते हैं, साथ में घूमते भी हैं। रात में येसुल मिस्टर शाह के घर में होती है जहाँ वो अभी भी उनके बारे में सोच सोच के काफ़ी परेशान होती है।
रात में मिस्टर शाह की जब आँख खुलती है तब वो देखते हैं कि उनके पास येसु नहीं है। देन वो उसे ढूंढने जाते हैं तो उन्हें येसु का लिखा एक लेटर मिलता है जिसमें उसने लिखा होता है कि अगर हम दोनों साथ रहे तो बहुत बुरा हो सकता है, इस वजह से मैं US जा रही हूँ, आप मेरे को ढूंढने की कोशिश मत करना, जब सब कुछ ठीक होगा तो मैं वापस लौट आऊँगी। देन येसु जा रही होती है और उसे फील होता है कि कोई उसका पीछा कर रहा है और उसे याद आता है ये तो वही बंदा है जो उसने उसके घर में एंट्री मारी थी, मतलब उसके घर में आया था। यहाँ मिस्टर शाह भी येसु के घर आते हैं और उन्हें येसु के घर के अंदर लगे सारे कैमरे दिख जाते हैं और वो येसु को बाहर ढूंढने जाते हैं। यहाँ येसु डर के मारे उसी बार वाले अंकल की शॉप पे आती है और हेजन हेजन चिल्लाती है, जहाँ हेजन उसे बोलता है कि तुम कहाँ जा रही हो, तुम ऐसे इतनी रात में कहाँ थी, तो वो उसे बता देती है कि मैं जा रही थी यूनाइटेड स्टेट में। जहाँ वो कहता है अच्छा क्योंकि तुम्हारे फादर का एक्सीडेंट हो गया, तो वो कहती है हाँ लेकिन आपको ये सब कैसे पता कि मेरे फादर का एक्सीडेंट हुआ है, तो वो कहते हैं अच्छा ये मुझे कैसे पता। देन अचानक जो येसुल है उसको चक्कर आने लगते हैं क्योंकि उसकी ड्रिंक में हाइड्रिन ने कुछ मिला दिया होता है। येसुल की आँख खुलती है और वो एक ऐसे अपने आप को एक ऐसी जगह पाती है जहाँ पे उसके बचपन के सारे फोटोज होते हैं, जहाँ पे हेजिन आता है और वो उनसे कहती है कि हेजिन ये सब क्या है, तो वो कहते हैं कि मुझे हेजिन ने मुझे डैड बुलाओ। और फिर हमने एक फ्लैशबैक दिखा जाता है जब येसुल की मदर और हेजिन अपने कॉलेज टाइम में थे, तब हेजन येसु की मदर को काफ़ी पसंद करता था एंड वो भी उससे काफ़ी अच्छे तरीके से बात करती थी, पर एक दिन येसु के डैड ने आके सब बिगाड़ दिया जिससे येसु की मदर को प्यार हो गया एंड देन उन दोनों ने शादी कर ली। ये बात देख के उसको काफ़ी गुस्सा आया कि इसको पसंद तो मैं करता था, ये किसी और से शादी कैसे कर सकती है। और फिर जब येसु भागते हुए डैड चिल्लाते हुए आ रही होती है तो हेजन खड़े होकर अपनी बाहें फैलाता है, पर वो उसे छोड़ के अपने डैड मिस्टर होंग के पास चली जाती है। ये देख के उन्हें काफ़ी बुरा लगता है जिसके बिहेवियर से हम समझ सकते हैं कि एक बहुत बड़ा साइको है जो कि किसी और की बेटी को अपनी बेटी बता रहा है। और हेजन साथ में ये भी कहता है कि इतना कुछ बर्दाश्त करने के बाद मैंने सोचा अगर मुझे मेरी फैमिली वापस चाहिए तो मुझे उसे ख़त्म करना पड़ेगा। वो येसु के घर में जाता है जहाँ पे मिस्टर होंग भी आते हैं और वो उससे कहते हैं कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो, जहाँ दोनों की बातों से पता लगता है कि इससे पहले भी हाइजन ने उनकी लाइफ में दखलअंदाजी करने की कोशिश करी है, जहाँ येसु की मदर और मिस्टर होंग ने उन्हें सब समझाया है कि जो तुम सोचते हो वो सब सच नहीं है, तुम तो बस सारा की तरफ ऑब्सेस्ड हो और तुम उससे बिल्कुल प्यार नहीं करते, अगर तुम करते तो तुम उसे अकेला छोड़ देते उसकी खुशी के लिए। जहाँ वो कहता है कि मैं तो अपनी बेटी लेके रहूँगा साथ ही अपनी वाइफ भी, और दोनों में झगड़ा हो जाता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी वाइफ और मेरी बेटी के बारे में कुछ कहने की, जिस पे और वो कहते हैं कि अब तुम मेरे घर से दफा हो जाओ, तुम्हें मैं अपने घर में एक सेकेंड भी बर्दाश्त नहीं करूँगा। वो उसे बाहर लेके जा रहे होते हैं कि हेजन चाकू लेके ही मिस्टर होंग के मार देता है और उन्हें तब तक स्टेप करता है जब तक वो नीचे ना गिर जाएं। मिस्टर होंग के चाकू मारने के बाद हेजन के सर में कुछ अजीब सा होने लगता है, उसके साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स आने लगती हैं। इस बात में जो भी मिस्टर होंग अभी भी थोड़े होश में थे वो चाकू उठा के हेजन के पैर में मार देते हैं जिसकी वजह से अभी तक हेजन लंगड़ा के चलता है। एंड गुस्से में आके हेजन ने मिस्टर होंग के सर पे काफ़ी बार हॉकी स्टिक से मार के उसने बेहोश किया, उन्हें मार ही डाला है। और वो येसु से कहते हैं कि अपनी बेटी को वापस पाने में मुझे काफ़ी वक्त लग गया। और जहाँ येसु मामले की गंभीरता समझते हुए उसे भी डैड बुलाने लगती है कि डैड मुझे माफ़ कर दो, मुझे इसके बारे में कुछ पता नहीं था, ताकि हेजन उससे कुछ ना करे। जहाँ वो बहाने से अपने रूम में जाने की कोशिश करती कि मैं अपना बचपन का रूम देखना चाहती हूँ, तो हेजन उसे भेज देता है कि मैं तुम्हें खाने पर बुलाऊँगा तो तुम नीचे आ जाना। जहाँ येसु अपने रूम में जाके परेशान होती है कि मैं यहाँ से कैसे भागूँ, ये सब कैसे हो गया। इतने में हाइजीन भी उसे बुलाने लगता है कि येसु खाना खाने आ जाओ। येसु परेशान कि मैं क्या करूँ, तो वो सामने विंडो देखती हैं। हेजन येसु के रूम में आता है और देखता है कि येसु अपने रूम से छलांग मार के नीचे जा चुके हैं। यहाँ पे उसे काफ़ी गुस्सा आता है और वो भी येसु का पीछा करता है। येसु काफ़ी टाइम से भाग रही होती है और भागते भागते वो एक बर्फीली जगह पर आ जाती है जो कि उसने अपने फ्यूचर में देखा था। यहाँ मिस्टर चा भी आ जाते हैं ऑर्फनेज में, जहाँ पर उसे पता लगता है कि जिस फेस्टिवल की वो लोग बात कर रहे थे वो लोग वो आज कर रहे हैं क्योंकि 31st को उनको कुछ काम आ गया है। जहाँ शशा शोर हो जाता है कि जो चीज़ येसु ने फ्यूचर में देखी थी वो आज ही होने वाली है। येसु हाइजन से बचते हुए बर्फ के ऊपर भागने लगती है, साथ ही हाइजन भी उसका पीछा कर रहा होता है। येसु ऐसी जगह आके रुक जाती है जहाँ बर्फ क्रैक होने लगती है और येसु के आसपास की बर्फ पूरी क्रैक हो जाती है। जहाँ मिस्टर शाह पर वो भी चीज़ देख के येसु की तरफ भागते हैं कि अचानक से येसु पानी में गिर जाती है
और ये बर्फीला पानी कितना ठंडा होगा ये तो वही जानता है जो इस पानी में गिरेगा। येसुल को बचाने के लिए मिस्टर शाह भी उसी पानी में छलांग मार लेते हैं, जहाँ पे हमें मिस्टर शाह और येसुल के बचपन के कुछ ग्लिम्स भी दिखाए जाते हैं। मिस्टर शाह फाइनली येसुल को पानी के बाहर लेके आते हैं और उसे उठाने की कोशिश करते हैं, पर उसे बिल्कुल भी होश नहीं आता। जहाँ वो उसे CPR के थ्रू उठाने की कोशिश करते हैं एंड थोड़ी देर में येसुल को भी होश आ जाता है, बट अचानक मिस्टर शाह के सर में दर्द होने लगता है क्योंकि वहाँ पे उस वक्त ब्लड मून आ चुका था। एंड हाइजन गुस्से में एक रॉड लेके अपने पास आ रहा होता है कि तुम्हारी वजह से येसुल खतरे में पड़ी है, और वो मिस्टर होंग की तरह मिस्टर शाह के भी पेट में चाकू स्टैब कर देता है और उन्हें भी तब तक मारता है जब तक वो नीचे ना गिर जाए। मिस्टर शाह बड़ी मुश्किल से हाइजन को अपने से दूर करते हैं, पर वो अब अधमरे हो चुके थे, उनसे बिल्कुल भी कुछ करा नहीं जा रहा था। यहाँ येसुल भी उठती है और मिस्टर शाह को गोद में लेते हुए रोने लगती है और कहती है कि मिस्टर शाह उठिए, आप ऐसा मुझे छोड़ के नहीं जा सकते। और वो मिस्टर शाह उठिए उठिए कहती रह जाती है, और इसी के साथ हमारा ये एपिसोड यहीं पर ख़त्म हो जाता। मिस्टर शाह के चाकू मारने के बाद हेजिन के हाथ में जो ब्लड होता है उसे देख के हेजिन घबरा जाता है। यहाँ पुलिस आके हेजिन को अपने साथ ले जाते हैं। यहाँ पे हमें पता लगता है कि हेजिन मेंटली स्टेबल नहीं है एंड वो सोचता है कि वही येसुल का फादर है, उसने उसके रियल फादर को किल नहीं करा है। दूसरी तरफ येसुल भी अभी तक मिस्टर शाह को अपने साथ लेके बैठी होती है। मिस्टर शाह को हॉस्पिटल लेके जाया जाता है जहाँ येसुल की मदर भी आती हैं, जहाँ पर हमें पता लगता है कि येसुल को अपने बचपन की जो भी मेमोरी थी वो सारी याद आ गई। फिर हमें एक फ्लैशबैक दिखा जाता है कि ये छोटी येसुल जो होती है कुछ टाइम पहले के समय में एक ऑर्फनेज के सामने रो रही होती है जहाँ मिस्टर शाह जा रहे होते हैं। उन्हें लगता है कि ये लड़की ऑर्फनेज के सामने इसके पेरेंट्स ने इसे छोड़ दिया है और ये रो रही है कि उसके पेरेंट्स अभी आ जाएंगे उसके लिए, जहाँ वो समझाते हैं कि जहाँ जो भी जिसके भी पेरेंट्स यहाँ छोड़ के जाता है उनके पेरेंट्स कभी वापस नहीं आते, तो तुम अंदर चलो। ये कह के वो अंदर जाने लगते हैं कि येसुल कहते हैं कि मैं खो गई हूँ और मैं आज के ही दिन यहाँ शिफ्ट हुई हूँ, नहीं नहीं तो मुझे यहाँ के रास्ते नहीं पता और मैं यहाँ खो गई। ये बात सुन के मिस्टर शाह येसुल को लेके उसके घर ढूंढने निकलते हैं, जहाँ उन्हें उनका घर काफ़ी टाइम तक नहीं मिलता। ढूंढने के बाद रात का समय दिखा जाता है जहाँ येसुल के पेरेंट्स घर आके येसुल को ढूंढते हैं, पर वो उन्हें यहाँ वहाँ कहीं नहीं मिलती। येसुल फाइनली अपने घर आ जाते हैं और उसके मॉम डैड उसे देख के काफ़ी खुश होते हैं, काफ़ी प्यार करते हैं। जिनको इतना प्यार करते हुए देख के मिस्टर शाह को काफ़ी बुरा लगता है क्योंकि वो तो एक ऑर्फन होते हैं। यहाँ येसुल के फादर मिस्टर शाह को थैंक यू कहते हैं कि उन्होंने उसकी बेटी का केयर करा, और वो उसे कहते हैं कि मैं आपके पेरेंट्स से मिलकर उनको थैंक यू कहना चाहता हूँ। जहाँ ये मिस्टर शाह कहते हैं कि मेरे पास पेरेंट्स ही नहीं है क्योंकि मैं एक ऑर्फनेज में रहता हूँ और मैं ऑर्फन हूँ। जहाँ वो खुश होकर कहते हैं कि चलो जैसा भी है मैं आप सबका आपका शुक्रिया करना चाहता हूँ मेरी बेटी की हेल्प करने के लिए, एंड साथ में वो ये भी कहते हैं कि वो उनसे मिलते रहेंगे। रात में ये सुर के फादर उसे सॉरी बोलते हैं कि उसने उन्हें अकेला छोड़ दिया है, साथ ही वो उसे स्टोरी सुना के सुलाने की कोशिश करते हैं। जहाँ ये सुर हमें पता लगता है कि ये सुर मिस्टर शाह को काफ़ी पसंद करने लगी क्योंकि जब से मिस्टर शाह ने उसकी हेल्प करी वो तब से उसे पसंद आ गए हैं। जहाँ उसके फादर भी खुशी खुशी उसे एक्सेप्ट कर लेते हैं। नेक्स्ट डे का सीन दिखा जाता है जहाँ कुछ बच्चे मिलके मिस्टर शाह को बुली कर रहे होते हैं। वहाँ आते हैं येसुल और कहते हैं कि मिस्टर शाह को छोड़ दो नहीं तो तुम्हारी खैर नहीं, एंड वो भागते हुए आते हैं उन बुली को मारने के लिए। फिर हमें कुछ टाइम बाद का सीन देखा जाता है कि उन बुली ने उल्टा येसुल को ही पीट पाट के अलग कर दिया है। तो मिस्टर शाह कहते हैं जब तुम्हें पता है कि तुम कोई मामला नहीं संभाल सकती तो उसमें टांग क्यों उड़ाती हो। तो वो कहते हैं कि एटलीस्ट मैं तुमसे छोटी हूँ ठीक है, और मैं थोड़ा बहादुरी तो दिखाती हूँ, तुम्हारी तरह चुप थोड़ी रहती हूँ। एंड साथ ही वो मिस्टर शाह से फिर फ्रेंडशिप भी कर लेती है ये कह के कि हम दोनों फ्रेंड बन जाते हैं क्योंकि हम लोग एक दूसरे को जानते भी हैं। अब मिस्टर शाह भी येसुल से फ्रेंडशिप कर लेते हैं, वो दोनों सामने बाहर घूमने जाते हैं, लेक के पास जाते हैं। साथ ही मिस्टर शाह येसुल को स्टोरी पढ़ के सुनाता है, जैसे सुनने के वो इतनी बोरिंग होती है कि येसुल को वहाँ नींद आ जाती है और वो मिस्टर शाह के ऊपर ही सो जाती है। फिर हम मिस्टर शाह को येसुल के घर में देखते हैं जहाँ वो सब पेंटिंग कर रहे होते हैं। मिस्टर शाह कन्फ्यूज़ होते हैं कि उन्हें कौन सा कलर इस्तेमाल करना चाहिए, तो येसुल आके कुछ अजीब सा कलर इस्तेमाल करके उनकी पेंटिंग को पूरा करने की कोशिश करती है। जिन दोनों को साथ में ऐसे काम करते हुए देख येसुल के फादर दोनों की पिक्चर क्लिक करने लगते हैं। फिर हम उन सबको येसुल के घर में साथ बैठा हुआ देखते हैं जहाँ पर न्यूज़ चल रहे होते हैं कि आज ब्लड मून आने वाला है जो कि 22 सालों में सिर्फ एक ही बार आता है। और ये ब्लड मून जब आता है तो एक एक पर्टिकुलर इंसान को या किसी इंसान को उसकी एक विश ग्रांट करके जाता है। अब यहाँ मिस्टर शाह येसुल के फादर से पूछते हैं कि आप एडवर्टाइजमेंट कैसे करते हो, क्योंकि उसके फादर भी एड बनाने का काम करते थे। तो वो बताते हैं कि बस जिस चीज़ का प्रोडक्ट एडवर्टाइजमेंट करना चाहते हैं उससे आप प्यार करिए, उसकी खूबी को जानिए, तभी आप ऐसा कर पाएंगे। अब फिर शाम में मिस्टर शाह और येसुल घर आते हैं। मिस्टर शाह अंदर कुछ देखते हैं, वो येसुल को कहते हैं कि तुम बाहर रुको, जब तक मैं बाहर नहीं आता तुम बाहर ही रुको।
वो अंदर आके देखते हैं कि मिस्टर शाह देखते हैं कि यीशु के फादर उनकी डेड बॉडी पड़े और वो वहाँ हेजिन को देख लेते हैं। हेजिन मिस्टर शाह के पीछे आते हैं एंड मिस्टर शाह यीशु को लेके भागते हैं। वो बाहर आके आने के बाद यीशु को किसी जगह छुपा देते हैं और हेजिन को चकमा देके वहाँ से भाग जाते हैं। वापस आते और यीशु से कहते हैं, यीशु मैं आ गया। तो यीशु कहती है कि हाँ सर मैं भी आ रही हूँ। इतने में यीशु का पैर स्लिप होता है और वो लेक में गिर जाती है और ये वही सीन होता है कि वो पानी में गिर रही है। देन मिस्टर शाह पानी में उसी तरीके से छलांग मारते हैं जिस तरीके से उन्होंने कुछ टाइम पहले मारी होती है एंड वो यीशु को बाहर लेके आते हैं। जब यीशु अपनी आँखें नहीं खोलती, होश में नहीं आती है, तो वो यीशु को CPR देने के थ्रू उसे जगाने की कोशिश करते हैं। यहाँ यीशु भी जग जाती है लेकिन मिस्टर शाह के सर में दर्द होना शुरू हो जाता है। यहाँ हम ये चीज़ कनेक्ट कर सकते हैं कि उस दिन के बाद से, उस इंसिडेंट के बाद से दोनों में ये एबिलिटी आ गई है। और यहाँ ये बात जानने के बाद कि यीशु को सब कुछ याद आ गया है, उसकी वो हो जाती है शक। फिर हम फिर से एक पिछला टाइम दिखा देता है कि जब यीशु को होश आया था उस इंसिडेंट के बाद, तब से उसके दिमाग से मिस्टर शाह की जो भी मेमोरी थी वो सब गायब हो चुकी थी। और इस बात को उसकी मदर ने उसे याद दिलाने की कोशिश नहीं करी क्योंकि अभी वो बड़े ट्रॉमा से निकले थे, वो नहीं चाहती थी कि वो फिर से किसी चीज़ में पड़े। और यही वो वक्त होता है जिस वक्त यीशु और उसकी मदर ने मिस्टर शाह को हॉस्पिटल में छोड़ के चले गए थे। यहाँ हम दोनों को फ्यूनरल में देखते हैं यीशु के फादर के, जहाँ उसने अपनी मदर से कहते हैं कि मुझे पहले ही पता था कि फादर के साथ कुछ ऐसा होने वाला है, क्योंकि जब उसने अपने फादर को एडमिट देखा था और जब उनके हाथ पे किस किया था तब उसने अपने फादर का ये सीन देख लिया था कि वो डेड होने वाले हैं। यहाँ यीशु को डॉक्टर बताते हैं कि मिस्टर शाह सही कंडीशन में, पर अभी भी वो अनकॉन्शियस है और कोई गारंटी नहीं है कि वो कब अपने होश में आएंगे। यीशु मिस्टर शाह के पास बैठी होती है और ये सेम सीन होता है जिस तरीके से बचपन में यीशु मिस्टर शाह के पास बैठी थी और उसने कहा था कि हम फ्यूचर में ज़रूर मिलेंगे। यीशु को याद आता है कि मिस्टर शाह ने उससे कहा था कि क्या कभी तुम्हें ऐसा लगा कि यहाँ पर कोई एक चीज़ है जो तुम्हें बिल्कुल याद नहीं आ रही और वो तुम्हारे लाइफ में काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जहाँ वो बात नहीं समझ पाती। और वो ये भी बात सोचती कि जब उसने मिस्टर शाह के घर में अपनी और मिस्टर शाह की बनाई पेंटिंग देखी थी तो उसने पूछा था कि ये पेंटिंग किसने बनाई, और दरअसल वो पेंटिंग यीशु और मिस्टर शाह दोनों ने मिलकर ही बनाई होती है। यहाँ यीशु रोते और मिस्टर शाह से माफ़ी मांगते कि मुझे माफ़ कर दो कि मैं तुम्हें पहचान नहीं पाई। यहाँ ऑफिस में सब लोग परेशान होते हैं कि यीशु भी ऑफिस नहीं आई, अरे वो मिस्टर शाह के पास जाते हैं कि वो भी मिस्टर शाह भी नहीं आए ऑफिस और ये लोग परेशान, अब हम ये सब कैसे संभालेंगे। यीशु अपने ऑफिस में रिजाइनेशन लेटर दे देती है जहाँ उसके सीनियर समझाते हैं कि मुझे पता है कि तुम मिस्टर शाह के लिए काफ़ी परेशान हो, पर तुम्हें रिज़ाइन नहीं करना चाहिए, मैं तुम्हें 1 महीने की छुट्टी दे दूँगी ताकि तुम उनका ख्याल रख सको, लेकिन रिज़ाइन मत करो, हमारी कंपनी को तुम जैसे लोगों की काफ़ी ज़रूरत है। अब यहाँ मिस्टर शाह को इस हालत में देख के मिस ओ की हालत हो जाती है ख़राब और वो रो रो के परेशान हो जाते हैं, जिनको संभालना हो जाता है काफ़ी मुश्किल। डॉक्टर बड़ी मुश्किल से उन्हें बाहर ले जाते हैं। यहाँ डॉक्टर के सारे स्टूडेंट बैठे होते हैं और यही बात कर रहे होते हैं कि जब से मिस्टर शाह की ये प्रॉब्लम हुई है तब से उन्होंने खाना बंद कर दिया है डॉक्टर ने, और ना ही वो खुश नज़र आते हैं। ये बात सुन के होवा को काफ़ी टेंशन हो जाती है। होवा आते ही डॉक्टर के पास और उन्हें खाना देके कहते हैं अपना खाना टाइम पे खा लेना और परेशान मत होना, नहीं तो मेरे को परेशानी हो जाएगी और मैं तुम्हारी फिक्र करने लगूंगी। ये कह के वो चली जाती हैं एंड डॉक्टर उसके पीछे जाते हैं कि क्या पता उसके दिल में अभी भी मेरे लिए कोई फीलिंग हो। यहाँ मिस्टर शाह के पास उनके डॉक्टर बैठे होते हैं, ये सुलाती है। फिर हम दोनों को साथ में बैठा देखते हैं जहाँ डॉक्टर कहता है कि मुझे मिस्टर शाह ने तुम्हारे बारे में काफ़ी कुछ बताया है और तुम्हारी एबिलिटी और उनकी एबिलिटी में काफ़ी अंतर है, और मुझे ये लगता है कि आप दोनों को ये एबिलिटी इसलिए मिली है ताकि आप एक दूसरे को प्रोटेक्ट कर सको, एंड जैसे ही आप एक दूसरे को प्रोटेक्ट करने का वक्त ख़त्म हो जाएगा तो आपकी एबिलिटी भी चली जाएंगी, और जहाँ तक मैं अंदाज़ा लगा रहा हूँ कि मिस्टर शाह जल्दी ही होश में आ जाएंगे। इसके बाद यीशु भी उनका थैंक यू कहकर वहाँ से जाने लगती है। यीशु के पास किसी का कॉल आता है और वो कॉल होता है हॉस्पिटल से। वो भागते हुए जाती है, हमें पता लगता है कि मिस्टर शाह को होश आ चुका है। यीशु फौरन जाके मिस्टर शाह को हक करते और कहते हैं कि अगर तुम आज होश में नहीं आते तो मैं अपने आप को कभी माफ़ नहीं कर पाती। मिस्टर शाह उसे अलग करते और कहते हैं, क्या मैं आपको जानता हूँ, कौन हो आप? और ये चीज़ सुनने के बाद बेचारी यीशु वॉज लाइक, अबे तुम हमें भूल गए। यीशु मिस्टर शाह को याद दिलाने की कोशिश करती है कि मैं फ्यूचर देख सकती हूँ एंड मैंने देखा था कि हम दोनों साथ में इंटीमेट होंगे, तो हम दोनों साथ में इंटीमेट हुए थे और मैंने आगे के फ्यूचर भी देखे थे। जहाँ वो कहता है फ्यूचर, क्या तुम फ्यूचर देख सकती है? वो कहती है कि हाँ मैं फ्यूचर देख सकती हूँ और साथ में तुम्हारे पास भी बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एबिलिटीज़ हैं। तो वो हंसता है कि ऐसा हो नहीं सकता। यीशु कहती है, यार हम लोग कपल हैं, रिलेशनशिप में हैं, एक दूसरे को काफ़ी पसंद करते हैं एंड बचपन से भी हम दोनों साथ में हैं। बचपन में तुम्हें
जाना था कि तुम किस तरीके से मेरे आगे पीछे घूमते थे। तो मिस्टर शाह कहता है एक्सक्यूज मी, वो मैं नहीं था जो हमारे आगे पीछे घूमता था, बल्कि तुम थे जो मेरे आगे पीछे घूमती थी। तुम्हें याद आया? इतने में मिस्टर यूसर को गुस्सा आता था, वो उन्हें मारने लगते क्योंकि मिस्टर शाह की याददाश्त कभी गई ही नहीं थी। वो बस यहाँ पे ऐसा नाटक कर रहे थे कि उनकी याददाश्त चली गई, जिसके बाद वो यूसर को करते हैं किस। एंड यूसर सोचते कि यूसर को फ्यूचर क्यों नहीं दिखाई दिया। एंड साथ ही मिस्टर शाह की जो एबिलिटीज़ हैं वो भी गायब हो जाती है। यहाँ ये दोनों कन्फ्यूज कि इन दोनों की एबिलिटीज चली तो गई कैसे। जहाँ घर पे आने के बाद यूसर काफ़ी ज़्यादा मिस्टर शाह को किस करती है, बट फिर भी उनमें से किसी को कोई भी एबिलिटी का मतलब बिल्कुल अभाव नहीं हो रहा होता है। वो परेशान होते हैं। मिस्टर शाह कहते हैं आप तो अच्छी बात है ना, हमारी एबिलिटी चले गई हैं। एंड देन फिर वो यूसर के साथ कुछ ऐसा करने लगता है। कहता है क्यों ना अब हम वो करें। यूसर उन्हें दूर हटाती है पर वो मानते ही नहीं और वो करते ही जाते हैं। फिर हम यूसर और मिस्टर शाह को रूफ टॉप पर देखते हैं, जहाँ अभी भी मिस्टर शाह कंपनी के काम से खुश नहीं होते और नुक्स निकाल रहे होते हैं। जहाँ यूसर को डायरेक्टर का छोड़ा हुआ लेटर मिलता है, जहाँ वो कह रहे होते हैं कि मुझे पता है कि तुम मुझे प्यार नहीं करती है, तुम किसी और से प्यार करती हो, बट इट्स ओके, मैं तुम्हें माफ़ कर सकता हूँ। एंड हम लोगों ने जो भी मेमोरी अपने साथ शेयर करी है, साथ में टाइम बिताया है, वो मेरे लिए किसी कीमती वक्त से कम बिल्कुल नहीं है। एंड साथ ही वो उसे एक गुड विश जो है देता है। एंड ये भी कहता है कि तुमने मुझसे प्रॉमिस किया था कि तुम मेरे साथ 3 डेट्स पे जाओगी, पर तुमने वो प्रॉमिस तोड़ दिया, पर कोई बात नहीं, मैं तुम्हें माफ़ करता हूँ। एंड देन हमें पता लगता है कि डायरेक्टर ये कंट्री छोड़ के ही कहीं बाहर जा रहे हैं। यहाँ ये लोग हॉस्पिटल मतलब ऑफिस आते हैं। एंड दोनों लव टाइप रोमांस टाइप कर रहे होते हैं। यूसर कहती है कि हाँ मैं चाहती हूँ तुम्हारे साथ हमेशा रहना और तुम्हारे से हमेशा प्यार करना। तो मिस्टर शाह कहता है कि तुम चाहती हो कि हम लोग शादी कर लें। देन वो कहती है बिल्कुल नहीं, मेरा मतलब हमेशा डेट ही करें। फिर हमें कुछ वक्त बाद का सीन देखा जाता है। यहाँ पे किसी बात पर नाराज़ होकर यूसर कर लेती है मिस्टर शाह से ब्रेकअप। एंड पता लगता है कि वो इसलिए कर रहे हैं क्योंकि उसका फ़ोन खो गया और मिस्टर शाह उसके फ़ोन का पता लगा नहीं पाए। वो कहती है कि अगर तुम्हारे पास तुम्हारी एबिलिटीज होती तो तुम मेरे फ़ोन का बिल्कुल आराम से ध्यान मतलब बिल्कुल आराम से पता लगा लेते। एंड यहाँ वो कहते हैं क्या अगर तुम फ्यूचर देख लेती तो कि तुम्हारा फ़ोन चोरी होने वाला था, तो ये भी तो कितनी अच्छी बात होती, तुम मेरे पे कहते क्यों कर रही हो। जहाँ यूसर को गुस्सा आता है। एंड वो कहती है अच्छा तुम मेरे साथ ऐसे करोगे, ठीक है ब्रेकअप। एंड साथ में वो फिर इल्ज़ाम लगाते हैं कि तुम ऑफिस की लड़कियों के साथ हंस हंस के बातें करते हो ना। एंड मिस्टर शाह कहता है कि वो तो बिल्कुल नहीं करता, हम तो बस काम करके बातें करते हैं। एंड दोनों में लड़ाई हो जाती है और दोनों ब्रेकअप करके चले जाते हैं। देन मिस्टर शाह आके उससे कहते हैं अच्छा सॉरी ना, मेरी गलती थी, मैं उस लड़की को ब्लॉक कर लूँगा। एंड यूसर भी वापस आके कहती है कि हाँ सॉरी, अब से मैं अभी ऐसा नहीं करूँगी। एंड देन वो दोनों वापस साथ में हो जाते हैं और उनका पूरा ऑफिस उन पर हंस रहा होता है। फिर हम उन दोनों को एयरपोर्ट पे देखते हैं, जहाँ पे उनकी फ़्लाइट हो जाती है डिले बिकॉज उनकी जो होती है वेदर ख़राब हो जाता है। जहाँ वो मिस्टर शाह गुस्सा करते हैं कि तुम्हें पहले पता नहीं था कि आप फ़्लाइट ऐसे होने वाली है। तो वो कहते हैं मुझे क्या पता था, फोरकास्ट ने कहा कि कोई बारिश नहीं होगी पर अचानक से हो गई। जहाँ वो उस पर इल्ज़ाम लगाती कि काश तुम फ्यूचर देख सकती। जहाँ फिर से दोनों के बीच में लड़ाई होने लगते हैं। एंड यूसर वाज लाइक आई वॉन्ट ब्रेकअप। एंड देन उसे ब्रेकअप करके चले जाती है और मिस्टर शाह बेचारे सारे पैकेट लेके उसके पीछे आ रहे होते हैं कि अच्छा माफ़ कर दो, अच्छा माफ़ कर दो। फिर दोनों का पैचअप हो जाता है। दोनों घर पे होते हैं जहाँ यूसर कहती है कि तुम्हें डेट करना कितना मुश्किल है और वो भी कहता है कि हाँ तुम्हें डेट करना काफ़ी मुश्किल है। इस बात पे यूसर को गुस्सा आता है कि अच्छा तुम जो कहना चाहते हो तुम मेरे साथ रहना पसंद नहीं करते, चलो ठीक है फिर ब्रेकअप। तो मिस्टर शाह कहते हैं कि अच्छा मैंने तुमसे कहा था ना अगर तुमने मुझसे ब्रेकअप कहा तो मैं फिर सच में कर लूँगा। तो वो कहती है हाँ तो करो ना सच में ब्रेकअप, और वहाँ से जाने लगती है। मिस्टर शाह भी कहता है ठीक है तो इस बार सच वाला ब्रेकअप हो गया है हमारा। यहाँ हमें ऑफिस का सीन दिखा जाता है जहाँ पे ये बंदे कर रहे होते हैं आराम। एंड यहाँ पे कर रहे होते हैं मिस्टर शाह एंड यूसर काफ़ी लड़ाई अपनी, और इनकी लड़ाई में बेचारे फिस रहे होते हैं बाकी ऑफिस वाले, क्योंकि इनकी लड़ाई बहुत ज़्यादा ख़तरनाक वाली होती है जो कि कभी रुकने का नाम ही नहीं ले रही होती। सब परेशान होते हैं कि भाई रुक जाओ रुक जाओ, पर ये लोग बिल्कुल नहीं रुकते हैं। इनको तो मतलब फ़र्क ही नहीं पड़ता ना कि आपस पास हो ही क्या रहा है, आपस में लड़ते ही रहते हैं। और जहाँ हमें पता लगता है कि ये तो एमजी ने एक टॉयलेट किया है कि वो ऐसा ऐड बनाया है उसने। यूसर कहती है कितना अजीब सा ऐड है कि दो कपल ऑफिस में इतनी बुरी तरीके से लड़ रहे हैं। तो एमजी कहते हैं कितना रिलेटिव है तुम्हें नहीं लगता, क्योंकि वो मिस्टर यूसर को टॉन मार रही होती हैं। यूसर इसको बिल्कुल अप्रूव नहीं करती और मना कर देती हैं। जहाँ पे आते मिस्टर शाह और कहते हैं कि हाँ ये प्रपोजल काफ़ी ही घटिया है। तन ये बात सुनते ही आती जो यूसर हमारे गुस्सा होती है मिस्टर शाह पे। वो कहते हैं कि नहीं नहीं प्रपोजल तो काफ़ी बढ़िया है, हम इस पर काम कर सकते हैं। तो मिस्टर शाह कहते हैं कि तुम्हें पता है हमारे डायरेक्टर ने भी हमारे साथ काम करने को मना कर दिया है। जहाँ वो एक दूसरे के ऊपर ही इल्ज़ाम लगाने लगता है और दोनों वापस लड़ाई करने लग जाते हैं। एंड ऑफिस वाले वॉज लाइक हाँ भाई यार तुम लोग अभी चुप भी हो जाओ। देन फिर हम कंपनी के डायरेक्टर को देखते हैं जो काफ़ी बुरी हालत में लग रहे होते हैं।
और जहाँ पता लगता है कि इनकी इस हालत के पीछे कोई और नहीं है, हमारे मिस्टर शाह एंड येसुल ही जिम्मेदार हैं। जहाँ वो उससे माफ़ी मांगते हैं कि प्लीज़ आप हमारे साथ काम कर लो, दैन वो कहता है कि अच्छा तुम्हें पता है मुझे कुछ सारी बीमारियाँ होगी तुम लोगों के चक्कर में, तो मिस्टर शाह कहता है कि अच्छा ठीक है मैं येसुल की तरफ से आपसे माफ़ी मांगता हूँ। तो वो कहता है अच्छा तुम तो येसुल से भी काफ़ी घटिया हो, तुम्हारी वजह से मैं परेशान हो सका हूँ, तुमने मुझे एक ही एडवर्टाइजमेंट को करने के लिए 42 बार कहा, मैं तो बिल्कुल परेशान हो गया कि इसे करना कैसे है और तुमने मेरा दिमाग ख़राब कर दिया। अब हम यहाँ कंपनी में दोनों को देखते हैं ना, अभी लोग सोच रहे होते हैं कि किसी डायरेक्टर को कैसे रखें। जहाँ येसुल जो होगी परेशान होती है, वो कहती है कि हम हमारे डायरेक्टर को रख लेते हैं पुराने वाला जो मेरा एक्स बॉयफ्रेंड था। लेकिन इस बात को सुनते ही मिस्टर शाह को गुस्सा आता है, जो कि काफ़ी जेलस होता है और कहता है कि बिल्कुल नहीं, हम उन्हें बिल्कुल नहीं रख सकते। एंड ऑफिस वाले फिर से यार तुम लोग कभी ऑफिस के में लड़ाई ख़त्म ही कर लो। दैन हम उन दोनों को घर में देखते हैं, जहाँ पता लगता है कि होवो और डॉक्टर शादी करने वाले हैं, साथ में होवो प्रेग्नेंट भी है। जहाँ वो कहते हैं क्या तुम पागल हो, तुम शादी करने वाले हो, तुम हम दोनों को देख के कोई तुम्हें सीख नहीं मिलती कि हम दोनों में कितनी लड़ाई होती रहती है। और तो वो कहते हैं कि हाँ तुम तो बस लड़ाई करते रहो, हम तो कम से कम अपनी लाइफ में आगे बढ़े जा रहे हैं, तुम तो ऐसे ही रहोगे। जहाँ पे येसुल के फादर भी कहते हैं कि अब तुम दोनों को आगे नेक्स्ट स्टेप भी ले लेना चाहिए था। येसुल कहते हैं नहीं हमारा सच में ब्रेकअप हो गया, वो गुस्से में चली जाती है ऊपर। मिस्टर शाह उसके पीछे आता है, येसुल कहती है कि देखो मैं दोबारा कोई पैचअप नहीं करने वाली। तो मिस्टर शाह कहते हैं कि घर चलो। वो कहती है मैं क्यों जाऊँ, मैं तो मैंने कहा ना कि मैं पैचअप नहीं करूँगी। मिस्टर शाह कहते हैं कि घर जाके अपना सारा सामान ले लो, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मैं तुम्हारा घटिया सामान अपने घर के अंदर देखूँ। ये बात सुनकर येसुल को काफ़ी गुस्सा आता है, अरे वो वापस कहते हैं लड़ाई करने लग जाती है। फिर हम मिस ओ और डायरेक्टर को किसी इवेंट में देखते हैं, जहाँ पे वो मिस ओ क्या उससे कुछ सवाल पूछते, डायरेक्टर उसका कोई जवाब नहीं देते हैं। तो वो कहती है अच्छा अगर मैं तुम्हें कोई ढंग का सवाल पूछूं और कोई सीरियस सवाल पूछूं तो क्या तुम उसका सीरियसली जवाब दोगे। तो वह कहते हैं हाँ बिल्कुल दूंगा, अगर तुम मुझसे कोई एक्चुअल क्वेश्चन पूछोगी तो। येसुल में से छा के घर में से अपना सारा सामान लेके जा रही होती है, जहाँ वो डायरेक्टर का देखती है इंटरव्यू, जो कि बता रहा होता है कि उनकी नेक्स्ट मूवी में जो हमारा विलन होने वाला है वो है मिस्टर छा, जो कि जो है बहुत बुरी मौत मरने वाला, वो भी फर्स्ट सीन के अंदर ही। हो सकता है उसका मर्डर हो सकता है वो हॉरिफिक मौत मरे, हो सकता है वो नेचुरल मौत मरे, पर उसकी मौत होना निश्चित है। और वो टीवी की तरफ देखते हुए कहते हैं देखा तुमने मिस्टर शाह, मैं तुम्हें मार के रहूँगा। उसकी ये सब बातें सुन के मिस्टर शाह का बन जाता है मुँह एंड वो टीवी बंद करता है। तो येसुल कहती है कि तुमने टीवी क्यों बंद किया, मुझे जानना था कि मिस्टर शाह के साथ आके क्या होने वाला है। यहाँ पे ये लोग वापस टीवी ऑन करते हैं। देन वहाँ पे वो काफ़ी तारीफ़ करती हैं डायरेक्टर की और कहते हैं कि हम लोग काफ़ी अच्छे फ्रेंड्स हैं, काफ़ी अच्छे इंसान हैं एंड ब्ला ब्ला ब्ला। एंड साथ में ये भी कहते हैं कि मिस्टर शाह को मुझे किस करने का मौका मिलेगा मूवी के अंदर। ये बात सुन के येसुल को गुस्सा आता है, उसको जेलिसी होती है कि ऐसे कैसे कह सकते हैं। मिस्टर शाह उसे कहते हैं क्या तुम्हें जेलिसी हो रही है। तो येसुल कहती है बिल्कुल नहीं। यहाँ मिस ओ लाइव टीवी के सामने डायरेक्टर से पूछते हैं कि क्या तुम मुझे लाइक करते हो, क्या तुम मुझे पसंद करते हो। देन वो कहता है कि तुम क्या बात कर रही हो। वो कहती है अरे मतलब एज ए एक्ट्रेस तुम मुझे कैसा फील करते हो। तो वो कहता है हाँ तुम एक्ट्रेस काफ़ी अच्छी हो, काफ़ी अच्छा काम करती हो। देन वो कहती है अच्छा और एज ए गर्ल क्या तो तुम रियल में मुझे पसंद करते हो। और ये बात सुनकर डायरेक्टर कहते हैं तुम अपना बताओ तुम मुझे पसंद करती हो कि नहीं करती। देन वो कहते हैं कि मैं आपको बहुत पसंद करती हूँ। जिसका ये क्वेश्चन ये जवाब सुन के पूरी मीडिया हो जाती है पागल। एंड वो कहते हैं कि यही था मेरा एक्चुअल क्वेश्चन जो मैं तुमसे जानना चाहती हूँ। जिसका इतना तगड़ा लाइव कन्फेशन सुनने के बाद डायरेक्टर हो जाते हैं काफ़ी खुश और वो स्माइल करते हैं। मुझे तो ना पहले ही पता था कि दोनों की कहानी होने वाली है, क्योंकि ये लोग कितने अच्छे लगते हैं साथ में, मैंने स्टार्टिंग में भी कहा था आप लोगों से। यहाँ येसुल गुस्सा आती है कि मेरा एक्स बॉयफ्रेंड मुझसे कहता था कि वो मुझसे बहुत प्यार करता है, तो वो अब किसी और को डेट करने लगा है। और जो मुझे मेरा करंट बॉयफ्रेंड कहता है कि मैं तुमसे प्यार करता था, वो मुझसे लड़ाई करता रहता है, मेरी तो ज़िंदगी ख़राब है। ज़्यादा दोनों में फिर से लड़ाई हो जाती है। और जाते हुए येसुल अपनी ड्राइंग वापस लेके जाने लगती है। ये मिस्टर चाओ से रोकता है और कहता है ये मेरी है। येसुल जा रही होती है धीरे धीरे और वो पीछे मुड़ के देखती है कि मिस्टर शाह उसके पीछे नहीं आ रहे। देवन वो कहती है कि वो तो मेरे बिल्कुल पीछे आ ही नहीं रहा है, वो तो मुझसे कहता था कि मैं उसकी फर्स्ट एंड लास्ट लव हूँ, पर ये तो झूठ निकला। तो मिस्टर शाह की ये बताती है और वो कहते हैं कि तुम सच में मेरी फर्स्ट एंड लास्ट लव हो। जहाँ वो उसे मनाता है और कहता है कि प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो ना, मैं आपसे ऐसा नहीं करूँगा, प्लीज़ पैचअप कर लो ना, कर लो ना। देन येसुल कहते हैं चलो ठीक है मैं पैचअप कर लेती हूँ। अब वो लोग साथ में जा ही रहे होते हैं, फिर वो लोग करते हैं एक दूसरे को किस, और किस करने पे मिस येसुल काफ़ी खुश होती है कि अब उसे कोई फ्यूचर नज़र नहीं आएगा। लेकिन सडनली उसको एक फ्यूचर विजन दिखाई देता है और इसी के साथ हमारा ये एपिसोड, ये ड्रामा और यही सीज़न यहाँ पे एंड हो जाता है।
हो सकता है कि इसका आगे का एक नया सीज़न है, क्योंकि अभी यशपाल की फ्यूचर देखने की एबिलिटी चली गई थी, देन अचानक वापस आ गए, तो हो सकता है कि इसके नेक्स्ट सीज़न में इसके आगे की कहानी दिखाई जाए। बाय द वे, आप लोगों को ये ड्रामा कैसा लगा आप मुझे ये कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए, एंड साथ ही आप इस ड्रामा को मिस करेंगे कि नहीं। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।